बढ़िया 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 क्या हालचाल दोस्तों क्या हालचाल यार गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवान सबसे पहले तो मुझे ये बताओ पे हाय हर्षित छाया नमन दीपू अदितिवी एफ टी एफ टी एफ जी गेमिंग अनामिका अरुण ऋतिक दीपू मुस्तफा अलका अंशी द वर्ल्ड पिंटू दीपू तनु लक्ष्य

एक्साइटेड हो कि नहीं हो भैया पहले तो ये बताओ कुछ कुछ पढ़ रखा है या कुछ भी नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री में भैया बताइए जरा स्टार्ट करेंगे मिनट में है ना हाय हाय नमस्ते नमस्ते अरे जय श्री राम जय श्री राम अनमन जी नमस्ते बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बी पॉजिटिव मेरे दोस्तों ठीक है अरे सब करवाएंगे सारे चैप्टर्स करवा दूंगा हमारे सात चैप्टर्स ऑलरेडी वॉरियर बैच में हो चुके हैं ये हमारा आठवां चैप्टर है इसके बाद छह और चैप्टर्स रह जाएंगे थर्टी फर्स्ट जनवरी तक सारे चैप्टर आपके मैं खत्म कर दूंगा चिंता मत करना टेंशन मत लेना ठीक है चलिए पूरा आता है बहुत बढ़िया रिविजन करना है बहुत अच्छे कुछ नहीं आता थोड़ा थोड़ा आता है बहुत बढ़िया ठीक है पढ़ा है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बढ़िया चलो सेवेंटी आता है ठीक है तो यार एक चीज बोलूंगा कुछ आता है नहीं आता उससे सही में जेन्युनली कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आपको सारी बातें एकदम बेसिक से बताने वाला हूं और एकदम एडवांस तक लेकर जाने वाला हूं ऐसा कोई भी ना सोचे कि वन शॉट लेक्चर मान मान लो कोई नया नया बच्चा आया है यूट्यूब पर पहली पहली बार कोई लेक्चर देख रहा है आप प्लीज ये मत सोचना मेरी जान कि यूट्यूब पर क्या ही पढ़ाएंगे क्या वन शॉट में क्या ही कराएंगे बेसिक से बताएंगे नहीं मैं एकदम सारी बातें बेसिक से बताऊंगा देखो पहले आधे घंटे में सब समझ में आ जाएगा

लो लेवल क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं और कुछ टफ लेवल क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं ये टफ लेवल सीबीएसई आपसे पूछेगा नहीं पर हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए उस अकॉर्डिंग ठीक है चलिए तो स्टार्ट करेंगे भैया बिना किसी देरी के वादा कर रहा हूं इस वीडियो के बाद बस अपने आप से बैठ कर बीस पच्चीस क्वेश्चन लगा लेना किसी भी बुक का उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लगभग सारे दस पंद्रह साल में सीबीएसई ने जितने टेक्नोमेट्री के आइडेंटिटीज पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे मैं लेकर आया हूं ठीक है और सारी बातें सिखाऊंगा सोचना सिखाऊंगा अगर अभी तक किसी को आइडेंटिटी समझ में नहीं आती कैसे क्वेश्चन में सोचना होता है सब मैं बताऊंगा चिंता मत करना पर बस मेरे पास विश्वास रखना ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट एच लिखो भी अगर आप सब रेडी है, है तो फटाफट बॉक्स में लिखो ई एच, एच, एच और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है गुड इवनिंग बस विश्वास करना और पेशेंस रखना दोस्तों ठीक है बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं मैं जानता हूं डर लग रहा होगा पर आपका काम क्या है वन स्टेप एट अ टाइम वन डे एट अ टाइम आज अपना बेहतर करो कल अपना बेहतर अपने आप हो जाएगा आज पर फोकस करो अभी इस लेक्चर पर फोकस करो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं वर्थवाइल होगा लेक्चर देखना चलिए भैया स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कहानी तो जैसा कि मैंने बताया हम लोग तीन चीजें पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस For some और पढ़ेंगे। इन पर नहीं है बहुत आते हैं। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लेकर आऊंगस आ गए तो और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सब संभाल लूंगा चिंता मत करना चलिए तो यार सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड क्या है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का सिंपल सिंपल मतलब बताऊ

ठीक है इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा आप ये मुझे बताइए सर कॉन्फिडेंस नहीं आता ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करने समय पेशेंस रख ठंड रख बने रहे बस लास्ट तक सब बताऊंगा बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं मतलब कम से कम साठ सत्तर सवाल लेकर आया हूं यार है ना चलिए बताइए बेस क्या होगा भैया बेस क्या होगा भैया अरे बता फंड अरे कहा अरे कहा गए बेस तो बता दीजिए हा बेस आपका लोग बोलेंगे बीसी पर आपको एक बात याद रखनी है आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि बेस बीसी होगा पर आप बेस बीसी नहीं मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे मैं आपको बताता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा एंगल 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 के 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 हिसाब 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 से 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 बेस 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 होता 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 है 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 क्या बोला मैंने एंगल के हिसाब से, से, से बेस होता है सर कहने का मतलब क्या दोस्तों मान लो मान लो मैंने इस एंगल को मान लो मैंने इस एंगल को थीटा लिया क्या बोला मैंने इस एंगल को मैंने थीटा लिया मतलब मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ठीक है दोस्तों थीटा एक तो ये वाले साइड पर लाए कर रहा है एक तो ये वाले साइड पर लाइय कर रहा है यस और नो जो थीटा है एक तो ये साइड पर, तो पर लाए कर रहा है एक तो साइड पर लाइक कर रहा है यस यस और नो सर ठीक है अब सुनिएगा ध्यान से भाई या तो ये बेस होगा या तो ये बेस होगा ये एंगल जिन साइड्स पर टिका होता है उनमें से कोई ना कोई एक बेस होता है ये बात आपको याद रखना है पर 90 डिग्री के सामने वाला 90 के सामने वाला हमेशा हाइपो होता है तो कहने का मतलब अगर यह आपका हाइपो हो गया तो बचा हुआ आपका बेस हो गया मतलब बेस आपका बीसी हो गया और यह आपका परपेंडिकुलर हो गया समझ में आया अब एक और इंपॉर्टेंट बात बेस को आप लोग एडजेसेंट साइड भी कहते हो बेस को आप लोग एडजेसेंट साइड भी कहते हो और परपेंडिकुलर को आप लोग परपेंडिकुलर को आप लोग अपोजिट साइड भी कहते हो क्या इतनी बात समझ आई बेस को आप लोग एडजेसेंट साइड भी कहते हो परपेंडिकुलर को आप लोग अपोजिट साइड भी कहते हो एक और सवाल पूछूंगा फटाफट आंसर करना दोस्तों मानो मैंने इसको बोला ट्राइंगल ए बी सी मैंने ये आपका 90 डिग्री लिया मानो इस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं मानो मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में दे रहा हूं इसको मैंने बोला थीटा मुझे बताओ थीटा के लिए बेस क्या होगा परपेंडिकुलर क्या होगा मुझे बताइए इस एंगल के लिए एंगल ए के लिए यानी अगर एंगल थीटा यहां पर लू तो इस एंगल के लिए बेस क्या होगा इस ट्राइंगल का गलती नहीं करना बेस बी ऐसे मत बोल देना सोचना पड़ेगा बेस क्या होगा बताइए फटाफट बताइए बेस होगा हां वेरी गुड समझ में आ रहा क्यों देखो या तो ये बेस होगा या तो ये बेस होगा क्यों एंगल इन दोनों साइड पर टिका है यह एंगल इन दोनों साइड पर टिका है तो या तो यह बेस होगा या तो यह बेस होगा भाई ये तो हाइपो होगा ना नाइनटी के सामने वाला 90 के सामने वाला हमेशा हाइपो होता है तो बचा हुआ बेस हो गया और यह आपका परपेंडिकुलर हो गया याद रखिए परपेंडिकुलर को आप लोग अपोजिट साइड भी कह सकते हैं और बेस को आप लोग एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं ठीक है अब मैंने क्या बोला ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स वगैरह निकाल सकते हैं समझ मारा है अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। दोस्तों एक लिया ये। मैंने बातेंगल लिया इसको मैंने 90 डिग्री का ट्राइंगल लिया एबीसी नो में आंसर करना अगर मैं आपको ये वाली साइड दे रहा हूं चौदह अगर मैं आपको ये वाली साइड दे रहा हूं चौदह और मैं ये वाली साइड आपको बारह दे रहा हूं क्या आप मुझे तीसरी साइड निकालकर बता सकते क्या आप मुझे तीसरी साइड निकालकर बता सकते हैं यस और नो में आंसर करो मुझे आंसर नहीं चाहिए क्या यस और नो में आंसर करो क्या आप मुझे तीसरी साइड निकालकर बता सकते हो क्या आप मुझे तीसरी साइड निकालकर बता सकते हो पहले पांच दस मिनट एकदम बेसिक समझेंगे उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर जम करेंगे ना बताइए भैया यस यस बिल्कुल बताओ कैसे भैया कौन सी थ्योरम से सर पाइथोग थ्योरम से मेरी बात ध्यान से सुनना पाइथोग थ्योरम से पायथ थ्योरम से अगर आपको किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड पता है तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो दो साइड पता है तो तीसरी साइड निकाल सकते हो पर पता है सर क्या बताता हूं मान मान लो अगर अगर आपको आपको ये राइट राइट एंगल एंगल दिया दिया हुआ हुआ है है लीजिए आपके पास एक ठीक है ओके सर और मानिए मैंने लिया ए ये मैंने लिया बी ये मैंने लिया सी मान लो इसको मैंने बोला थ्री ठीक है और मैंने इसको बोला नाइनटी क्या अब आप मुझे ये दोनों साइड निकाल कर बता सकते हो यस और नो में आंसर करना क्या इस कंडीशन में आप मुझे ये दोनों साइड निकालकर बता सकते हो यस और नो में आंसर करना यस और नो में आंसर करना बताइए बताइए क्या इस कंडीशन में क्या इस जहां पे मैंने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया एक साइड तीन दी क्या आप मुझे बाकी दोनों साइड निकालकर बता सकते हैं बता सकते हैं फिलहाल नहीं बता सकते फिलहाल नहीं बता सकते क्यों

इन दोनों में से इन दोनों में से आपको कोई भी एक एंगल पता होगा आप ये दोनों साइड निकाल सकते हैं इतनी बात समझ गए तो लिखो एस जी समझ गए कहने का मतलब क्या तीसरी साइड या फिर ऐसा बोलू ये दोनों साइड निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं आप ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हो शर्त यह है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक एंगल पता होना चाहिए क्लियर हुआ क्लियर हुआ क्लियर हुआ, हुआ? समझ कैसे वो मैं बताऊंगा कैसे वो बताऊंगा ठीक है अब सुनिए

मिस्टर नोबडी करके है ना उन्होंने उनकी हाइट गेस्ट मार दी उन्होंने उनकी हाइट मार दी कैसे ट्रिग्नोमेट्री की मदद से लुक्स लाइक फीट बट नाउ आई एम क्यूरियस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप हाइट्स और डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं मोटा मोटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कैसे करेंगे वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा फिलहाल वो करने के लिए हमें समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या होता है हमें समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस जरा ध्यान दीजिए ठीक है आज थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज है तो पर कोई बात नहीं चलिए फॉरवर्ड करते हैं इसको भी आ, समझते हैं दोस्तों रेशियो मतलब क्या रेशियो मतलब क्या समथिंग अपॉन समथिंग समथिंग अरे फॉर एग्जाम्पल अरे भैया आपकी एज है पच्चीस साल और हमारी एज मान लो पचास साल तो हम दोनों की एज का रेशियो क्या होगा जल्दी बताइए अगर आपकी एज 25 साल है हमारी एज 50 साल है तो हम दोनों की एज का रेशियो क्या हो गया जल्दी बताइए जल्दी बताइए रेशियो मतलब क्या समथिंग अपॉन समथिंग मतलब जिन भी चीजों की रेशियो की बात करी जा रही उनको आप डिवाइड कर दो क्या रेशियो को बताना जरा क्या होगा भैया क्या होगा भैया क्या होगा भैया जल्दी बताइए क्या होगा वन इज टू टू है ना

राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और और का लिया इस रेशियो को नाम दिया गया इस रेशियो को नाम दिया गया साइन थीटा इसको ऐसा बोलते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा इसको बोलते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा ऐसे रीड करते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा साइन ऑफ एंगल थीटा अभी धीरे धीरे आपको यह समझ में आ जाएगा अगर आप पहली पहली बार देख रहे हो तो

दोस्तों ये दोनों हो गया ये दोनों हो गया अब इन दोनों को ले लेता हूं तो अपॉन बी को हम लोग क्या बोलते हैं थीटा। समझ दिरे दिरे क्लियर हो अगर पहली पहली बार पढ़ रहे हो ये क्या है कुछ नहीं इस रेशो को नाम दिया गया इस रेशो को नाम दिया गया इस रेशो को नाम दिया गया समझ में आ रहा है ठीक है सर अब सुनिए दोस्तों भाई अब अगर आपकी एज अपॉन मेरी एज करूंगा तो वन इज तो टू आएगा पर मेरी एज अपॉन आपकी एज करूंगा तो टू इज वन आएगा एच अपॉन पी को बोला को सेकेंड थीटा क्या बोला भैया को सेकेंड थीटा क्या बात समझ आ रही है क्या बात समझ आ रही है ठीक है और ये बी अपॉन एच है एचअपी अगर मान लो मैं अगर मैं एच अपॉन बी लू एच अपॉन बी को बोला भैया सेकेंड थीटा क्या बोला सेकेंड थीटा यानी ऑफ एंगल थीटा बस नाम दिए जा रहे हैं हैं इन्हीं को बोलते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैसे ही पी है मान लो बी अपॉन पी लिया अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो लिया तो इसको मैं बोलता हूं कोटैंजेंट थीटा क्या बोलता हूं कोटैंजेंट ऑफ एंगल थीटा या फिर कोटैंजेंट थीटा ठीक है

टेंजेंट ना लिख के मैंने इसको tan थीटा लिख दिया tan ऑफ एंगल थीटा कोसेकेंट ना लिख के मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा लिख दिया ठीक है सेकंड ना लिख के मैंने इसको sec थीटा लिख दिया प्लीज ध्यान दीजिएगा और कोटेंजेंट ना लिख के मैंने इसको cot थीटा लिख दिया ये आपके शॉर्ट फॉर्म है ये आपके शॉर्ट फॉर्म है क्या है ये क्यों है ये मैं आपको समझाऊंगा बस फिलहाल समस्या ऑफ क्या किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का राइट एंगल ट्राइंगल में बेस उसको मैं टैन right तो थीटा कहता हूं एच अपॉन पी लिया उसको मैं कॉस थीटा कहता हूं एच अपॉन बी लिया उसको मैं सेक थीटा कहता हूं अपॉन पी लिया इतनी बात क्लियर हुई इतनी बात क्लियर हुई तो लिखो सी एच क्लियर है तो क्लियर सर कहना क्या चाहते हैं देखो अभी क्वेश्चन समझ में आएगा अभी नहीं समझ में क्वेश्चन से समझ में आएगा इंपॉर्टेंट बात जनाब क्या एंगल के हिसाब से बेस होता है एंगल के हिसाब से बेस होता है ये बात याद रखना ठीक है चलिए अब इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कहना क्या चाहना थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी जरा ध्यान दीजिएगा ना इनर ट्राइंगल एबीसी दोस्तों एक ट्राइंगल एबीसी है मान लीजिए ठीक है भैया राइट एंगल एट ए तो भैया राइट एंगल है ए पर राइट right एंगल है किस पर ए पर ठीक है चैट पीछे चल रही है क्या चैट चलो कोई बात नहीं ठीक है राइट ठीक है तो ए भी आपको 12 दिया हुआ है ए भी आपको 12 दिया हुआ है ठीक है भैया ए सी आपको 5 दो ठीक है भैया बी सी 13 अच्छा ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए हुए फाइंड द साइन ऑफ एंगल बी क्या निकालने को बोला आपसे निकालने को बोला साइन ऑफ एंगल बी जिनको नहीं आता वो समझो अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होता है साइन ऑफ एंगल बी है ना

एंगल बी के लिए एंगल बी के लिए बेस क्या होगा भाई एंगल बी इन दोनों साइड पर लाइक कर रहा है एंगल बी इन दोनों साइड पर लाइक कर रहा है तो 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 या या ये ये बेस बेस होगा होगा कौन सा बेस होगा 90 के सामने वाला तो हमेशा हाइपो होता है तो बचा हुआ ये बेस होगा या आपका परपेंडिकुलर होगा प्लीज ध्यान देना प्लीज फोकस करना तो बस कितना आ गया आपका आंसर साइन बी कितना आ गया आपका ये आ गया आपका साइन ऑफ एंगल भी आ गया परपेंडिकुलर कितना परपेंडिकुलर आपका पांच हाइपो कितना तेरह तो ये आ गया आपका साइन भी समझ में आया समझ में आया समझ में आया ठीक है अच्छा इधर देखो आप कॉस सी निकालने को बोला क्या कॉस सी मतलब मतलब कोसाइन सी कॉस सी किस किसके बीच में रेशियो होता है ये बेस अपॉन किस किस के बीच में, में होता है भैया बेस अपॉन हाइपोटिन्यूस ठीक है तो कॉस सी की बात करूं दोस्तों एंगल सी के लिए एंगल सी के लिए फोकस करना एंगल सी के लिए इधर देखिए इधर देखिए जनाब इधर देखिए पर्पल वाला एंगल सी के लिए बेस बदल जाएगा समझ रहे हो इस एंगल के लिए ये बेस होगा इस एंगल के लिए बेस क्या होगा 90 के सामने वाला 90 के सामने वाला हाइपो होता है तो बचा हुआ ये आपका बेस हो जाएगा ये तो आपका हाइपो रहेगा ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा एंगल सी के लिए ठीक है तो करो आंसर फटाफट बेस कितना बेस आपका पांच हाइपो तेरा तो ये भी आपका पांच पॉइंट तेरा आएगा ये भी आपका पांच पॉइंट तेरा आएगा समझ में आ रहा है यह भी आपका पांच पॉइंट तेरा आएगा ठीक है आइए टैन की बात कर ले टैन ऑफ एंगल भी या फिर टैंजेंट ऑफ एंगल भी फुल फॉर्म अगर बोलूं तो किस किसके बीच में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लीज फोकस करना दोस्तों एंगल बी के लिए याद रखिए एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर एंगल बी के लिए बेस लिया जाएगा तो एंगल बी के लिए इस एंगल के लिए इस एंगल के लिए, लिए परपेंडिकुलर क्या है ये है पांच और बेस क्या है बारह तो आ गया पांच अपॉन बारह क्लियर हुआ तो लिखो सी एच क्लियर है क्लियर हुआ तो लिखो अरे रिकॉर्डेड क्लास नहीं है भाई लाइव क्लास है मेरी जान ऐसे काहे करेंगे और रिकॉर्डेड होती है तो वहां पे लिखा आता है कुछ प्रीमियर हो रहा है लिखा आ रहा है क्या ठीक है अरे प्रियांशु अरे क्या कर रहे हो तुम लोग ठीक है क्लियर है सबको ठीक है बस एक चीज याद रखनी एंगल के हिसाब से बेस होता है बस एक चीज याद रखनी एंगल के हिसाब से बेस होता है और ये सारे रेशियोज याद कर लीजिए फटाफट जिसने अभी तक याद नहीं करे फटाफट याद करो क्या

ये गलत है समझ में आए बात भाई अगर साइन थीटा लिखा है बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इसका मतलब होगा साइन इन थीटा ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता समझ में आ रहा है दोस्तों एक ही, दोस्तो, ही चीज का मतलब आप ऐसा सोचो अगर सिर्फ और सिर्फ कहीं पे साइन लिखा है इसका कोई मतलब नहीं ये बात है। रहे है। इसका मतलब कुछ नहीं है भाई ये नॉनसेंस बात है एकदम नॉन बात है अगर कहीं पे ऐसा लिखा है साइन लिखा है या फिर टैन लिखा है या फिर कॉट लिखा है या फिर सेक लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है ये गलत है गलत से मेरा मतलब क्या ये अधूरा है ये सब एंगल्स के साथ चलते हैं ये सब एंगल के साथ चलते हैं वो एंगल कुछ भी हो सकता है तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए क्या साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता कि साइन इंटू थीटा गलत 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 आइए अब अगले लेवल के क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल आराम सुनिएगा आपको साइन ए की वैल्यू तीन बाय पांच दी हुई है मतलब एक छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ठीक है, है। मेरी बात ध्यान सुनना ठीक है आपको साइन ए मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है आपसे बोला कॉस ए और टेन ए निकालो कॉस ए और टेन ए निकालो कॉस ए और टेन ए निकालो सर कैसे करेंगे सर कैसे करेंगे मैं बताता हूं तो सब लोग फटाफट मुझे बताना अगर आपको कॉस ए निकालना है, भाई जो निकालने को बोला वो निकालने जाते हैं अगर आपको कॉस ए निकालना है, तो कॉस क्या होता है कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटनस और अगर आपको टैन ए निकालना है प्लीज मेरी बात ध्यान सुनना अगर आपको टैन ए निकालना है तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यस और नो मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर आपको कॉस ए और टेनए की वैल्यू निकालना है तो आपको अगर आपको ए निकालना, और निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड पता होनी चाहिए ये तो पता नहीं है पर कुछ दिया हुआ है उससे कैसे निकालेंगे देखो जरा हमको दिया है साइन ए की वैल्यू ध्यान देना हमको दिया है साइन ए की वैल्यू तीन बाय पांच हमको दिया हुआ है एक तीन तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पी एच की तीन अपॉइन पांच दी हुई है अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं बच्चे ये गलती करते हैं कि परपेंडिकुलर को थ्री मान लेते हैं हाइपो को फाइव मान लेते हैं सही कह रहा हूं मैं परपेंडिकुलर को थ्री मान लेते हैं हाइपो को मान लेते हैं ऐसा आप एग्जाम में कि वैसे आपको लोगे और हाइपो की वैल्यू आप कुछ फाइव टाइम्स ऑफ एक्स लोगे ऐसा क्यों लेते हैं बोलोगे तो रीजन बता दूंगा बाकी ऐसा लेते हैं समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला परपेंडिकुलर की वैल्यू थ्री नहीं लोगे थ्री एक्स लोगे और एच की वैल्यू फाइव नहीं फाइव एक्स फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब समझना परपेंडिकुलर तो आ गया हाइपो तो आ गया बेस भी निकालो क्योंकि बेस की जरूरत पड़ेगी तो बस आपने एक राइट एंगल ट्रैंगल बनाया जरा ध्यान दीजिएगा ठीक है आपने राइट एंगल ट्रेंगल बनाया भैया ओके सर या फिर मत ही बनाओ कोई जरूरत नहीं है ठीक है

तो यहाँ पे बेस आपका चार आएगा बट एनी पे आपको बेस निकालना है, तो जाएगा। से जाके आपका प्लस माइनस दो वैल्यूज के साथ ऐसा बनेगा भाई जब भी जाता है अंडर रूट आता है दो वैल्यूज आती है एक प्लस की एक माइनस की तो बेस की वैल्यू सिक्सटीन का अंडर रूट फोर होता है दोस्तों बताओ मैंने पॉजिटिव फोर क्यों लिया

तो बेस कितना आ गया बेस आ गया आपका फोर एक्स हाइपो कितना आ गया आपका फाइव एक्स 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 जाएगा तो ये आ गया आपका, 5X, तो आ गया आपका 4 upon 5. ठीक है आप बिना लेकर भी वेरी गुड सही एकदम बेस नेगेटिव नहीं हो सकता अरे बेस एक लेंथ है ट्राइंगल का एक लेंथ एक साइड का लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा इसलिए नेगेटिव नहीं लिया अब सुनना मेरी बात आप बिना एक्स लेकर भी कर सकते हो पर सही तरीका एक्स लेकर ही होता है तो इसकी वैल्यू क्या आगे भैया परपेंडिकुलर क्या थ्री एक्स ध्यान देना बेस क्या बेस आपका बेस आपका फोर एक्स तो ये आ गया आपका थ्री अपॉन फोर एक्स एक्स होप बात समझ में आ गई होगी चलिए एक करके दिखाइए जल्दी से एकदम कॉस भी दिया हुआ है अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू फटाफट निकाल के दिखाइए एकदम फटाफट एकदम बेसिक से चलेंगे एडवांस तक लेकर जाऊंगा चिंता मत करना चलिए तो समझो कॉस भी आपको दिया हुआ है वन अपॉइंट थ्री वन अपॉइंट थ्री कॉस भी क्या होता है भैया बेस अपॉन हाइपोटिनस तो बेस आपको दिया हुआ है वन एक्स हाइपो आपको दिया हुआ है थ्री एक्स फटाफट बताइए परपेंडिकुलर कितना आएगा फटाफट निकालिए परपेंडिकुलर कितना आएगा लगाते हैं तो ठीक है अरे बेस दिया है हाइपो दिया है लगेगी तो हाइपो की जगह मैंने लिखा थ्री एक्स का होल स्क्स टू पी की जगह मैंने लिखा का स्क्वायर बेस की जगह मैंने कहा वन एक्स का हो स्क्त पी स्क्त स्क्सर ठीक है तो आपके पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई दोस्तों एट एक्स स्क् वही चीज पी स्क्वायर उधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट एट एक्स स्क् और अंडर रूट एट कितना होता है अंडर रूट एट दोस्तों आप ऐसा भी सोच सकते हो नेगेटिव को इग्नोर कर दो नेगेटिव को इग्नोर करा एट को आप लिख सकते हो टू इंटू टू इंटू टू और आ जाएगा एक बाहर आ, एक आ जाएगा तो ये आपका मोटा मोटा ऐसा आ गया टू रूट टू एक्स आपके पी की वैल्यू आ गए टू रूट टू एक्स ठीक निकाल लो बस क्या निकालना अदर फाइव तो सबसे पहले साइन निकाल लेते हैं साइन ऑफ एंगल साइन ऑफ एंगल बी निकालना है कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो तो P कितना है? P है आपका थ्री एक्स तो एक्स एक्स कटा टू रू टू बास कटा टू रू टू लेते हैं बता दो रीजन चलो बताता हूं अभी अभी बताता हूं एक्स क्यों लेते हैं ठीक है चलो फटाफट निकालो कॉसेक बी क्या होगा कॉशेक बी दोस्तों

ऑफ एंगल भी आप लोग निकालोगे आपका वन अपॉन टू रूट टू आ जाएगा तो बस ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई ठीक इजी है तो लिखो इजी है इजी है तो लिखो इजी है अभी तक सारी बातें मेरे ख्याल से इजी ही लग रही होंगी ठीक है ठीक है इजी है ना अभी सबको समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं जल्दी लिखो फिर मैं आपको समझाता हूं क्यों लिया जाता है ठीक है

पच्चीस साल फिर रेशियो कितना होगा रेशियो कितना होगा अरे रेशो कितना होगा सर एक्स ना ले तो कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्क्स दे देंगे बट सही तरीका एक्स लेकर ही होता है मेरी जान है ना बताता हूं जरा तो आप देखो ना आपकी अपॉन मेरी एज का जो रेशियो होगा वो पंद्रह बाय पच्चीस यानी थ्री बाय फाइव होगा यानी थ्री टू फाइव होगा ठीक है अब मुझे बताओ अगर ए अपॉन एम थ्री बाय फाइव लिखा है अगर a अपॉन m अगर a अपॉन m 3/5 लिखा है तो क्या इसका मतलब ये होगा आप इसको भूल जाओ फॉर एग्जांपल आप इसको दिमाग से अगर हटा देते हो तो क्या इसका मतलब ये होगा कि a की वैल्यू 3 है m की वैल्यू 5 है यस और नो में आंसर करना मैं फिर से बोलूंगा जैसे अभी लिखा था p अपॉन h अगर 3 अपॉन 5 लिखा था तो आप p की वैल्यू 3 h की वैल्यू 5 ले रहे थे यस और नो वैसे ही अगर A upon M upon लिखा है, तो क्या आप ए की वैल्यू थ्री और एम की वैल्यू फाइव डायरेक्ट ले सकते हो सोच के देखो, देखो, देखो। सोच सोच के सो, मतलब के नहीं, मतलब नहीं सर समझ में आ रहा है तो यहां से आप समझो ए की एज तीन साल नहीं है एम की एज पांच साल नहीं है उनकी एक्चुअल एज क्या है समझो दोस्तों इसमें और इसमें एक नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके दोनों की एक्चुअल एज आएगी फिर से बोलूंगा भाई आपकी एज साल नहीं है तीन में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ तीन में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपकी एक्चुअल एज आ जाए फाइव करना पड़ेगा कि नहीं फिर फाइव या फिफ्टीन होता है और वैसे ही मेरी एज पांच साल नहीं है मेरी एज में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके पच्चीस साल आएगा क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पांच तो ऊपर नीचे पांच मल्टीप्लाई करा तब जाके तब जाके ए और एम की एक्चुअल वैल्यू आएगी तब जाके ए और एम की एक्चुअल वैल्यू आएगी इसीलिए इस इस कांस्टेंट वैल्यू को इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं एक्स कह देता हूं इसलिए मैं लिखता हूं कि ए की वैल्यू कुछ थ्री एक्स होगी और एम की वैल्यू कुछ फाइव होगी इस केस में एक्स की वैल्यू फाइव है समझे तो लिखो समझे समझे तो लिखो समझे अरे स्टैंडर्ड के लिए बिल्कुल इनफ है मेरी जान बिल्कुल इनफ है बिल्कुल इनफ है ठीक है समझे तो बता दिया है चलो। पड़ उसी पर सवाल करेंगे। जल्दी से करो आराम से क्वेश्चन करिएगा गलत होने के चांसेस है, तो है एक ट्राइंगल ए बी एबीसी राइट एंगल एट सी मान लो ये राइट एंगल एट सी ध्यान देना

यहाँ पर यहाँ पर करने की जरूरत नहीं होती यहां पर बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं होती है ना चलिए अब देखिए फटाफट एच बताइए आपके एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच आपका हो जाएगा एच आपका हो जाएगा एच, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्र प्लस बी स्क्तर एच स्क्स टू पी का स्क्वायर स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट थ्री एक्स का स्क्वायर रूट थ्री एक्स का स्क्वायर ठीक है तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई ये आ गया आपका वन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई फोर जाएगा तो प्लस माइनस अंडरवुट फोर एक्स स्क्वायर ठीक है पर आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे अंडरवुट फोर टू होता है अंडरवुट एक्स स्क्वायर टू एक्स होता है तो ये आपके एच की वैल्यू आ गई एच आपका टू एक्स आ गया अब अब ध्यान दीजिएगा, फटाफट बताओ साइन होगा आपको इस पूरे चीज की वैल्यू निकालना है मतलब पता होना चाहिए, कितना होगा साइन ऑफ एंगल ए सर साइन ऑफ एंगल मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेस ठीक है अब यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए पता गलती क्या देखो इधर

कुछ रूट थ्री एक्स दिया हुआ है और हाइपो आपका अभी अभी निकाला हाइपो हाइपो कितना है हाइपो 2X है भैया आपका आया ठीक गलती नहीं गलती नहीं चलिए तो एंगल के के लिए लिए एंगल देखो तो परपेंडिकुलर आपका यही रहेगा ये यह वन एक्स हाइपो कितना टू एक्स तो यह आ गया आपका वन बाय टू बहुत बढ़िया एक वैल्यू आ गई आपकी वन बाय टू ठीक है अब निकालते हैं कॉज भी देखना यहां पर कंफ्यूजन होगा

तो 1x upon 2x ही होगा यानी ये भी आपका ये भी आपका 1 upon 2 ही होगा समझ में आ रहा है अब इसको देखो जिसको नहीं समझ में cos a को देखो cos ऑफ एंगल a की वैल्यू cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस एंगल a के लिए देखिए एंगल a के लिए बेस क्या रूट √3x हाइपो क्या 2x तो ये हो गया आपका रूट √3x हाइपो आपका 2x x x कटा ये आपका रूट √3 2 हो गया

जिसको नहीं आ रहा मैं एक बार फिर से बताता हूं फिर से बताता हूं सुनो मेरी बात सब लोग सुनना प्लीज फोकस करना एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है सही बात है तो एंगल ए के लिए एंगल ए के लिए ये बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा तो यहां पे मैंने रूट थ्री एक्स लिख लिया यहां पे मैंने वन एक्स लिख लिया हाई मैंने निकाल लिया अब अगर एंगल ए की बात करूंगा तो ये बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा पर एंगल बी की बात करूंगा तो ये बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा चेंज नहीं होने वाला फिर से बोलूंगा फिर से बोलूंगा सबसे पहले मैंने ट्राइंगल की तीनों साइड निकाल ली कैसे निकाली वो आपको पता है अगर एंगल ए की बात करूंगा तो ये बेस होगा अगर एंगल बी की बात करूंगा तो ये बेस होगा ये आप जानते हो ये मैंने आपको सिखा दिया ठीक है बस अब क्या करना है भैया रख लो यहां पे। तो डायरेक्ट करूं साइन ए की जगह मैंने लिखा वन बाय टू कॉस बी की जगह लिखा मैंने वन बाय टू प्लस कॉस ए की वैल्यू रूट थ्री बाय टू और यहां पे भी साइन बी की रूट थ्री बाय टू कितनी आ जाएगी दोस्तों वन इंटू वन हो गया वन तो या गया वन बाय फोर रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है थ्री टू टू जा टू होता है फोर या आ गया आपका फोर बाय वन फोर बाय फोर दैट इज वन या आपका आंसर समझे इजी देख लो भी आराम से एकदम

क्या करना पड़ेगा अरे थीटा मतलब पी से थीटा मतलब मतलब तो आपको एच मतलब के तीनों पता करने पड़ेंगे है ना पता कर लीजिए भैया, तो अगर मैं बात करूं, फड़ा फड़ा, थीटा आपका चार अपॉन पांच है। मतलब होता है। दोस्तों यहीं से आपको समझ में आ रहा है अगर फोर एक्स है हाइपो फाइव एक्स है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज आपका बेस कितना हो जाएगा बेस आपका थ्री एक्स हो जाएगा क्या ये बात समझ आ रही है तो से रख लीजिए हाँ पे फोर इंटू पी अपन बी माइनस फाइव थी अपॉन एच याद होना चाहिए मतलब बी अपॉन पी चीजें याद होनी चाहिए रख लो तो फोर पी अपन बी की जगह दोस्तों पी अपॉन बी तो पी अपॉन बी डायरेक्ट फोर अपॉन थ्री लिख रहा हूं

अरे ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है नीचे वाला नीचे वाले से यहां पे आ गया आपका थ्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे थ्री प्लस थ्री फाइव बाई थ्री प्लस थ्री सही है आंसर बताइए भैया आंसर बताइए तो यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा थ्री और वन का एलसीएम ध्यान दीजिएगा थ्री और वन का एलसीएम थ्री होता है ऊपर क्या थ्री में क्या मल्टीप्लाई करूं थ्री आए फिर से बोलूंगा थ्री और वन का एलसीएम थ्री होता है

मान लो अगर ऐसा लिखा है इसको पीछे बताता हूं मान लो ऐसा लिखा है ऊपर एक फ्रैक्शन लिखा है और नीचे एक फ्रैक्शन लिखा है कैसे सॉल्व करते हैं इसको सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा ए इंटू डी हो जाएगा और अपॉन में सी इंटू बी यानी बी सी हो जाएगा ये बात आपको समझ में आ रही है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो बस यहां पर भी क्या होने वाला है यहां पर भी क्या होने वाला भैया वही सेम चीज पहले कर लो सिक्स माइनस नाइन होता है जाके जाके सबसे ऊपर ये ऐसा तो सेवन इंटू थ्री आ गया ये सेवन इंटू थ्री और यहां पे आ गया थ्री इंटू फोर्टीन थ्री इंटू फोर्टीन थ्री से थ्री कटा सेवन टू जा फोर्टीन आंसर आ गया आंसर आ गया वन बाय टू ठीक 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 है भैया चलिए एकदम स्टार्टिंग में एकदम बेसिक बेसिक सवाल है चलिए अभी तक इजी लग रहा है आई होप लग रहा होगा आई होप लग रहा होगा चलिए अब अब अब, अब 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 मैं आपको ये चीज सिखाता हूं क्या सिखाऊं आपको मैं ये सिखाता हूं जरा फोकस करेगा दोस्तों जरा फोकस करेगा ठीक है मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं प्लीज फोकस कर रहा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इज साइन ऑफ एंगल थीटा साइन ऑफ एंगल थीटा फाइव अपॉन फोर पॉसिबल सोच के देखो जरा सोच के देखो जरा क्वेश्चन क्या है थीटा की वैल्यू फाइव पॉइंट फोर पॉसिबल क्या 5 upon 4 हो सकती है सोचो सब लोग बोल रहे हैं नो क्यों 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 का है नहीं का है भैया अरे काहे पॉसिबल नहीं ऐसा काहे कह रहे है भी है कि पॉसिबल नहीं है नो सर सब लोग बोल रहे नो अरे रीजन रीजन आई वीजन आई वीजन

आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं भाई एक्स तो चलो कुछ भी होगा एक्स तो चलो टू होगा थ्री होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है ना हाइपो हाइपो छोटा है बेस परपेंडिकुलर बड़ा है ऐसा कैसे हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ रहे क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने परपेंडिकुलर हाइपोटनस से बड़ा दे रखा है और ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है देर फोर देर फोर साइन थीटा साइन टा कैनॉट बी इक्वल टू जो भी दिया हुआ है फाइव पॉइंट फोर समझ में आई चीज आपको बस ये नोटिस करना है कि हाइपो छोटा नहीं होना चाहिए चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आंसर करके दिखाइए स्टेट वेदर का फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है पहला वाला गुरु जी ट्रू होगा कि फॉल्स होगा सेक ऑफ एंगल ए की वैल्यू बारह बाई पांच दी फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए एंगल ए की कुछ भी वैल्यू हो सेक ऑफ एंगल एंगलो बारह बाय पांच दिया हुआ है क्या यह पॉसिबल है क्या सेक ए की वैल्यू 12 बाय पांच हो सकती है सेक क्या होता है अपॉन बेस तो हाइपो आपको बड़ा ही दिखाई दे रहा है हाइपो आपको देखो ना हाइपो आपको बड़ा ही दिखाई दे रहा है ना हाइपो आपको कुछ ट्वेल्व दिखाई दे रहा है बेस आपको कुछ फाइव दिखाई दे रहा है तो हाइपो आपको बेस से बड़ा ही दिखाई दे रहा है और ऐसा पॉसिबल है और ऐसा पॉसिबल है मतलब पहला वाला आपका टूरू 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 क्या हो गया टूरू समझ में आया बहुत बढ़िया अगला वाला कॉस ए इज द एब्रीविएशन एब्रीविएशन का मतलब एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है कोसेकेंड ऑफ एंगल ए का ट्रू या फॉल्स ट्रू या फॉल्स बताइए जरा ट्रू या फॉल्स अगला ट्रू है फॉल्स है कॉस ए एब्रीविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेकेंड ऑफ एंगल ए का टूरू 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 या फॉल्स टूरू कुछ लोग बोलते हैं टूरू कुछ लोग बोल रहे फॉल्स कुछ लोग बोलते हैं टूरू टूरू ज्यादा लोग बोलते अरे रे 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 जो टूरू बोल रहे हैं देखो जरा अब चपड़गंज है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक ऑफ को एंगल ए और कोस ए किसका होता है बड़ा शॉर्ट फॉर्म होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए दोनों में डिफरेंस है समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस है भाई कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म कोसेक होता है कॉस नहीं होता कॉस तो कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है याद करो ना साइन कॉस टैन कॉट कोसेक, को, सेक है ना तो ये आपको फॉल्स ये आपका फॉल्स अगला बताइए फॉल्स यॉल्स कॉटे इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए ये लोग बोल रहे हैं कि जो कॉटे होता है उसका मतलब होता है कॉट इंटू ए उसका मतलब होता है ट्रू या फॉल्स ये तो आपको समझ में आ गया कॉट ए तो, का मतलब कॉट इंटू ए नहीं होता दोस्तों ये फॉल्स लिखा हुआ है। ये फॉल्स। अगला बताओ साइन थीटा की वैल्यू चार बाई तीन फॉर सम एंगल कोई भी एंगल हो यहां पे कोई भी एंगल हो चालीस पैतालीस साठ पचास एक लाख कितना भी एंगल हो क्या साइन थीटा की वैल्यू कभी भी चार बाय पांच आएगी साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच चार अपॉन तीन दिया हुआ है हाइपो आपको छोटा दिखाई दे रहा है मतलब ये आपका फॉल्स है मतलब ये आपका फॉल्स है क्लियर चलिए ये बेसिक सवाल मैंने आपको करवा दिया अब हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे कुछ और अच्छे सवाल पर ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा

मेरे को एक राइट ट्राइंगल ओपी क्यू दिया जा रहा है जहां पे पी पर राइट right ट्राइंगल है ठीक है ठीक है ओपी आपको साथ दिया हुआ है ये आपको साथ दिया हुआ है ठीक है ओ क्यू माइनस पी क्यू वन दिया हुआ है आए? बोल के देखो जरा ओ क्यू माइनस पी क्यू तो ओ क्यू माइनस पी क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू आपको वन दिया हुआ है ठीक है ठीक है समझ में आ रहा है कि दोनों साइड का डिफरेंस दिया हुआ है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू क्या निकालने को बोला साइन क्यू निकालने को बोला और कॉस क्यू निकालने को बोला तो हम तो जानते कैसे निकालना कैसे निकालना होता है, बताना sin Q मतलब, सही बात है। अरे साइन निकालने को बोला मैं साइन निकालने गया अब देखता हूं अगर कहीं अटकूंगा तो फिर सोचूंगा तो क्यू के लिए दोस्तों साइन क्यू के लिए क्यू के लिए परपेंडिकुलर हाइपो क्या है क्यू के लिए क्यू के लिए ये बेस होगा ये हाइपो होगा ये परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर होगा OP हाइपो होगा ओ क्यू तो ये होगा आपका OP अपॉन ओ क्यू सही बात है अगर मैं कॉस Q की बात करूं अगर मैं कॉस Q की बात करूं तो यहां पर भी क्या ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपो Q के लिए Q के लिए बेस होगा PQ हाइपो होगा ओ क्यू बेस होगा PQ हाइपो होगा ओ क्यू अच्छा तो समझ में तो आया समझ में तो आया प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज मेरी बात ध्यान सुनिएगा साइन क्यू आप निकालने गए ऐसा आया कॉज क्यू आप निकालने गए ऐसा आया पर प्रॉब्लम यह है कि आपको पी क्यू और ओ क्यू तो पता ही नहीं है आपको पी क्यू और ओ क्यू पी क्यू और ओ क्यू पी क्यू और ओ क्यू तो पता नहीं है यस और नो नो यस और तो यहां पर आप अटक जाओगे यहां पर आप अटक जाओगे फिर क्या करेंगे फिर क्या करेंगे अब आप सोचो आपको पी क्यू और ओ क्यू निकालना है पीक्यू और ओ क्यू निकालना है क्या दिमाग में आ रहा है क्या दिमाग में आ रहा है 90 डिग्री का ट्राइंगल देखे ही नहीं सकता दिमाग में ना है। आ रहा है दिमाग में लगा दो क्या पता कुछ काम हो जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जरा तो बाई पीटी ध्यान देना जरा बाय मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं जानता हूं कि जो हाइपो का स्क्वायर होता जो OQ का है जो ओक्यू का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर 되고 तो गया आपका op का स्क्वायर प्लस pq का स्क्वायर अब जो जो दिया जरा रखो जरा तो op oq स्क्वायर मैंने वैसा का वैसा लिख रहने दिया oq का होल स्क्वायर मैंने वैसा का वैसा मुझे पता ही नहीं है मुझे पता ही नहीं oq कितना है याद देना ना op कितना op कितना 7 तो op की जगह तो आ गया 49 7 का स्क्वायर 49 प्लस pq का होल स्क्वायर अब क्या करें अब यहां पर भी अटक गए

भाई आपको ओ क्यू और पी क्यू ओ क्यू और पी क्यू निकालना है ना तो आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है तो एक इक्वेशन ये रही ओ क्यू और पी क्यू के फॉर्म में एक आपको दी हुई है ओ क्यू और पी क्यू के फॉर्म में ओ क्यू और पी क्यू के फॉर्म में ओ क्यू और पी क्यू के फॉर्म में तो आपने क्या दिमाग लगाया आप मान लो यहां से आपने ओ क्यू निकाल लिया PQ उधर तो आ गया आपका OQ की वैल्यू आपने निकाल ली देखो फायदा क्या हुआ OQ की जगह आप पहले इक्वेशन में दो वेरिएबल्स थे अब इक्वेशन में एक है वैल्यू आपकी निकल जाएगी सॉल्व करिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है

पी क्यू बराबर फोर्टी तो नाइन आ गया आपका टू पी क्यू बराबर फोर्टी एट वन उधर गया तो पी क्यू आपका आ गया ट्वेंटी फोर पी क्यू आपका ट्वेंटी फोर पी क्यू आ गया ट्वेंटी फोर पी क्यू ट्वेंटी फोर तो ओ क्यू कैसे निकलेगा यहां देख लो ओ क्यू कैसे निकलेगा पी क्यू प्लस वन तो ओ क्यू आ गया आपका ट्वेंटी फाइव समझ आया समझ आया बस रख लो आप ओपी तो OP पी क्यू ओपी कितना ओपी आपको पहले से सात दिया हुआ था ओ OQ क्यू कितना OQ पच्चीस दिया हुआ था तो ये आपका आंसर ये आपका आंसर वैसे पी क्यू कितना पी क्यू आपका चौबीस ओ क्यू आपका पच्चीस ये भी आपका आंसर समझ में किस तरीके से करा मैंने समझ में किस तरीके से करा मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं फिर से एक्सप्लेन करता फिर एक्सप्लेन देखो देखो सुनो क्वेश्चन आया

ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करने हैं तो तीनों साइड्स पता होनी चाहिए ट्राइंगल की अगर आपको बाकी दोनों साइड्स निकालने तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए एक इक्वेशन आपको OQ और PQ के फॉर्म में OQ और PQ के फॉर्म में दे रखी है एक इक्वेशन आपने पाइथागोरस थ्योरम वाली उठा ली पाइथागोरस थ्योरम में OP की जगह 7 दिया था आपने रखा 49 आ गया यहां पे OQ की जगह आपने यहां से देखो OQ की वैल्यू 1 PQ माइनस पी क्यू इधर जाएगा तो ओ क्यू की वन प्लस पी क्यू ओ क्यू की जगह आपने वन प्लस पी क्यू लिख लिया सॉल्व करा आपके पी क्यू की वैल्यू आ गई और आपका पी क्यू आ गया तो आपने पी क्यू इधर पटक लिया तो आपके ओ क्यू की वैल्यू आ गई अरे कुछ नहीं भाई ऐसा इमेजिन करो ऐसा इमेजिन करो कि ये एक्स और वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन दी हुई है और ये एक्स और वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन दी हुई है मैंने सबसे मेथड लगाया हुआ है समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं क्लियर हुआ तो एक बार जल्दी से लिखो सी एच क्लियर है जल्दी से लिखो सी एच क्लियर है एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए भैया ठीक है सर कैन वी टेक पी क्यू इज इक्वल टू वन माइनस ओ क्यू बिल्कुल ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं कैन वी टेक कैन वी टेक कैन बी टेक पी देख माइनस इधर आया तो वन उधर जाएगा माइनस पी क्यू उधर तो वन उधर तो पी क्यू की वैल्यू ओ क्यू माइनस वन पी क्यू की वैल्यू ओ क्यू माइनस वन भी ले सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए चले आइए देखेगा जरा साइन ऑफ एंगल भी वन बाई टू दिया हुआ है थ्री कॉस भी थ्री माइनस फोर कॉस क्यूब भी निकालने को बोला तो इतना तो समझ में आ रहा है अगर यहां पे कॉस बी की वैल्यू पता होगी तब जाके इस चीज की वैल्यू आएगी कॉस बी कैसे पता चलेगा साइन बी दिया हुआ है ना तो बस निकाल लो कॉस बी अरे अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूं ठीक है तो साइन बी आपको दिया हुआ है वन बाई टू यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनिवर्स तो पी आपका दोस्तों बन एक्स है हाइपो आपका 2x है जरा बताइएगा बेस कितना होगा सर बेस का है निकालना है क्योंकि 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 कॉस आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता तो, तो बेस तो निकालना ही पड़ेगा बताइए जल्दी से बेस कितना होगा पहले तो बेस बता दो भाई बेस कितना होगा सिंपल है ना हाइपो का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस अब स्क्वायर तो हाइपो आपका टू का होल स्क्वायर पी आपका वन एक्स आपका 1x का होल स्क्वायर बेस आपका निकालना है बहुत बढ़िया तो ये आ गया आपका 4x स्क्वायर यहां पे आ गया आपका 1x स्क्वायर और यहां पे बेस स्क्वायर बहुत बढ़िया तो बेस स्क्वायर की वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर होता है 3x स्क्वायर बहुत बढ़िया तो बेस की वैल्यू आराम से बेस आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर तो बेस आ गया आपका पॉजिटिव वैल्यू अंडर रूट 3 x बेस आ गया आपका अंडर रूट 3x ठीक अंडर रूट 3x बहुत बढ़िया यहां देखो आप इसको कैसे करना है ठीक है मैं ये क्वेश्चन क्यों लेकर आया क्योंकि आप क्यूब की बात आपको समझ में दोस्तों तो पहले तो समझो अगर cos³b लिखा है इसका मतलब होता है cos b का होल क्यूब इसका मतलब होता है cos b का होल क्यूब अगर cos³b लिखा है इसका मतलब होता है cos b का होल क्यूब आइए सॉल्व कैसे करेंगे तो यहां पे लिखा है 3 cos b 3 cos b तो cos b की वैल्यू कितनी है सबसे पहले मैं cos b की वैल्यू अलग से लिख लेता हूं cos b मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो बेस कितना बेस आपका बेस आपका √3x हाइपो कितना हाइपो आपका 2x x से x गया ये आ गया आपका रूट √3 2 cos b आ गया आपका रूट √3 2 कर लो सॉल्व अब करिए इसे सॉल्व आराम से तो आपको निकालना है कि थ्री कॉस बी माइनस माइनस फोर कॉस क्यूबी की वैल्यू कितनी है तो थ्री कॉस बी की वैल्यू कितनी रूट थ्री बाई टू आराम से करना माइनस फोर कॉस क्यूबी मतलब कॉस बी की वैल्यू रखो क्यूब कर दो कॉस बी आपका रूट थ्री बाय टू है इसका मैंने क्यूब कर दिया ठीक है आराम से देखना प्लीज आराम से देखना प्लीज आराम से देखना ठीक है जगह रूट थ्री बाय टू कॉस बी जगह रूट थ्री बाय टू बस होल क्यूब कर दिया थ्री टू रूट थ्री कितना अपॉन बी का होल क्यूब तो लिखा है तो इसको आप ए क्यूब अपॉन बी क्यूब लिख सकते हो समझ में आ रहा है ठीक है भैया तो रूट थ्री का क्यूब मतलब क्या इधर देखो रूट थ्री का क्यूब मतलब रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होता है और यहां पे रूट थ्री आ गया रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होता है एक रूट थ्री बचा तो बेसिकली होता है आपका थ्री रूट थ्री वैसे ही टू का क्यों कितना होता है एट तो फोर वन जा 4 तो यह आ गया आपका थ्री रूट थ्री बाय टू माइनस थ्री रूट थ्री बाई टू बाई टू माइनस टू जीरो थ्री माइनस थ्री जीरो रूट फोर माइनस रूट फोर जीरो थ्री रूट थ्री बाय टू माइनस थ्री रूट थ्री बाय टू होता है जीरो आई होप समझ में आ गया होगा ठीक एक्स लिखकर सॉल्व करना जरूरी है जरूरी नहीं है पर मेरा तो तरीका यही है आप चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो मेरी जान ठीक सही तरीका वही होता है सॉल्व करने का है ना आप करोगे तो ज्यादा अच्छा ही है मतलब एक्स में ज्यादा टाइम लगता नहीं है दोस्तों वैसे ठीक है बाकी कोई मार्क्स नहीं काटेगा सीबीएसई में कोई मार्क्स नहीं काटेगा इतना तो मैं आपको इसकी गारंटी दे रहा हूं अगर आप एक्स नहीं लिखोगे तो ठीक है चलिए अब चलते हैं पानी वानी पी लो एक मिनट का ब्रेक एक दो मिनट का ब्रेक पानी वानी पी लो जल्दी से फिर हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे चलिए अब जो आने वाला है अगले पंद्रह मिनट मैं सिर्फ आपको समझाने वाला हूं बातें तो आपको पेशेंस रख के सुनना पड़ेगा है ना पानी वानी पी लो हाश ठीक uh, है सब संभाल लूंगा यार एमसीक्यू हो, या हो सब लूंगा तुम लोग चिंता मत करना बस सेशन में लास्ट तक बने रहना है ना चलिए अब 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 हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी ठीक है अब यहां पर आप एक तरीके से चैप्टर की पहली आइडेंटिटी पढ़ने जा रहा हूं पहली आइडेंटिटी ठीक है समझना क्या जो मैं लिखने वाला हूं वो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होता है पर आप समझिएगा पहले ध्यान देना दोस्तों एक बार फिर से जरा रिकॉल करते हैं यहां पे जरा देखिएगा पंडित पंडित पंद्रह मिनट आपको कुछ नहीं लिखना कॉपी में बस आपको सुनना है पंडित बद्री प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर हर हर भोले भी बोल सकते हो ठीक है अब जरा फोकस करिएगा जब कहना क्या जाने बताना चाह रहे हैं आपको इसका पी इसका एच इसका बी इसका एच इसका पी इसका बी जरा ध्यान दीजिएगा जो मैं बताना जा रहा हूं ठीक है आराम से देखिएगा समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सुनिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं अपॉन एच होता है साइन थीटा बी अपॉन एच होता है बोलो क्या बोलो क्या कॉस थीटा और अपॉन बी क्या होता है भैया टैन थीटा समझे लेकिन एच अपॉन पी क्या होता है भाई अपॉन एच तो साइन थीटा होता है एच अपॉन पी क्या होता है कॉशेक्टा एच अपॉन बी क्या होता है एच अपॉन बी क्या होता है sec थीटा पूरा नाम secant थीटा b p क्या होता है cot थीटा समझ में आई ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप इस इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं अब मेरी बात बस सुनते रहिएगा ना क्या आपको यहां से एक बात समझ नहीं आ रही क्या आपको यहां से एक बात समझ नहीं आ रही कि sin थीटा p h प्लीज सुनना ध्यान से जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है और और और

देखो जो मैं बताने जा रहा हूँ फोकस करके सुनते रहना बस है ना मजा आ जाएगा अगले 10-15 मिनट में ना फिर क्वेश्चंस करेंगे जाहिर सी बात है दोस्तों वन अपॉन फाइव का रेसी क्या होगा वन अपॉन फाइव का रेसी क्या होगा जरा बताना बहुत ही बेसिक सी पिद्दू सी नन्नू सी लल्लू सी मैथ पूछ रहा हूँ भैया वन अपॉन फाइव का रेसी क्या होगा भाट विल बी द रेसी प्रोकल विल बी द रेसी ऑफ वन अपॉन फाइव वन अपॉन फाइव सर स्पेलिंग मिस्टेक कौन सी कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक अरे सब सही है संभाल लेना यार वेरी गुड फाइव अपॉन वन कह सकते हो या फिर फाइव कह सकते हो ठीक है अब आप लोगों को मैं कुछ और बातें सिखा दूं जरा एकदम बेसिक बात लल्लू बात है लेकिन जरूरी है सिखाना पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में काम आएगी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं जरा आंसर करना अगर थ्री अपॉन टू लिखा है और यहां पर लिखा है फाइव अपॉन फोर इसका आंसर क्या आएगा बहुत बेसिक मैथ्स करा रहा हूँ बहुत बेसिक मैथ्स, बहुत बेसिक मैथ्स, कोई बोल रहा है ये भोले होता है। लिख ले मैंने बोला तो भोले आदमी लिख ले भोले लिख ले भोले लिख ले भोले ठीक है ओके सर, बहुत ही लल्लू मैथ्स बेसिक मैथ्स बस जरूरी है दोस्तों बहुत जरूरी है क्या होगा इसका आंसर पंडित अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अरे कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं ऐसे काम चला लिया करो ठीक <laughs> क्या होगा आंसर देखो 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 अच्छा अब बाकी सब जो सोच रहे सर इतना बेसिक क्यों बता रहे इसलिए बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं देख 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 मेरी जान चैट चैट पे देख, पे देख। कोई बारह पॉइंट कोई, 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 सब सब अलग 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 आंसर कर रहे हैं अब आना चालू हुआ है कोई थ्री बोल रहा है अब देखना मेरी बात ध्यान से यहाँ पे क्या होता है प्लीज सुनना मेरी बात ध्यान सब लोग सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो या आपका आ गया फोर थ्री टू फाइव आ जाएगा पर 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 अब बताओ कितना हो जाएगा मान लो मैंने लिखा 5 9, इसके नीचे लिखा थ्री अब कितना होगा इसका आंसर सिंप्लीफाई करके अब कितना होगा इसका आंसर सिंप्लीफाई करके वॉट विल बी द आंसर ऑफ दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस मेरे दोस्तों नहीं समझ में मैं बताता हूं ऊपर एक फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन नहीं है तो नीचे आप वन लगा दीजिए भाई ऊपर फ्रैक्शन है नीचे नहीं आपने वन लगा दिया अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा यह आपका अपॉन हो जाएगा समझ या मैं क्या बोल रहा हूं कोई बोल रहा है टेन अपॉइंट नाइन देखा देखा गलती हुई ना ठीक है मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन लिया मान लो ऊपर मैंने थ्री लिखे दिया, और नीचे मैंने फाइव अपॉन फोर लिख रखा है मतलब ऊपर फ्रैक्शन नहीं लिखा नीचे फ्रैक्शन लिखा है तो यहां पर भी क्या करना है ध्यान देना ऊपर फ्रैक्शन नहीं तो खुद से वन लगाओ फिर से बता रहा हूं ऊपर फ्रैक्शन नहीं तो खुद से वन लगाओ फिर बता रहा हूं ऊपर फ्रैक्शन नहीं है खुद से वन लगाओ समझ में आया कितना आ जाएगा फोर थ्री झा ट्वेल्व फाइव वन जा फाइव समझ गए समझ गए जो मैं बात बताना चाह रहा हूं समझ गए जो मैं बात बताना चाह रहा हूं ठीक है अब कमिंग बैक टू दिस टॉपिक क्या आपको एक बात समझ नहीं आ रही कि जो पी एप एच है वो एच एप ऑनपी का रेसिप्रोकल है या फिर ऐसा कहूं एच ऑपोनपी पी एप ऑन एच का रेसिप्रोकल है अरे भैया अरे भैया ये H, ये है, है तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ये सोर नो ये सोर नो तो बस यहां पर मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों की साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है ठीक है मैं रेसिप्रोकल वाली चीजें आपको बता रहा हूं रेसिप्रोकल पर लिख देता हूं यहां पे मैं रेसिप्रोकल वाली चीजें ठीक है थीके? साइन थीटा प्लीज सुनते जाना थीटा, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है क्योंकि ये बी अपॉन एच है है, होता है और जो टैन थीटा होता है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है कहने का मतलब क्या सुनना कहने का मतलब ये कि साइन थीटा को आप वन अपॉन थीटा लिख सकते हैं या फिर या फिर कॉसेक थीटा को आप वन अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं ये बात समझ में आनी चाहिए ठीक है वैसे ही कहने का मतलब कॉस थीटा को आप वन अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं या फिर सेक थीटा को आप वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं समझ में आ रही है बात मैं प्रूफ भी करके अभी दिखा दूंगा tan थीटा को आप tan थीटा को आप वन अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं या फिर कॉट थीटा को आप वन अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं समझ में आई ये बात समझ में आई ये बात मैं आपको करके भी दिखाता हूं मैं आपको करके भी दिखाता हूं ठीक है देखना दोस्तों इधर देखो टाइम थीटा मन मेरे को क्या होता है पियापॉन बी पियापोन बी जरा इसका आंसर बताना ये ऊपर वन लिखा हुआ है नीचे कॉट थीटा कितना होता है B P. जरा बताना इसको सॉल्व करके कितना आएगा जरा बताना इसको सॉल्व करके कितना आएगा अभी मैं आपको ये अभी मैं आपको इस तरीके की चीजें सॉल्व करना बता ही रहा था सिखा ही रहा था बताइए जरा कितना आएगा यहां पर कितना आएगा यहां पर बताइए जरा कितना आएगा सिंपल है नीचे एक फ्रैक्शन है ऊपर फ्रैक्शन नहीं है तो सबसे सब पहले नीचे वन लगाओ नीचे एक फ्रैक्शन ऊपर फ्रैक्शन नहीं तो ऊपर फ्रैक्शन बनाओ ये आपका पी ऊपर जाएगा या आपका बी ऊपर तो ये आपका पी अपॉन बी आएगा कि नहीं आएगा और पी अपॉन बी क्या होता है टेन थीटा पी अपॉन बी क्या होता है टेन थीटा समझे मेरी बात समझे मेरी बात ठीक है ठीक है ठीक है तो बेसिकली सिंपल आपसे मैं अगर बोलूं कि मान मेरी जान sin थीटा 1/2 है तो cosec थीटा क्या होगा बताइए मान मेरी जान sin थीटा 1/2 है cosec थीटा क्या होगा बताइए मान मेरी जान sin थीटा 1/2 है तो cosec थीटा क्या होगा cosec थीटा क्या होगा cosec थीटा क्या होगा cosec थीटा होगा sin का sin का रेसिप्रोकल यानी योगा होगा 2/1 समझे समझे ठीक चलिए देख लीजिए एक बार बोर्ड पर जो मैंने बताया चीजें है ना और ये चीजें याद रखिएगा ये आपको आगे भी, भी काम आएंगी ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये काम आएंगी आएंगी चलिए अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूं क्यों सिखा रहा हूं अच्छा एक और चीज बताना भूल गया ये क्या एक होता है क्वेश्चन वाली आइडेंटिटी क्वेश्चन क्वेश्चन रिलेशन क्वेश्चन रिलेशन नोटिस करिएगा दोस्तों फटाफट मुझे बताओ अगर आप अगर आप ध्यान देना जरा अगर आप साइन थीटा अपॉन थीटा करते हो तो बताओ क्या आएगा साइन थीटा अपॉन थीटा करते हो बताओ क्या आएगा सर साइन थीटा थीटा अपॉन का मतलब क्या अरे साइन थीटा का मतलब अपॉन साइन थीटा का मतलब अपॉन एच कॉस का मतलब अपॉन एच बताइए क्या आएगा सॉल्व करके इसको बताइए इसको सॉल्व करके क्या आएगा भैया बताइए जनाब इसको सॉल्व करके क्या आएगा साल्व करके क्या आएगा बताइए जरा कितना आएगा देखो ना भाई एच सबसे ऊपर ये ऐसा तो एच इन टू हो गया या आपका एच एन टू हो गया और ये आपका एच एन टू हो गया समझ में आया तो एच से एच कटा या आपका पीएपोन B हो गया हुआ क्या? हुआ क्या हुआ क्या सोचो हुआ क्या आपने साइन थीटा थीटा करा आपने साइन थीटा थीटा करा तो वो पीएपोन B आ गया और पीएपोन B टाइम थीटा होता है पी अपॉन भी टाइम थीटा होता है तो क्वेश्चन रिलेशन आपने क्या सीखा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है थीटा ये आपका पहला रिलेशन याद रखना आपकी पहली चीज याद रखना वैसे ही वैसे ही वैसे ही सेम इसी तरीके से दोस्तों कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो ठीक है ठीक है ठीक है ओके क्लियर है, है समझ आया ये या आपको याद रखना है मैंने आपको समझा भी दिया कैसे होता है समझा भी दिया कैसे होता है चलिए अब, अब 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 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद करनी है अभी तो मैं एंगल थीटा ले रहा हूं कभी ए ले रहा हूं कभी बी ले रहा हूं कभी, ले रहा हूं, कभी सी ले रहा हूं अब मेरी बात ध्यान से अगले पांच सात मिनट सिर्फ मुझे दीजिए आपको मैं याद भी करवा दूंगा यहीं के यहीं टेबल यहीं कहीं आप टेबल याद भी करेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल पर आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद करनी है कौन कौन से एंगल पर पहले वो क्लियर करो पांच एंगल्स पर जीरो पर थर्टी डिग्री पर डिग्री पर नाइनटी डिग्री पर, पर फिर से बोलूंगा जीरो पर थर्टी डिग्री पर फोर्टी फाइव पर सिक्स पर नाइनटी पर समझ में आए अब सुनिएगा जरा कहने का मतलब क्या अगर आपसे तो कोई कि भैया साइन थर्टी डिग्री क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए

वन होता है साइन 90 आपका वन होता है ठीक है ठीक है मैं कोई कोई तरीका नहीं बताऊंगा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बताऊंगा सिर्फ आप पांच वैल्यूज याद कर लीजिए रट लीजिए फिलहाल जीरो वन बाय टू वन बाय रूट टू रूट थ्री बाय टू वन सिंपल याद रखना ये जीरो याद रखो ये वन याद रखो ये वन बाय ये रूट थ्री ये वन बाय इतनी वैल्यू सब लोग याद रख सकते तो लिखो रख सकते हैं आर एस एच देखो रख सकते हैं आर एस एच वैल्यूज याद होना बहुत जरूरी है वैल्यूज याद होना बहुत जरूरी है बस थीटा की वैल्यूज याद रखनी है मेरी जान बाकी सब मैं ऐसी बता दूंगा तकनीकें बता दूंगा याद रखने का ठीक है हाँ। ठीक है अब देखिए ठीक है अरे शॉर्ट ट्रिक यार देख शॉर्ट ट्रिक अगर किसी को चाहिए तो देख यहां पे जीरो लेख यहां पे वन लेख जीरो पे वन लेख यहाँ पे टू लेख यहां पे थ्री लेख यहां पे फोर लेख ठीक ये तरीका याद रखने का जीरो वन टू थ्री फोर जीरो तरीका है याद रखने का फिर क्या कर अंडर रूट लगा दे अंडर रूट लगा दे अंडर रूट लगा दे समझा फिर से बोलता हूं तरीका क्या याद रखने का यहां पे जीरो पे वन यहां पे टू यहां पे थ्री यहां पे फोर सबको फोर से डिवाइड कर दे सबको फोर से डिवाइड कर दे और अंडर रूट लगा दे और अंडर रूट लगा दे देख क्या होगा जीरो बाय फोर जीरो और जीरो का अंडर वन बाय फोर का अंडर रूट अंडर रूट वन वन होता है अंडर रूट फोर टू होता है तो ये वन बाय टू आ गया टू बाय फोर मतलब वन बाय टू होता है अंडर रूट वन वन होता है अंडर रूट टू अंडर रूट रूट टू होता है तो इस तरीके से भी याद रख सकता है बाकी मेरे को ये कोई तरीके पसंद नहीं है ये जीरो ये वन बाय रूट टू ये आपका रूट थ्री बाय टू और ये आपका वन, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से है ना क्वेश्चंस कराऊंगा चिंता मत करो सब कराऊंगा दोस्त वन शॉट लेक्चर का मतलब ये नहीं होता कि भाई मैं कुछ भी कराते चले जाऊं सब बताना भी तो पड़ेगा ना मेरी जान अब देखो कौ सीटा कैसे याद रखना है ऐसा इमेजिन करो ये ऐसा कोई थ्रेड होगा ये थ्रेड होगा इसको पलट दो इसको पलट दो पलट दो का मतलब क्या ये वन इधर आ जाएगा ये रूट थ्री बाय टू इधर आ जाएगा ये वन बाय टू वैसा का वैसा भाई अगर आप थ्रेड को पलटोगे तो थ्रेड का बीच वाला पार्ट नहीं पलटने वाला समझ लो ये आपका वन बाय टू आ जाएगा और ये आपका जीरो आ जाएगा क्या कॉटा याद रखना आया? क्या थीटा याद रखना आया? ये याद रखा इसको पलट दिया आपके कॉस्टा की वैल्यू आ गई अब सुनिए

थर्टी अपॉन कॉस थर्टी सिंपल भाषा में sin 30 30. Tan 45 निकाल तो sin 45 45. Tan 60 निकाल तो sin 40, 60 60. Tan 90 निकाल तो क्लियर है क्लियर है तो सिंपल टेन जीरो निकालना है दोस्तों ऐसे याद रखो टेन जीरो निकालना है मतलब साइन जीरो

यहां पर क्या हो जाएगा वन वन से कट गया रूट टू रूट टू से कट गया ये आपका वन आ गया रूट थ्री अपॉइंटॉइट से कट जाएगा ये आपका रूट थ्री आ जाएगा क्या 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 होता 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 है क्या होता है क्या होता है भाई टेन नाइनटी निकालना है tan 90 निकालना है तो साइन नाइन अपॉन कॉस्ट नाइन अपॉइंट जीरो क्या होता है बहुत सारे बच्चे इन्फिनिटी कहते हैं दोस्तों नॉट डिफाइंड होता है आप जीरो से किसी भी नंबर को डिव, डिवाइड नहीं कर सकते इसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड not defined बहुत सारी बुक्स में इनफिनिटी लिखा होता है बट आपको इनफिनिटी नहीं लिखना है ठीक है चलिए नॉट डिफाइंड ठीक है चलिए अब सुनेगा ध्यान से ना cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल था cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल था किसका था sin थीटा का तो 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 अगर आपको cosec 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो sin 0 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए अगर आपको 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए समझ रहे हो मेरी जान? होगा सर जीरो का रेसिप्रोकल मतलब जीरो वन। तो मतलब वन जीरो और वन जीरो क्या होता है नॉट डिफाइन तो ये भी आपका एनडी आ जाएगा वन अपॉइंट टू का रेसिप्रोकल टू अपॉइंट वन वन अपॉइंट रूट टू का रूट टू अपॉइंट वन रूट थ्री अपॉन टू का टू अपॉन रूट थ्री वन का वन ही होता है इजी सेक किसका सेक्रोकल होता है कॉस का तो वन का रेसी वन रूट थ्री बाय टू का टू बाय रूट थ्री वन बाय रूट टू का रूट टू बाय वन वन बाय टू का टू बाय वन जीरो का रेसी नॉट डिफाइन कॉट किसका रेसी होता है टेन का तो जीरो का रेसिप्रोकल कितना हो गया नॉट डिफाइंड वन बाय रूट थ्री का रूट थ्री अपॉन वन वन का वन रूट थ्री का वन अपॉन रूट थ्री दोस्तों नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कौन बताएगा नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कौन बताएगा नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कौन बताएगा नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कौन, कौन, कौन बताएगा अरे सिंपल इसके नीचे कुछ नहीं वन लगा ले. ठीक तो आपको कि होता है कि वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड तो नॉट डिफाइंड को इधर कर जीरो को ऊपर कर तो वन अपॉन नॉट डिफाइंड कितना हो जाएगा जीरो समझ मार हो जाएगा जीरो समझ ये बात इधर देखो ना भाई वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है नॉट डिफाइंड नीचे लेकर आया जीरो ले आया मतलब वन अपॉन नॉट डिफाइंड होता है जीरो तो ये आ गया आपका जीरो ठीक ठीक है आपको मैं नॉट डिफाइंड का छोटा सा मतलब समझाता हूं नॉट डिफाइंड का दोस्तों मतलब होता है बहुत ही बड़ा नंबर पर वो पॉजिटिव का भी हो सकता है नेगेटिव का भी हो सकता है मोटा मोटा आप ऐसा सोचो कि जब आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो एक तो आप कर नहीं पाओगे पर अगर आप कोशिश करो कि पता लगाने की भैया नंबर को जीरो से डिवाइड करूंगा तो तो आखिर आएगा क्या तो ऐसा देखा गया कि पॉजिटिव का भी बहुत ही बड़ा नंबर आता है और नेगेटिव का भी बहुत ही बड़ा नंबर आता है समझ रहे हो तो कभी इधर आता है कभी उधर आता है इसलिए हम बोल देते हैं कि नॉट डिफाइंड हम बता नहीं पा रहे क्या आंसर आएगा बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे मोटा मोटा आप समझ गए ठीक है तो सबको क्या याद रखना है साइन की वैल्यूज याद रखिए कॉस की वैल्यू निकालने के लिए पलटा दीजिए टैन की वैल्यू निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कर दीजिए कॉस की वैल्यू निकालने के लिए साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए सेक की वैल्यू निकालने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए और कॉट की वैल्यू निकालने के लिए टैन का रेसिप्रोकल कर दीजिए समझ में आया 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 क्लियर हुआ ठीक है मैं फिर से बोलूंगा अगर आपको देखो आपको रैंडमली रैंडमली मैंने आपसे पूछा कौशे बताओ बता। आप बोलोगे सर 60 तो मैंने याद नहीं कर रखा है तो टू अपॉइंट रूट थ्री हो गया सोचो अभी क्वेश्चन करेंगे मैंने आपसे पूछा कॉट थर्टी बताओ मैंने आपसे पूछा आपके दिमाग में आना चाहिए

two sine square thirty's tan sixty कुछ माइनस ऐसा ऐसा लिखा हुआ है डरना नहीं है sine thirty मतलब याद है सबको सब लोग मेरे को देखो सब लोग मेरे को देखो sine thirty मुझे याद है one by two होता है तो ये आप कहोगे one by two का होल स्क्वायर two बाहर लगा हुआ है tan sixty मतलब tan sixty याद नहीं भी है तो tan sixty मतलब sine sixty upon cos sixty sine sixty होता है root three upon two cos sixty one by two tan sixty होता है root three धीरे-धीरे धीरे-धीरे याद करना है धीरे-धीरे याद करना है ठीक है थ्री cos 60 मतलब पलटाओ 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 जरा sin sin की वैल्यूज लिखी हुई है, sin 30 उधर जाएगा cos 60 इधर देखो इधर देखो cos 60 मतलब जो sin 30 होता है 1/2 समझे इस तरीके से याद होगा तो ये भी आपका हो गया 1/2 का होल स्क्वायर sec 30 sec किसका रेसिप्रोकल

तो दोस्तों ये आपका कुछ अजीब सा रूट थ्री अपॉन टू और यहाँ पे माइनस वन आ रहा है ऐसा कुछ आंसर आ रहा है रूट थ्री अपॉन टू माइनस वन आ रहा है रूट थ्री अपॉन टू माइनस वन आपका ऐसा कुछ अटपटा सा आंसर आ रहा है ठीक है आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो ठीक है ठीक है ठीक है रितिका मैम कहाँ है रितिका मैम रितिका मैम अभी आएंगी ब्रेक के बाद लाई कर ली हम ठीक ठीक है सब कराऊंगा बस आराम से बस मेरे पर विश्वास करते देखते जाओ है ना दोस्तों यहां से क्या समझ में आ रहा है कुछ तो आ आ रहा रहा होगा कुछ तो होगा समझ में देखिए जरा देखो तो इस ये कुछ तरीके हैं कि आप याद रख पाओ चीजें है ना अब एक बार आपको मैं सारी बातें एक बार रिकॉल करवाता हूं क्या साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है और क्या और क्या और क्या टैन थीटा को आप साइन थीटा पॉन कॉस थीटा लिख सकते हो कॉट थीटा को आप कॉस थीटा पॉन साइन थीटा लिख सकते हो हाँ ठीक है तो यहां पे वही चीज है साइन दूरी अपॉन कॉस दूरी तन दूरी ठीक है इस तरीके से आप कुछ याद रख सकते हो चलिए प्रूफ करना है भैया प्रूफ दैट ये वाला कुछ प्रूफ करना है प्रूफ करने का मतलब क्या बेसिकली प्रूफ करने का मतलब LHS बराबर RHS लाना अभी इसके बारे में में बहुत ज़िक्र करेंगे बट फिलहाल आप करिए आपको समझ में आप कर सकते आपका तो 30 क्या होता है रूट थ्री पॉइंट टू डिड बाय प्लस क्या होता है भैया साइन थर्टी क्या होता है सोल्व तो ऊपर तो डिनोमिनेटर सेम तो ये आपका रूट थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन टू हो जाए तो लिखो एच जी हो गया यहां पे वन वन प्लस टू प्लस टू या फिर आप ऐसा भी समझ सकते दोस्तों वन बाय टू प्लस वन बाय टू कितना होता है कितना होता है बोलो वन प्लस वन प्लस वन बाय टू सही बात है डिनोमिनेटर सेम है, तो रूट थ्री प्लस रूट थ्री होता है टू रूट थ्री ये नीचे आ गया टू डिड बाय वन प्लस ये वन आएगा आएगा टू सर कैसे सॉल्व करें इसको ऊपर एक कुछ फ्रैक्शन टाइप का दिखाई दे रहा है नीचे आप फ्रैक्शन बना लो वन लगा के कितना आंसर आ गया ये आ गया आपका वन सबसे ऊपर गया तो टू रूट थ्री में मल्टीप्लाई हुआ टू रूट थ्री बन गया टू टू जा आपका फोर हो गया तो बस टू वन जा टू टू जा ये आ गया आपका रूट थ्री जो कि आपको लाना था जो कि आपको लाना था ठीक सिंपल बेसिक मैथ बेसिक मैथ एकदम बेसिक मैथ आइए अब कुछ अलग तरीके के सवाल आपको करके दिखाता हूं जरा देखिएगा दिमाग लगाओ सब लोग दिमाग लगाओ मानो अगर मैंने आपको दिया मानो अगर मैंने आपको दिया कि साइन थीटा की वैल्यू है वन अपॉइंट टू मैंने आपसे पूछा मुझे थीटा बताइए कितना होगा मैंने आपसे पूछा मुझे थीटा बताइए कितना होगा तो कॉमन सेंस आप बता सकते हो थीटा कितना मतलब मतलब है साइन कौन से एंगल पे वन बाई टू होता है साइन कौन से एंगल पे दोस्तों वन बाय टू होता है थर्टी पे होता है तो कॉमन सेंस बोलेगा थर्टी अरे भाई सोच के देखना यहां पे थीटा की जगह क्या लिखेगा कि वन बाय टू आए सर साइन थर्टी 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 थीटा की वाली थर्टी हो गई बस ये आपको क्वेश्चन अब आप आएंगे करना कैसे वो सीख लो एक बार करना कैसे वो सीखो साइन थीटा आपने सोचा आपने सोचा अभी आप इस पर मैं ताबड़तोड़ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपने सोचा कि साइन कौन से डिग्री पर वन बाय टू होता है साइन कौन से डिग्री पर वन बाय होता है साइन थर्टी पर तो आपने यहां पे साइन थर्टी लिख दिया अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं साइन से साइन को काट देंगे है ना भाई क्या करेंगे ऐसा करेंगे थीटा इक्वल टू थी थीटा इक्वल साइन थर्टी अपॉन साइन सही है साइन से साइन कट गया थीटा आपका थर्टी आ गया कितने लोग मानते हैं ये जो मैंने करा है ये सही है तो लिखिए एस एच और जो नहीं मानते सही नहीं है तो लिखिए एस एन एच सही सही है ठीक है? है इस तरीके से करना है बताइए सही है तो लिखिए एस एच सही नहीं है तो लिखिए हाँ, बोलते हैं मतलब हमारे लौंडे आए हैं यहाँ पे अच्छी बात है। सही है कोई बोल रहा सही है ऐसे एन एच हाँ चलो मैक्सिमम बोल रहेन अबे चप्पल गंजू ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि मैंने बताया था क्या बताया था तो लोग सब भूल जाते हो क्या बताया था अबे साइन जैसा कोई चीज नहीं होता समझ आया ये नॉनसेंस बात है साइन को एंगल से अलग मत कर देना भाई जैसे मैं रितिका मैम से अलग नहीं हो सकता वैसे साइन थीटा से अलग नहीं हो सकता समझ रहे हो मेरे बिना रितिका कुछ नहीं रितिका के बिना मैं कुछ नहीं हूं समझ समझ रहे रहे हो समझ हम दोनों एक ही है और सही में एक ही है समझ रहे हो? अलग नहीं कर सकते कैसे करोगे अलग काट थोड़ी दोगे बीच में से समझ गए वैसे ही वाला चीज है ना बेसिक मैथ है ना लिखते कैसे हो यहाँ पे आप ऐसा लिखते हो आप ऐसा सोचते हो आप ऐसे सोचते हो कि LHS और RHS बराबर है सुनना मेरी जान LHS और RHS बराबर है कब बराबर आएगा भाई अगर LHS और RHS बराबर है तो कब बराबर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो साइन ही दिखाई दे रहा है कौन सा एंगल यहां पे रखूं कि ये RHS के बराबर आएगा जाहिर सी बात है 30 यहां पर क्या रखूं कि LHS और RHS बराबर आ जाए 30 तो आप ऐसा लिखते हो ऑन कंपेरिजन ऐसा बस लिखना पड़ता है काटा पीटी नहीं करनी आप लिखते कर मैंने लिखा टू वन अपॉन रूट थ्री बताइए थीटा कितना होगा बताइए थीटा कितना होगा वॉट विल बी वैल्यू ऑफ थीटा वॉट विल बी वैल्यू ऑफ थीटा अच्छा बेटा अच्छा बेटा सिंपल टेन थीटा टेन कौन से डिग्री पर होता है, है. तो चलिए अब इसी पर एक क्वेश्चन और आंसर करिए फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सर करा इतना लल्लू सा क्वेश्चन और दिए इतना क्वेश्चन कुछ भयंकर नहीं है मेरी जान कुछ भयंकर नहीं है थीटा निकालना है तो अब आपके अगले 20-25 मिनट होंगे थीटा निकालने पर एंगल निकालने पर उसके बाद हम लोग छोटा सा ब्रेक लेंगे ठीक है थीटा और एंगल कैसे निकालना होता है ठीक है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू तो, प्लीज ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं देखो आप आंसर तो कर दोगे पर जो मैं बता रहा हूं वो सुनोगे तो आप भयंकर क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे ये भयंकर क्वेश्चन नहीं है सबसे पहले मेक श्योर sure ये करना है कि आपके पास एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो

ये जो टू यहाँ पे था वो नीचे चला गया ऐसा नहीं होता साइन को उसके एंगल से अलग मत करना ठीक है ठीक है सर ठीक है सर एक बार लिख दो भाई ठीक है सर प्लीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम लोग समझते नहीं हो तुम लोग यार है ना तू मान मेरी जान तू ऐसे नहीं कर सकता है ठीक है चलिए तो क्या करोगे यहां पर साइन टू साथ टू लिखा हुआ है तो इस टू को अलग करो क्या करोगे टू साइन थीटा आपका रूट थ्री लिखा हुआ है ठीक है? तो आप इस टू को अलग कर सकते हो तो आगे आपका थीटा रूट थ्री बाई टू होता है sin 60 पर, तो की मैंने sin 60 लिखा, क्योंकि मैं ऐसा लिख सकता हूं अब ऑन कंपैरिजन अब ऑन कंपैरिजन बताइए भैया अरे आप ऐसा सोचो ना ऐसा सोचो कि दोनों साइड कब बराबर आएगा ये दोनों साइड कब सर बराबर लाना है क्यों है इसकी वजह से इस पागल की वजह से इक्वल लिखा है मतलब दोनों साइड बराबर आएगा अरे कब बराबर आएगा बोल ना सर जब यहां ये जो एंगल है वो बराबर आए ये एंगल बराबर आए तो यहां पे थीटा की जगह क्या रखू यहां पे थीटा की जगह क्या रखू कि टू से मल्टीप्लाई आ जाए अरे यहां पे सिक्सटी चाहिए ना क्योंकि यहां पे सिक्सटी लिखा हुआ है तो थीटा की जगह क्या लिखूं कि 2 से मल्टीप्लाई होकर 60 आ जाए 30 दिमाग में आ गया होगा नहीं भी आए तो आप एंगल्स को कंपेयर कर दो कि भैया 2 थीटा की वैल्यू 60 हो जाएगी तो थीटा आपका 30 हो गया बोलो जय माता दी सिमिलरली यहां पर क्या गलती नहीं करनी कॉस 3 थीटा की वैल्यू 1/2 cos कौन से डिग्री पर 1/2 होता है cos 60 पर 1/2 होता है तो ऑन कंपैरिजन यहां पर भी आपने क्या ऑन कंपैरिजन का मतलब होता है दोस्तों आपने दोनों साइड को परखा तो ये देखा कि एंगल बराबर होना चाहिए मतलब 3 थीटा की वैल्यू आपके 60 के बराबर होनी चाहिए तो थीटा आपका 20 आ गया आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो थीटा की जगह क्या लिखूं कि 60 बन जाए 20 क्योंकि 20 3 60 होता है इजी है इजी है चलिए आगे देखिए एक गुरु जी ये वाला करके दिखा दिए जल्दी से जल्दी कर दो यार ही कर लेना हटा कर लेना कर लेना होमवर्क ठीक है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बस वैल्यूज रखनी है ये वाला करके दिखा दो तो मजा आए ये वाला करके दिखाए तो मजा आए कॉमन नहीं निकाल सकते कौन सा कॉमन कौन सा कॉमन यहां पे कॉमन कहां से क्या निकालेगा कहां से कॉमन निकालना है दोस्त मेरी जान कहां से कॉमन निकालना है क्या कॉमन निकालने की बात कर रहे हैं? कॉमन तो दो या तीन चीजों में निकालता है यहां पे तो एक ही चीज लिखी हुई है कॉमन कैसे निकालेगा आप शायद तेरा क्वेश्चन समझा नहीं मैं या तो हो तो है हूं गलत बोला हो सकता है चलिए एक ये करके देखिए आपसे बोला x की वैल्यू निकालिए तो आप यहां पे एग्जाम में लिख देना नहीं है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब अपन करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं ठीक है ठीक है भैया ठीक <laughs> है कर रहे कर रहे कर रहे अबे करवा दोस्तों आपको दिया x की वैल्यू निकालना तो मैंने आपको बताया सबसे पहले देखो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो कुछ बिल्कुल कर सकते मन करेगा चुल्ली होगी अंदर मन में सॉल्व कर दिया जाए भैया साइन 45 कितना होता है वन अपॉन रूट टू

पे जगह क्या रखोगे कि कि इसकी वैल्यू क्यों चाहिए तभी तो तो जाके दोनों साइड बराबर आएगा बस आप भी लिख सकते हो जो की वैल्यू होगी होगी के बराबर तो जो आएगा आपका वो डिग्री आ जाएगा या सॉरी पंद्रह आ जाएगा ठीक है चलिए ये तो आसान सा सवाल था अब 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 कर ही लें क्या एक कर लेते चलो एक वाला भी लेते है ना। क्या बोला अब यार या आपको 11, 12 में समझ में आएगा। अभी तो मैं 90 डिग्री के अंदर, अंदर तक पढ़ रहा हूं। बाद में आप 90 के बाद की भी एंगल पढ़ोगे मतलब आप साइन एक लाख डिग्री भी निकाल सकते आपको ये बात पता है ऐसा भी आप कर सकते हो बट अभी उस पर हमें नहीं जानना है ठीक है यहां पे क्या बोला थीटा उन्होंने कंस्टेंट कर दिया कि जो थीटा होगा वो 90 से छोटा जीरो से बढ़ा होगा 90 से छोटा जीरो से बढ़ा होगा कहने का मतलब क्या यहां पे आपने वही चीज करी क्या आपको दिया हुआ है आपको दिया हुआ चाहिए तो कॉस थीटा आपका आ गया प्लस माइनस अंडरवुड वन बाय फोर याद रखिए अभी इलेवेंथ में आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा पर 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 आपकी दो वैल्यूज आ रही है एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक आप इसको याद रख 11th में आपको समझ में मोटा मोटा आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी तक मैंने आपको बस इतना समझाया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है पर दोस्तों वो नेगेटिव भी हो सकती है पर वो नेगेटिव भी हो सकती है डिपेंड करता है कि वो जो एंगल है वो क्या है ऐसा क्यों इलेवेंथ में आपको बताया जाएगा फिलहाल आप यहां पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो कॉस थीटा आपका वन बाय टू आ जाएगा तो बस डायरेक्टली कर दू थीटा आपका सिक्सटी आ जाएगा ठीक है ठीक है चलिए कुछ बढ़िया सवाल ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में दो स्टार मार्क के नोट करिएगा जरा देखिए है ना आराम से देखिएगा मजा आएगा क्या बोला क्वेश्चन में साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, अच्छा साइन साइन ए प्लस बी आपको दिया हुआ है. और sin A minus, देना साइन ए माइनस बी आपको वन बाय टू दिया हुआ है अब इससे बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि भैया ये क्या लिखा हुआ है भैया ये क्या लिखा हुआ है भैया ये कैसे निकालेंगे चलो ठीक है मैं आपको पहले समझाता हूं दोस्तों आपको ए और बी की वैल्यू निकालना है मैंने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के हर एक चैप्टर में बताया है कि अगर आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है तो आपके पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए अगर आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना तो जनाब बोलिएगा जल्दी बोलिएगा जल्दी बोलिएगा जल्दी बोलिएगा अगर आपको दो वेरिएबल्स यानी ए और बी की वैल्यू निकालना तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए वो दो इक्वेशन आपको शायद यहां पर दिखाई दे रही है यहां पर दिखाई दे रही है क्या करूंगा

वो 90 से छोटी होगी या 90 के बराबर होगी वो 90 से छोटी होगी या 90 के बराबर होगी इसका मतलब ये है ठीक है और इसका मतलब क्या इसका मतलब है ए प्लस बी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब जो भी ए प्लस बी की वैल्यू आएगी वो जीरो से बढ़ी आएगी या तो जीरो के बराबर आएगी वो जीरो से बढ़ी आएगी या तो जीरो के बराबर आएगी समझ में आ रहा है इससे घबराना नहीं है बस वो ये बता रहे हैं कि जो भी और बी की वैल्यू आएगी उसमें कुछ 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 ऐसा होगा ठीक सर कैसे करेंगे मैं बताता हूं वही चीज याद करो साइन कोई एंगल पर वन डिग्री है साइन कोई एंगल पर वन बाय टू है सोचो जरा सोचो जरा साइन कौन से एंगल पर वन होता है साइन कौन से एंगल पर अरे यही तो कर रहे हैं जब से हम लोग साइन कौन से एंगल पर वन होता है सर साइन 90 पर तो वन की जगह मैंने लिख दिया साइन 90 डिग्री अब फायदा क्या हुआ ऑन कंपैरिजन अगर आप कंपेयर करो तो ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए मतलब आपके ए प्लस बी की वैल्यू आगे 90 और दोस्तों यही आपकी पहली इक्वेशन है समझे आपको दो इक्वेशन चाहिए आपकी पहली इक्वेशन वैसे ही साइन ए माइनस बी वन है तो साइन साइन ए माइनस आपका वन बाय टू है साइन कौन से एंगल पर वन बाय टू होता है साइन थर्टी पर तो यहां पे साइन थर्टी लिखा तो बस ए माइनस बी की वैल्यू थर्टी ऑन कंपैरिजन ऑन कंपैरिजन आपके ए माइनस बी की वैल्यू थर्टी तो यहां से आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई सॉल्व करना बच्चा बच्चा जानता है भैया क्या दिया हुआ है आपको दिया है ए प्लस 90 और a minus b बराबर 30, 30 है ना क्या ऐसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन लगा लो दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं दोनों इक्वेशन को अगर मैं प्लस करता हूं तो साइन चेंज नहीं हो किसी का प्लस b से माइनस b कट गया a plus a 2a हो गया 90 plus 30 120 हो गया a आपका a आपका 60 आ गया और अगर a 60 है a 60 है ए प्लस बी आपको 90 दिया हुआ है तो बी की वैल्यू आपकी 30 आ गई समझ में आया समझ में आया इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही है। लास्ट वाला समझ कौन सा लास्ट वाला मेरी जान कौन सा लास्ट वाला समझ नहीं आया बताना ठीक है और क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी आएगी देखो आ भी रही है ए आपका सिक्सटी आ रहा है बी आपका थर्टी आ रहा है ठीक है ठीक है एक बार फिर से समझाऊं एक बार फिर से समझाता एक बार फिर से देखो देखो इधर साइन किसी एंगल पर वन दिया हुआ है साइन किसी एंगल पर वन टू दिया है साइन कौन से एंगल पर वन होता है नाइनटी पर तो वन की जगह साइन नाइनटी लिखा यही तो कर रहा हूं जब से मैं तो साइन ए प्लस बीजू साइन नाइनटी इसका मतलब ए प्लस बी की नाइनटी होगी एक ही क्वेश्चन आ गई साइन ए माइनस बी वन बाई टू दिया हुआ है वन बाई टू साइन कौन से डिग्री पर होता है sin 30 पर तो वन बाई टू की जगह लिखा ए माइनस बी की एक ये वाला कर लो चलो उसी से उसी से मिलता जुलता पहले ये वाला सवाल कर लो हम छह सा सवाल और करेंगे और उसके बाद हम लोग छोटा सा ब्रेक लेंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है साइन ए प्लस बी आपको वन दिया हुआ है कॉस ए माइनस बी रूट थ्री बाई टू दिया हुआ है और कुछ 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 कुछ, कुछ दिया हुआ है ए और बी आपको निकालना है। क्या करेंगे प्लस बी साइन ए प्लस बी आपका वन है साइन कौन से डिग्री पर वन होता है साइन ए प्लस बी आपका वन को आप लिख सकते हो साइन नाइनटी तो बस यहां से क्या समझ में आया कंपैरिजन यही चीज कर रहे हैं कि ए प्लस बी आपका भाई दोनों साइड बराबर कब आएगा जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि साइन फोर्टी फाइव साइन के बराबर हो जाए। समझ रहे नाइनटी ए प्लस बी आपका नाइनटी समझ में आ रही है चीज ठीक है भैया और क्या यहां पे आपको दिया हुआ है माइनस बी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रूट थ्री बाई टू दिया हुआ है तो कॉस ए कॉस कौन से डिग्री पर रूट थ्री बाय टू होता है कॉस आपका थर्टी डिग्री पर रूट थ्री बाई टू होता है समझ में आया तो बस यहां से भी सेम चीज ऑन कंपैरिजन आपके ए माइनस बी की वैल्यू थर्टी हो जाएगी या आपकी दूसरी क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर लो सॉल्व कर लेना एस के सॉल्व कर लेना एस के

आइए ये वाला करके दिखाइए जरा ये वाला करके दिखाइए जरा एकदम अलग सा एक क्वेश्चन है पर ट्रिग्नोमेट्री आपको यहां से समझ में आएगा क्लियर होगा ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल सी तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपका ए बी सी एक राइट right ट्राइंगल है जितना दिया उतना करो तो ए बी सी आपका राइट right ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल सी पर ठीक है ठीक है एंगल आपको थर्टी दिया हुआ है एंगल आपको थर्टी दिया हुआ है ए बी आपको 40 यूनिट्स दिया हुआ है फाइंड द रिमेनिंग टू साइड्स आपको बाकी दो साइड्स निकालना है मतलब ये दोनों निकालना है और एंगल बी भी निकालना है दोस्तों मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में लेक्चर के बताया ट्रिग्नोमेट्री यूज क्यों करा जाता है ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज करा जाता है अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड पता है और एक एंगल पता है एक साइड पता है और एक एंगल पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद मतलब से बाकी दोनों साइड्स निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे? मैं बताता हूं आप ऐसा सोचो मुझे ये बताओ। इस थर्टी के लिए बेस क्या होगा? इस 30 के वॉट विल बी, बी साइड बताइए ना भैया नाइनटी के सामने वाला तो पक्के से हाइपो होता है तो ये बगल वाला आपका बेस उगा या आपका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो जाएगा ठीक है आपको बाकी दो साइड्स निकालना है मतलब बेस और परपेंडिकुलर निकालना है आपको दिया हुआ है हाइपोटनियस आपको दिया हुआ हाइपोटनियस आप ये सोचो ट्रिग्नोमेट्री से कि हाइपो दिया है बेस निकालना है मान ले तो हाइपो और बेस हाइपो दिया है बेस निकालना है हाइपो दिया है बेस निकालना है हाइपो दिया है, बेस निकालना एच और बी एच और बी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एच और बी आता है

बेस अपॉन हाइपो कॉस थर्टी दोस्तों कितना होता है रूट थ्री बाई टू बेस कितना दिया हुआ है एसी हाइपो कितना दिया हुआ है फोर्टी तो एसी की वैल्यू क्या आ गई एसी आ गया आपका रूट थ्री बाई टू इंटू फोर्टी तो एसी आपका आ गया ट्वेंटी रूट थ्री यूनिट्स ट्वेंटी रूट थ्री यूनिट्स इजी है अच्छा अब बताओ जरा मान लो हाइपो दिया है हाइपो दिया है परपेंडिकुलर निकालना है हाइपो दिया परपेंडिकुलर निकालना कौन सा एच और पी वाला रेशो होता है साइन या फिर कोसेक जो यूज करना वो यूज कर लो तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो साइन 30 होता है 1/2 परपेंडिकुलर आपका बीसी है हाइपो कितना है आपका 40 तो BC कितना आ गया BC आ गया आपका 20 यूनिट्स समझ में आया किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा हूं मैं आइडेंटिटीज आएंगी आधे घंटे में तो ब्रेक मिलाकर बोल रहा हूं ब्रेक मिलाकर बोल रहा हूं ठीक है आपको एंगल बी भी, भी निकालना तो बहुत आसान है एंगल भी कितना होगा एंगल भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लोगे, ये नाइनटी ये थर्टी तो ये आपका सिक्सटी आ जाएगा ठीक इजी ठीक है चलिए बताऊंगा वाले क्वेश्चन में चिंता मत करो आइए अच्छा अच्छा सवाल अच्छा सवाल अब हम लोग चार पांच कुछ अच्छे सवाल करेंगे एनर्जी होनी एनर्जी हाँ होनी है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल में हाई कर रहा हूं देखिएगा दोस्तों तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी वो पियापोन एच बी पच पियापोन बी वाली बात और हमने ये पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्पेसिफिक एंगल पर क्या वैल्यू होती है और इस पर्टिकुलर चीज पर मैंने क्वेश्चन करा कि अगर आपसे एंगल पूछा है मैंने आपको बार बार बोला था वो चीज अगर आपसे एंगल पूछा है तो करना क्या है मैंने क्या बोला था एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करो हर चीज को आपको यहां पे क्या पूछा बताता मैं बताता हूं मैं बताता हूं मैं बताता हूं देखो आपको दिया है कुछ ऐसा बाप रे बाप आपको दिया है कुछ ऐसा प्लीज सुनना प्लीज सुनना रूट थ्री साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको जीरो दिया हुआ है और आपसे बोला कि थीटा आपका नाइनटी से छोटा से बड़ा होगा ठीक है सो मतलब नहीं है आपसे आपसे पूछा आप थीटा पूछा प्लीज मेरी बात सुनना ये वाला शायद बन जाएगा कोई कहीं देखा होगा इसके बाद जो दूंगा वो नहीं बनेगा शायद ठीक है हमको थीटा निकालना है अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि थीटा कैसे निकालेंगे मान लो अगर ऐसा दिया हुआ है कि साइन थीटा आपका टू

ठीक है मैंने क्या करा मैंने माइनस कॉस थीटा इधर ले गया प्लस थीटा है फिर थीटा को नीचे ले गया फायदा क्या हुआ टैन थीटा हो गया योग रूट थी आपकी थीटा की वैल्यू आ गई फिर से बोलूंगा माइनस कॉस थीटा इधर ले गया ऐसा आया कॉस थीटा नीचे ले गया साइन थीटा पॉन थीटा टैन थीटा होता है रूट थ्री नीचे जा चुका है तो टैन थीटा की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री कौन से एंगल पर टैन आपका वन अपॉइन रूट थ्री होता है थर्टी पर तो थीटा आपका थर्टी आ गया ठीक है अब सुनिएगा और देखिएगा और देखिएगा और देखिएगा और देखिएगा ऐसे क्वेश्चन है ना ये वाला करके दिखाओ जरा करके दिखाइए जरा करके दिखाइए ठीक है बस 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 चार पांच क्वेश्चंस और इस पर की वैल्यू वन है आपको यह चीज निकालना है ठीक है यहां पर भी देखो मैं फिर से बोलूंगा आप लोगों ने पी अपॉन एच बी अपन एच वाली चीज सीख ली ट्रिग्नोमेट्री ट्रिणो, ट्रिणो, रेशियो मतलब समझ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्पेसिफिक एंगल पर वैल्यू समझ ली आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो कैसे अगर आपको साइंस स्क्वेर थीटा माइनस कॉ स्क्टा निकालना है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए दो चीजें आनी चाहिए फिर से बोलूंगा अगर आपको साइन आपके दिमाग में दो चीज आनी चाहिए क्या? कि sin आपका P H होता है, सर, P, B और H कैसे पता चलेगा यहां पर देखो आप ऐसा नहीं कह सकते कि टेन थीटा आपको वन अपॉन रूट थ्री दिया हुआ है और अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ है तो आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं यस या नो में आंसर करिए जनाब दो तरीके होंगे इस क्वेश्चन को करने के फिर से बोलूंगा कैसे दिमाग में आएगा भाई या तो साइन आपका पीएपॉन एच होता है कॉस बी एप ऑन एच होता है तो या तो आप पीबी और एच पता कर लो ट्राइंगल का दूसरा तरीका क्या आप थीटा पता कर लो दूसरा तरीका क्या आप थीटा पता कर लो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ भाई या तो पी एच और बी पता हो या तो थीटा पता होता हो तो भी आप वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि अब आप सीख गए हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सम स्पेसिफिक एंगल्स पर दो मेथड समझ में किस तरीके से सोचना है या तो पी बी और एच पता करो या तो एंगल पता करो जो आपकी मर्जी आप वो पता करो आपको ज्यादा आसान एंगल पता करना शायद लग रहा होगा टेन कौन से डिग्री पर वन अपॉन रूट थ्री होता है गुरुजी थर्टी डिग्री पर तो थीटा 30 आ गया तो साइन थर्टी कर दिया स्क्वायर कर, कर लो सॉल्व वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री टू का स्क्वायर फोर या आ गया आपका माइनस टू अपॉइंट फोर जो कि होता है माइनस वन टू ठीक है या तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि यह आपको P दिया हुआ है या आपको B दिया हुआ है आप H निकाल लो और यहां पर रख दो जैसे आपकी मर्जी समझे तो लिखो एसडी समझ गए समझे तो लिखो एस डी समझ गए ठीक है अब आगे चलते हैं सिमिलर अगर समझ गए तो फिर ये वाला भी करके दिखा दो अगर समझ गए जनाब अगर समझ गए जनाब तो एक बार ये वाला भी करके दिखा दीजिए पोल दूंगा आप लोग को पहला पोल आज के क्लास का

साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan तो ये आ गया पर tan थीटा बराबर 1 तो tan कौन से डिग्री पर 1 होता है 45 पर तो ये आ गया पर tan 45 तो बस ऑन कंपैरिजन ऑन कंपैरिजन थीटा आपका 45 आ गया और थीटा 45 आ गया तो मेरे ख्याल से बन ही जाएगा साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस cos की पावर 4 45 डिग्री कितना होगा भैया साइन फोर्टी फाइव होता है देखो रूट टू की पावर फोर रूट टू की पावर फोर तो रूट टू की पावर फोर मतलब ये वाली चीज रूट टू इंटू रूट टू टू होता है रूट टू इंटू रूट टू टू होता है तो ये आपका 2/4 आ गया तो मोटा-मोटा √2 -मोटा की पावर √2 की पावर 4 होता है 4 प्लस ये भी आपका वैसा का वैसा आ जाएगा या आ गया आपका 2/4 ये आ गया आपका 1/2 दिस इज योर आंसर दिस इज योर आंसर समझे किस तरीके से करा समझे किस तरीके से करा सब लोग सी आंसर तो कर रहे हैं कुछ वन आंसर बोल रहे हैं कुछ वन आंसर बोल रहे हैं है ना चलिए सी आंसर है आइए देखते हैं भैया रे 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 सिर्फ 17 परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया बाकी सबने वन आंसर दिया है क्रिकेट प्रो मानिक प्रीत इच्छा ए एस फोर सेवन वैभव टोटल ग्रो रंजीत नवनीत ऋतिक पीडब्ल्यू फैंस पीडब्ल्यू फैंस टावन हर्षप्रीत आनंद अनुज फ्लेम इशू डीजे मोहित राज रिमेक सॉन्ग क्या बात है भाई अस्कारे से जेयर चना बसवा बालदे दीपक आयुष जिसको नहीं बना मैं एक बार फिर से बताता हूं मैं एक बार फिर से बताता हूं जरा देखना मुझे थीटा अगर पता चल जाए तो मजा आ जाएगा थीटा पता करने के लिए यहां पर एक ट्रिगो रेशो होना चाहिए यह समझ में आना चाहिए कैसे करेंगे एक ट्रिगो रेशो माइनस कॉस थीटा उधर लेकर गया ऐसा भी क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसा आया कॉस थीटा नीचे लेकर गया तो साइन अपॉन कॉस टैन थीटा वन टैन कौन से डिग्री पर वन होता है

तो रूट टू इंट रूट टू हो गया ये रूट टू इंटी रू टू टू हो गया टू तू टू तू या फोर हो गया तो रूट टू की पावर फोर होता है चलिए भैया ये अगला सवाल कर ले अगला सवाल ये वाला अभी आप नहीं कर पाओगे इस सवाल को अभी आप छोड़ दो ये वाला भी आप नहीं कर पाओगे इसको आप बाद के लिए रख देते हैं ठीक है जो कर लोगे वो मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं एक आपका एक आपका एक आपका एक आपका मेरे ख्याल से ये वाला भी आपका हो जाएगा है ना एक लास्ट क्वेश्चन उसके ऊपर काफी अच्छा सवाल है काफी अच्छा सवाल है काफी अच्छा सवाल है मैंने एक सैम्पल पेपर में देखा था थोड़ा सा अगर टफ पेपर आता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है जरा देखिए एक लास्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे आफ्टर अ ब्रेक

अगर आपको थीटा निकालना है, अगर आपको थीटा निकालना है, मैंने अभी आपको सिखाया आपको एक टी रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा सब चीजों को यस और नो, भाई यहां पर थीटा कैसे निकला यहां पर थीटा कैसे निकला जब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिगो था दैट इज थीटा समझ में आ रहा है यहां पर थीटा कैसे निकला जब यहां पे एक ही रेशियो था मतलब टैन थीटा वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही यहां पर, यहाँ पर थीटा कैसे निकला जब आपने दो कि नहीं पक्का अरे बोलिए कि नहीं पक्का तो यहां पर भी क्या करेंगे ज्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा पर इतना तो समझ में आ रहा है कि मैं इधर उधर मल्टीप्लाई वगैरह तो कर सकता हूं तो कर दो क्या पता आंसर आ जाए कर दो क्या पता आंसर भाई कुछ दिमाग में नहीं आएगा पर इतना तो आएगा कि भैया ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है सही बात है करते हैं जरा तो आइए मैंने लिखा यहां पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इन टू वन प्लस रूट थ्यू भाई साहब ऊपर क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इन टू वन माइनस वन माइनस मल्टीप्लाई करते हैं भाई यही दिमाग में आएगा मल्टीप्लाई करते हैं चलिए देखिएगा जरा तो थीटा जाके इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा इंटू वन होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू रूट थ्री कितना होता है माइनस रूट थ्री साइन थीटा ठीक है यहां पर देखो कॉस थीटा के दोनों में तो कॉस थीटा इंटू वन हो जाएगा कॉस कॉस थीटा थीटा इंटू माइनस रूट थ्री हो जाएगा माइनस रूट थ्री कॉस थीटा साइन थीटा इंटू वन हो जाएगा साइन थीटा साइन थीटा इंटू माइनस रूट थ्री हो जाएगा माइनस रूट थ्री साइन थीटा बेसिक कैलकुलेशन

ठीक है अब एक बात देखो प्लस रूट थ्री कॉस थीटा थी इधर भी दिखाई दे रहा है और यहां पे आपका यहां पे भी, भी आपका कुछ गलती कर दी क्या यहां पे मैंने वन माइनस रूट ऊपर है यहां पे वन प्लस रूट है है ना कुछ गलती कर दी नहीं कुछ गलती नहीं है माइनस रूट थी साइन थीटा यहां पर है माइनस रूट थीटा थी 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 यहां पर है कट गया किस कैसे कैसे कटा अरे ये माइनस रूट थीटा इज के इधर आता ये माइनस रूट थ्री साइन थीटा इज इक्वल टू साइन के इधर आता तो प्लस का आता तो प्लस और ये माइनस ये प्लस और ये माइनस कट जाता मैंने डायरेक्ट काट दिया काट सकते हो सब और क्या कट रहा है जरा देखना प्लस का कॉस थीटा प्लस के कॉस थीटा से कट जाएगा बोलिए जरा बोलिए जरा बोला सर बिल्कुल बोला सर बिल्कुल बोला सर आइए और देखते हैं और देखते हैं चलिए तो यहां पे आ गया आपका रूट थ्री कॉस थीटा माइनस मकसद क्या है एक ट्रिगो रेशियो में कन्वर्ट करना यहां पर आ गया माइनस रूट थ्री कॉस थीटा यहां पर आ गया प्लस साइन थीटा अब यहां पे साइन यहां पे साइन तो जरा देखते हैं भैया उधर गया तो ये आ गया आपका साएन प्लस साएन। कोई ऐसा ना सोचे कि सर ये माइनस साइन प्लस साइन कट जाएगा ऐसा नहीं होता माइनस साइन उधर गया प्लस का साइन हो गया माइनस रूट थ्री कॉस तो यहां पे रूट थ्री कॉस पहले से लिखा था यहां पे प्लस रूट थ्री कॉस पहले एक और आ गया क्या बात समझ आई भाई ये वाली चीज इधर आई तो ये आपका प्लस रूट थ्री थीटा। रूट थ्रीटा प्लस रूट थ्री थी सॉल्व करते जा रहा हुआ अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस क्या हुआ, हुआ फायदा यहां पे आ गया साइन थीटा अपॉन थीटा टू नीचे टू रूट थ्री बाय टू से टू कटा साइन अपॉन कॉस कितना होता है Sin upon cos होता है आपका टैन थीटा तो आपके टैन थीटा की वैल्यू आ गई रूट थ्री और टैन कौन से डिग्री पर रूट थ्री होता है सर कैन बी डिवाइड द क्वेश्चन बाय कॉस कर सकते हो कर तो सकते हो बट उसके साथ कुछ फायदा नहीं होगा कॉस से डिवाइड करेगा तो ये आपका वन माइनस टेन आएगा ये आपका वन माइनस टेन आएगा

यहां पे देखो एक चीज जरा यहां पे एक चीज देखिए देखो क्या लिखा हुआ मुझे बताओ मुझे सब मुझे बताना कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है जीरो फिर थर्टी फिर फोर्टी फाइव फिर सिक्सटी फिर नाइनटी जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है बताओ जैसे जैसे एंगल जीरो से नाइनटी की तरफ जा रहा है साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ये क्वेश्चंस भी एक मार्क्स में पूछे जाते हैं इसलिए आपसे ये सिखा रहा हूं जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है बढ़ रहा है साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बस इतना बता दो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है साफ साफ समझ में भी आ रहा है देखो ना कैसे पहले जीरो था फिर वन हो गया तो जाहिर सी बात है इंक्रीज हुआ आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 1/2 आपका 0.5 तो 0 से कुछ बढ़ के 0.5 फिर ये आपका कुछ 0.5 से बढ़ाएगा या आपका दोस्तों कुछ 0 बड़ा आएगा तो इंक्रीज हो रहा है वैसे ही कॉस थीटा के बारे में क्या कहना चाहोगे जैसे-जैसे एंगल जैसे बढ़ रहा है कॉस थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है बढ़ लिखो अगर बढ़ रहा है घट लिखो अगर घट रहा है बताइए ये क्वेश्चंस भी एक मार्क्स में पूछे जाते हैं कुछ भी मिस नहीं करना है भैया वन शॉट में कुछ भी मिस नहीं करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये क्या बात हुई डिग्रीज का इंक्रीज डिग्री सिंपल है समझ में आ देखो ना भाई यहां पे देख ये वन है फिर ये जीरो हो गया तो डिग्रीज ही हो रहा होगा एक तरीके से समझ में आ रहा है ठीक है वैसे ही अच्छा tan थीटा बताना सर tan थीटा बताना सर tan थीटा tan थीटा इंक्रीज हो रहा है डिग्रीज हो रहा है tan थीटा के लिए बताओ tan थीटा के लिए वट डू यू सेबाउट थी पहले जीरो था फिर नॉट था, फिर कुछ ऐसा नहीं समझ आ रहा क्या वैल्यू आएगी वन तो हुआ ये तो बढ़ा ये बढ़ के वन हुआ होगा ये आपका दोस्तों 1.73 पॉइंट समथिंग होता है तो वन से ये भी बढ़ गया और नॉट डिफाइंड का मतलब आप ऐसे सोचो तो बहुत बड़ी वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है ना तो यह भी आपका बढ़ रहा है तो बस यही कुछ कॉन्सेप्ट आपके हैं कि जो साइन थी के बीच में याद रखिए अभी हम लोग एंगल क्लास के लेवल पर सिर्फ और सिर्फ जीरो से लेकर नाइनटी तक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर नहीं उसके ऊपर फिर गेम ही एकदम अलग हो जाता है उसके ऊपर गेम ही एकदम अलग हो जाता है ठीक है भैया अच्छा

सेक थीटा की बात करूं तो वैल्यू वन से कुछ आप इसको इंफिनिटी मान सकते हो बाकी वो भारी चर्चा बाद में करेंगे ठीक है चलिए तो यहां पर अपना ये वाला चीज खत्म हुआ ठीक है अब हम लोग मिलेंगे थोड़ा सा एक छोटे से ब्रेक के बाद ठीक है चलिए अब सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ठीक है पंद्रह मिनट का ब्रेक है ब्रेक से होकर आइए और आइएगा जरूर क्योंकि अब चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा और जिस भी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी से डर लगता है कि सर समझ में नहीं आता सर कोई ट्रिक बता दो क्या करना है कैसे करना है खाली दिमाग लेकर बस यहां पर आना खाली दिमाग लेकर यहां पर आना कोई अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाना जैसा जैसा मैं बोलूं बस वैसा वैसा दिमाग में भरते जाना मैं प्रॉमिस कर रहा हूं दस क्वेश्चंस जैसी मैं करवा दूंगा ग्यारहवा तो उसे खुद बनने लगेगा ठीक है आना जरूर वादा कर रहा हूं हो जाएगा चिंता मत करना मैं सोचना सिखाऊंगा ठीक है चलिए मिलते हैं दोस्तों पंद्रह मिनट के ब्रेक के बाद भैया है ना ब्रेक 15 ब्रेक टाइमर 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 छोटा कर लेते हैं इसको तो ब्रेक आपका फिफ्टीन मिनट्स का इसको अपन चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आना जरूर यहां पे मैं ब्रेक लिख देता हूं केस अगर कोई भटकता भटकता है ब्रेक टाइम व्हाट टाइम ब्रेक टाइम ठीक है एम कब होगा अरे सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा अरे तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अलग करने पड़ते हैं एमसीक्यू अलग करना पड़ता है बड़े क्वेश्चन अलग करने पड़ते हैं ऐसे नहीं होता और बाकी एमसीक्यूज एमसीक्यू बहुत सारे लेकर आया हूं मैं तो चिंता मत करना बहुत सारे लेकर आया हूं चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ आना जरूर चलो चाहो चल लिखा भी क्या जल्दी जल्दी चलिए चलिए लिखा भी जल्दी जल्दी चलिए एकदम जल्दी एकदम जल्दी भाई साहब मैं कौन है मैं कौन है आ जाओ भाई टाइम साहब टाइम साहब टाइम साहब टाइम साहब टाइम साहब चलिए तो ब्रेक इज ओवर गाइस वापस आ जाओ 15 मिनट मेरे ख्याल से काफी थे है ना देखो यार ब्रेक आपको इसलिए नहीं दिया जाता कि एक टीचर को ब्रेक लेना है मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट टीचर तो मतलब क्योंकि वो इतने छह घंटे पढ़ाएगा तो वो आगे भी मतलब वो तीन घंटे ब्रेक ले कोई सेंस नहीं बनता तीन घंटे के बाद है ना छह छह घंटे बारह बारह घंटे हम पढ़ाने को हमारी आदत ही हो गई है ब्रेक इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग रिलैक्स करो क्योंकि एज अ टीचर हम समझते हैं कि स्टूडेंट एक साथ इतनी सारी, इतनी सारी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना मुश्किल होता है तो ब्रेक को ना दिमाग को ना थोड़ा सा ऐसे रेस्ट की जरूरत होती है ऑक्सीजन प्रॉपर ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ब्रेक इसलिए नहीं दिया जाता कि आप फोन चलाएं या फिर मस्त आए कुछ खा पी लें पेट थोड़ा सा भर लें पेट भरा रहता है तो अच्छा लगता है सुनने में बातें है ना और प्लस रेस्ट करें चलिए तो मेरे ख्याल रेस्ट कर लिया होगा भैया अब हम लोग अब हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ठीक है आ गए ना सब अरे कोई छोड़ के तो नहीं गया सब आ गए ना जल्दी आ जाओ भैया ऐसे नहीं करो चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर कुछ सवाल करेंगे कुछ नहीं बहुत सारे सवाल करेंगे मतलब इतने सवाल करवा दूंगा कि आपको लगे इसके बाद सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़े करना पड़ेगा लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा है ना चलिए लो लेवल क्वेश्चन भी लेकर मॉडरेट भी लेकर और हाई लेवल भी लेकर आओ सब बता दूंगा पर उसके पहले दस मिनट की कहानी है पहले वो कहानी सुन लो कहानी मतलब कहानी नहीं कहानी मतलब ट्रिग्नोमेट्री की कहानी ठीक है तो एक बार सब लोग एक बार फिर से भैया Uh, आग लगा दें एक बार चैट बॉक्स पे अगर मैं रिज्यूम करूं तो है ना एक बार आग लगा दें भैया फटाफट चैट बॉक्स पे जल्दी से जल्दी से आग लगा दो भैया नहीं आई सर घर पे हूं जल्दी बताओ यार जल्दी बताओ करें स्टार्ट जल्दी आग लगाओ यार ऐसे काहे कर रहे आग लगाओ जल्दी एक बिस्किट खाना था अपना नाम पे सुनाओ सुना देंगे टेंशन ना लो हम्म बढ़िया चलिए 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 स्टार्ट है ना ध्यान देना फोकस करना जो बता रहा हूँ सब सुनना है ना चलिए तो पहले कुछ रिकॉर्ड कर लिया जाए तो तीन तरीके की आइडेंटिटीज होती है एक होती है आपकी रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी ये मेरा याद करने का तरीका होता है एक होती है आपकी रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी क्या है ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी है कि साइन थीटा आपका cosec थीटा के साथ चलता है कहने का मतलब आपको याद रखना है कि साइन को आप वन लिख सकते हैं या फिर थीटा थीटा को जरूरत पड़ने पर आप अपॉन भी लिख सकते हैं सर कैसे समझ में आएगा क्या लिखना है कहां लिखना है कब लिखना है वो सब मैं सिखाऊंगा बट फिलहाल आप समझते जाओ मेरी बात को ध्यान सुनते जाओ कि साइन थीटा को, को आप वन अपॉन कौशिक थीटा लिख सकते हो कौशे थीटा को आप वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो समझ में आया सर सुनते जाना और कौश थीटा आपका चलता है सुनना चलता है किसी रीजन की वजह से यूज़ थीटा थीटा आपका सेक थीटा के साथ चलता है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगले कुछ मिनट दोस्तों है ना सेक थीटा के साथ। कहने का मतलब क्या कि कॉस थीटा को आप जरूरत पड़ने पर वन अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो सेक थीटा को आप जरूरत पड़ने पर वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो वैसे टैन थीटा आपका कॉट थीटा के साथ चलता है कहने का मतलब क्या टैन थीटा को आप अपॉन अपॉन कॉट कॉट थीटा 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 लिख सकते हो, थीटा को वन टैन थीटा लिख सकते सकते हो हो को समझ में आ रहा है आ रहा है सर ठीक है मैं एक बार यहां पर लिख भी देता हूं क्या कि भैया साइन थीटा को आप वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हो और यहां पे आप कॉस थीटा को वन अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो और यहां पे आप टैन थीटा को वन अपॉन

दोस्तों कौसेक ऊपर जाएगा तो साइन इंटू कॉशेक को आप वन लिख सकते हो सर ये नहीं समझ आया सोच के देखो सोच के देखो ऊपर गया कौशेको तो साइन इंटू कौन लिख सकते हो चलो छोड़ो मत याद रखो बस आप इतना याद रखो कि और, साथ में, चलता है, और सेक साथ में चलता है टैन और कॉट साथ में चलता है कौन सी आइडेंटिटी में रेसिप्रोकल वाली में अब आपको मैं क्वेश्चन वाली बता देता हूं आपको पता ही है रिकॉल करवा रहा हूं ना क्वेश्चन वाली आइडेंटिटी में क्या होता है सिंपल कि टैन थीटा को आप जरूरत पड़ने पर साइन थीटापॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ये बहुत बार काम आएगा और थीटा 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 को आप, थीटा को आप आप लिख सकते हैं प्लीज पेशेंस रखना प्लीज पेशेंस रखना प्लीज पेशेंस रखना ठीक है चलिए बनेगा सब बनेगा ऐसा और ऐसा मतलब आप बस ऐसा सोचो ऐसा समझो कि कहीं पर अगर क्वेश्चन में लिखा है टेन थीटा तो उसको आप साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो सर कैसे लिखेंगे कैसे पता चलेगा वो सब मैं बताऊंगा अब जो आप लोगों को नई आइडेंटिटी सीखनी वो आपको सिखा रहा हूं देखना दोस्तों इसको मैं बोलता हूं वन और स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या बोलता हूं इसको मैं इसको मैं ऐसे बुलाता हूं वन और स्क्वायर वाली आइडेंटिटी वन और स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो कि अभी आपके लिए नई है वन और स्क्वायर वाली मतलब ये सोचो इसमें वन भी होगा और इसमें स्क्वायर भी होगा इसमें क्या होता है इसमें ये होता है प्लीज ध्यान सुनना इसमें ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा वन होता है अब मैंने इसको वन और स्क्वायर वाली क्यों बोला क्योंकि यहां पर वन भी लिखा हुआ है यहां पर स्क्वायर भी लिखा हुआ है मतलब अब इसका मतलब समझो इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले याद रखना है कि वन और वाली आइडेंटिटी में साइन और साथ ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि आइडेंटिटी में साइन कॉसिक का दोस्त होता है पर यहां पर साइन कॉस का दोस्त होता है किसी रीजन की वजह से बोल रहा हूं बस दिमाग में इंफॉर्मेशन जाने दो एबसोल्यूट फोकस एपसोल्यूट ट्रस्ट करना मेरे पर

वैसे वन और स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में आपका जो सेक होता है आपका जो सेक होता है वो टैन के साथ चलता है बस, बस आप इसके वेरिएशन बना लो वेरिएशन का मतलब क्या होता है गुरु जी बताता हूं दोस्तों मान लो वन इधर आ गया तो यह आपका आ गया सेक्स स्क्टा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्तर थीटा समझेगी बात समझे ये बात क्या हुआ ये वन इधर आ गया तो सेक्स माइनस वन को आप टाइम थीटा लिख सकते हो टाइम थीटा को आप अभी वन इधर आया था अब टाइम स्क्र को उधर लिया तो यहां पे बचेगा वन टैन स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस टैन स्क्वायर तो यह आ गया आपका सेक्स थीटा माइनस टाइम तो यह आपकी एक और हो गई ठीक है याद आप मेन वाली ही रखिए याद आप मेन वाली बस आप ये याद रखो बाकी सब यहीं से बन जाएंगी बस आप ये याद रखो बाकी सब यहीं से बन जाएंगी ठीक है एक और होती है एक और होती है पे जगह करके बताते हैं आपको जरा देखिएगा आराम से एकदम है ना तो ये तो आपका हो गया चलिए अब अपन करते हैं भैया सेको हो गया देखिए देखिएगा जरा ना, ना। कॉसेक थीटा को आप वन प्लस

ठीक है बस इतनी आइडेंटिटीज से आप ट्रिग्नोमेट्री निपटा दोगे बस इस, इस स्लाइड से आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निपटा दोगे कोई बोलेगा डिलीटेड दोस्तों मैं सारे क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा आप किसी भी बोर्ड के उससे फर्क नहीं पड़ता मैं सिंपल रीजन बता रहा हूं सीबीएसई ने भले कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटीज डिलीट कर दी है पर एनसीईआरटी में स्टिल अभी उन आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन है तो मैं आपको सब कुछ करवा के जाऊंगा इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का भाई रिस्क नहीं लेने का अब सुनिए मेरी बात

मान लो कहीं पे सेक्स स्क्न स्क्र लिखा तो उसको आप वन लिख सकते हो और जो बात बच्चों को नहीं समझ में आती मान लो कहीं पे वन लिखा है तो उसको आप सेक्स ऐसा बहुत कम होता है बट होता है मतलब समझ रहे हो सुनते रहना सुनते रहना जैसे मान लो कहीं पे मान लो कौस थीटा लिखा हुआ है आप उसको वन प्लस थीटा लिख सकते हो कहीं पे मान लो वन प्लस कॉर्ट स्क्वायर लिख हुआ है तो आप उसको कौशेक्स स्क्वायर लिख सकते हो कहीं पे मान लो कोशिक्स स्क्नसर लिखा तो इसको आप वन लिख सकते हो कहीं पे मान लो वन लिखा हुआ है तो उसको आप लिख सकते किसी की चला रहा हूं लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं ठीक है अब याद कैसे रखना है अब याद कैसे रखना कौन क्या एनी बडी सिंगल ले भाई मैं सिंगल हूं मैं सिंगल हूं आ क्या करना चाहता है तू मेरे साथ बता आई एम सिंगल टेल मी अबे यार कैसी बातें कर रहे हो एक महीना बचा है, एक महीना पढ़ाई कर लो फिर दूसरे महीने में सिंगल मत रहना आए? अब सुनिए ध्यान से ना याद कैसे रखना है प्लीज ध्यान देना ठीक है हा हा भैया हा सुनिएगा भैया है ना देखिएगा जरा देखिएगा याद ऐसे रखना है कि वन और स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में साइन कॉस का दोस्त होता है सेक टैन के साथ चलता है cot के साथ चलता है बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो क्या साइन कॉस के साथ सेक टैन के साथ कॉट के साथ सेक टैन के साथ कॉट के साथ साइन कॉस के साथ ठीक है रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी साइन कॉशिक के साथ कॉस के साथ टैन कॉर्ड के साथ क्लियर है बोलो फिर से मन में बोलो सब लोग बोलेंगे को, सब सुनेंगे भैया ऐसे ही नहीं कि झारखंड में बैठे हो यूपी बिहार में बैठे नहीं बोलेंगे नहीं वो सर नहीं देख रहे बोलना पड़ेगा तेज चिल्ला के बोलो भरे भले घर पे पापा मारने आ जाए तुम्हें बोलो तुम तेज चिल्लाओ क्या कि भैया रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी में साइन कॉस के साथ चलता है सॉरी कौशिक के साथ चलता है

चले क्वेश्चंस में किस तरीके से सोचना है इस पर फोकस करना कोई बबुआ अगर फोकस करा इस पे कि मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे तो नहीं बनेगा फोकस करना है किस तरीके से सोचना है फोकस और मैं बताऊंगा ना तू पेशेंस रख बस तू पेशेंस रख बस अब देखो जरा अब देखो जरा आराम से देखना चैट रोक दो पांच मिनट चैट फ्रीज फ्रीज अभी नहीं समझ में आया तो अभी से एक घंटे बाद डैश कुछ समझ नहीं आएगा दोस्तों देखिए तरफ एक्सप्रेस द रेशियोक आराम से आराम से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता लेकिन यहीं से आपका बेस डेवलप होता है क्या बोला क्वेश्चन में पहले यह समझो कॉस ए टे और को आपको साइने में चेंज करना है मैं फिर से बोलूंगा कॉस ए टे और को आपको साइने के टर्म्स में लिखना कहने का मतलब क्या बस आप ये सोचो कि भैया कॉस ए को आपको साइन ए के टर्म्स में कुछ लिखना है और वैसे टैन ए को आपको साइन ए के टर्म्स में लिखना है सैके को आपको टैन ए के टर्म्स में सैके को आपको साइन ए के टर्म्स में लिखना है मैं बताता मैं बताता 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 हूं 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 देखो अब सब लोग सोचेंगे कैसे सोचेंगे कैसे इधर 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 कौसे को साइन ए कौसे को साइन ए कौसे को साइन ए क्या कॉस और साइन कोई आइडेंटिटी में साथ में चलते हैं कॉस और साइन कोई आपको मोटा मोटा ये सोचना है कि कौसे की कौश की वैल्यू लानी है कुछ साइने के फॉर्म में कौशे की कुछ वैल्यू लानी साइने के फॉर्म में तो पहले ये सोचो क्या कॉस और साइन कोई आइडेंटिटी में चलता चलता है कॉस और साइन साथ में चलता है याद होना चाहिए तो सबसे पहले बिना सोचे समझे आपने आइडेंटिटी छाप दी क्या कि भैया कॉस स्क् प्लस साइन स्क्वायर आपका वन होता है अब आपको कॉस की वैल्यू चाहिए तो को अलग करना पड़ेगा भैया आपका आ गया कॉस स्क्स इक्वल टू वन माइनस मतलब क्या है कॉस ए की वैल्यू निकालनी साइन ए के टर्म्स में ठीक है तो कॉस गई दोस्तों हमें स्क्वायर नहीं चाहिए कॉस ए चाहिए बस तो स्क्वायर हट के क्या होगा भैया स्क्वायर हट के उधर जाएगा आप सिर्फ फिलहाल सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे स्क्वायर उधर जाता है तो दो वैल्यूज के साथ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव आप सिर्फ पॉजिटिव लेंगे क्लास टेन के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये आपका आ जाएगा अंडर उठ वन माइनस को आपने के टर्म्स में वैल्यू लिया, लिया साइने के टर्म्स में कौसे को आप ऐसा लिख सकते हो कौसे को आप ऐसा लिख सकते हो समझे सर नहीं समझे और देखो टहने को साइने में चेंज करना लो आपको ध्यान देना इधर आपको आपको

पर यहां पर तो भी आ रहा है पर यहां पे तो कौश भी आ रहा है तो कौश को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन ए में क्यों क्योंकि हमें सारे हमें टैन को साइन में तो चेंज कर दिया पर बेचारा कॉस आया तो कॉस को भी साइन में चेंज कर दो अब कॉस को कैसे साइन में चेंज करेंगे कॉस को आप ऐसा लिख सकते हो समझे समझे टैने बराबर आपने यहां पर साइने लिखा और कौसे की जगह आप ऐसा है? लिख दो अंडर उठ वन माइनस को साइने के टर्म्स में आपने कन्वर्ट कर दिया सुनिएगा सुनिएगा अब देखिए हाँ, आएगा दोस्तों मजा अब आपको सेक ए को साइन ए में चेंज करना अब यहां से आपका मेन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा सेक ए को आपको साइन ए में चेंज करना प्लीज फोकस करना पेशेंस का काम है यार मेरी जान पेशेंस का काम है मेरी जान पेशेंस पेशेंस है ना और साइन क्या सेक से डायरेक्ट साइन जा सकते हैं क्या सेक्स से डायरेक्ट साइन जा सकते हैं सर यहां पर सेक्स से कॉस्ट में कन्वर्ट करा जा सकता है सर यहां पर सेक्स से टैन में कन्वर्ट करा जा सकता है तो सेक्स से डायरेक्ट साइन की आइडेंटिटी नहीं है बोलो नहीं है एनएच नह, बोलो नहीं है एनएच नह, फिर से बोलूंगा आप सेक को डायरेक्ट साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी ही नहीं बताई मैंने आपको वेरी वेरी गुड गुड यार very good. बस इस तरीके से देखो आप सोचना सीखना किसी रीजन की वजह से चिल्ला रहा हूं इतना मैं चाहूं डायरेक्ट क्वेश्चन करा दू नहीं नहीं एक बच्चे को भी समझ में आ गया ना मैं यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मुझे अच्छा लगेगा ठीक है सेक और साइन की कोई आइडेंटिटी नहीं तो आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे आप ऐसा कोई दोस्त ढूंढेंगे जो दोनों का दोस्त है कहने का मतलब क्या आपको पता है कि यहां पर आप सेक्स कॉस जा सकते हो यहां पर आप सेक्सिक जा सकते हो और कॉस चलेगा तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना इजी है समझे क्या बोल रहा हूं इस तरीके से सोचना है समझे अरे भाई आप सेक से साइन डायरेक्ट नहीं जा पा रहे तो आपने कॉस का रास्ता लिया क्यों सेक को कॉस में कर सकते हो कॉस को साइन में कर सकते हो कैसे करेंगे बताता हूं sec a को sec a को सबसे पहले आपने लिखा वन अपॉन कॉस ए अब भैया cos नहीं चाहिए साइन चाहिए तो cos a को आप साइन में क्या लिख सकते हो भैया अंडर उड वन माइनस साइन स्क्वायर ए अभी बताया था तो बस आपका आंसर आ गया दोस्तों sec a को आप लिख सकते हो वन अपॉन अंडर उड वन माइनस साइन स्क्वायर ए ठीक है ठीके? नहीं आया कुछ नहीं आया समझ में 20% तो आया होगा आ मेरी जान ये भी कर ये भी करके कर कर दिखाओ क्या बोला राइट ऑल दट अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ ए मतलब क्या करना है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को सेक ए में चेंज करना है ए में चेंज करना है ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है है ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि बनना, चाहिए, बनना, चाहिए, बनना चाहिए बनना चाहिए बनना चाहिए बनना चाहिए ठीक है देखिए जरा मतलब साइने को sec में चेंज करना जरा ध्यान देना साइने को सबसे पहले आपको सेक ए में चेंज करना है क्या साइन से सेक डायरेक्ट जा सकते हैं नहीं सर सर साइन से मैं कॉस जा सकता हूं सर साइन से मैं कॉसिक जा सकता हूं रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी में साइन से आप कॉसिक जा सकते हो और वन और स्क्वायर वाले में साइन से कॉस जा सकते हो आप समझ रहे हो साइन से सेक नहीं जा सकते भैया आप समझो साइन से साइन से या तो आप कॉसिक जा सकते हो और साइन से या तो कॉस जा सकते हो डायरेक्ट सही बात है पर सर हमें तो सेक जाना है अब देखो जरा देखो जरा साइंस से कॉस चले गए क्या कॉस से सेक जा सकते हो बिल्कुल जा सकते हैं कॉस और सेक साथ में चलता है समझ में मैं मैं, मैं से तो रास्ता लेकर चले जाओ ना कॉस का रास्ता लेकर चले जाओ ना समझे अच्छा आपको द वे एक और चीज बताऊं सुनोगे सब लोग करना ऐसे ही है लेकिन पता है आप कॉस सेक से भी जा सकते हो है कैसे साइन से कौशे गए अब चलता है कॉट के साथ कौ से कॉट गए कॉट टैन के साथ चलता है टैन गए और टैन सेक के साथ चलता है सेक चले गए कहने का मतलब समझ लो कि भैया साइंस से सेक डायरेक्ट नहीं जा पा रहे तो साइंस से पहले कौशिक गए फिर कोर्ट गए फिर टैन गए फिर सेक गए सर ये जा कैसे रहे अबे चप्पड़गंज साइंस से रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी यूज करके कौशिक में गए से और स्क्वायर वाली यूज करके में गए से फिर अपन ने रेसिप्रोकल वाली यूज करके टैन में गए टेन से वन और स्क्वायर वाली यूज में गए अच्छा कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आ रहा है कितने बबुआस को ये वाली बात समझ में आ रही है कितने में आ रही है करना नहीं है करना नहीं है पर मैं बता रहा हूं समझ में आ रही है तो देखो ए ए आर आर एच एच आ आ आ आ रही 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 है है समझ धीरे धीरे आएगी धीरे धीरे आएगी धीरे धीरे आएगी अभी नया चैप्टर है टेग्नोमेट्री एकदम से नहीं आ सकता पेशेंस रखना पड़ता है नहीं आ रहा बस बने रहो नहीं आ रहा बस बने रहो ठीक है जिसको नहीं आ रहा कोई बात नहीं है ना तो बस आप ये समझ गए कि भैया दोस्तों बोर्ड आपका अटक चुका है आ गया वापस। अब देखिए तो आपको समझ में आ गया कि भैया साइन से, से नहीं जा पाएंगे, तो साइन से साइन से पहले हम कॉस जाएंगे और फिर कॉस से हम सेक जाएंगे कैसे कर लो बस तो साइन से कॉस कैसे डाल सकते हैं दोस्तों आपको पता है कि साइंस स्क्वा आपका वन माइनस कॉस होता है सही बात है तो साइन ए आपका कितना हो गया

एलसीएम आपका sec स्क्वायर आ जाएगा ऊपर आपका आ गया sec स्क्वायर ए 1 क्लियर है सर नहीं आया समझ में कोई बात नहीं अगला देख sin हो गया अब cos से sec cos a से sec e जाना है जरा ध्यान देना cos a से sec a जाना है cos से sec तो डायरेक्ट जा सकते हैं रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी तो बस आप cos को डायरेक्ट क्या लिख सकते हो cos को आप लिख सकते हो 1 अपॉन sec e

टेन स्क्र ए को आप या फिर आपको याद नहीं तो आप ऐसा कर लो क्या कि one plus one plus आपका होता है आपको की चाहिए। तो आपका आ गया, one, तो कितना आ गया टेन आपका आ गया अंडर रूट ऑफ सेक्सर एंडर रूट ऑफ सेक्सर ए माइनस वन तो tan को आपने sec में चेंज कर दिया समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं ठीक है आइए आइए दोस्तों cot बचा cot को sec में कैसे ले जाएंगे कौन बताएगा बताइए cot को sec में कैसे ले जाएंगे रेसिप्रोकल वाले में cot आपका tan के साथ चलता है वन और स्क्वायर वाले में cot आपका cosec के साथ चलता है सोचिए ना दिमाग लगाइए भाई रेसिप्रोकल वाला सर तो cot आपका

और कॉ स्क्सर चले जाओ तो ऐसा भी कर सकते हो पर हम लोग छोटा रास्ता यूज करेंगे ये वाला है ना तो फिर क्या लिखा भैया लिखा टेन ए को ये दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा होगा टेन ए को क्या लिख के में? आप ऐसा अंडर उठ तो भी आपने के टर्म्स में लिख दिया कुछ बचा क्या एक दो तीन चार कौन सा बचा कैसे करेंगे क्या रास्ता लेना पड़ेगा कौसेक को आप साइन में चेंज कर सकते हो रेसिप्रोकल वाली यूज करके या फिर चेंज कर सकते हो काय में चेंज करें बताइए काय में चेंज करें बताइए देखो ना है हैसेक को आप साइन में कर सकते हो या फिर कॉट में कर सकते हो सही बात है फिर साइन को आप कॉस में कर सकते हो और कॉस को आप में कर सकते हो क्या अभी आपको रिलेशनशिप थोड़ा समझ में आ रहा है क्या रिलेशनशिप थोड़ा समझ में आ रहा है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है बाकी सब लोग आंसर भी कर रहे हैं कौशेक कैसे निकलेगा कौशिक कैसे निकलेगा सर जो साइन आया है उसका रेसिप्रोकल कर दो

सेक को आपने कोसेक ए को आपने वन अपॉन साइने लिखा साइन से कॉस जाना है तो साइने को आपने लिखा अंडरवुड वन माइनस कॉस और फिर इसके बाद कॉस से साइन निकलो ठीक है तो ये तो कर लेना आप लोग मेरे को बस आपको ये वाली चीज सिखानी है कन्वर्जन वाली चीज ठीक है ठीक है ठीक है भैया ठीक है और भी तरीके होते हैं जरूरी नहीं सिर्फ यही रास्ता है ना चलिए कितने परसेंट समझ, मैं मैं तो कितने समझ में आया जो मैं कर रहा हूं पहले तो ये बताओ कितने प्रतिशत समझ में आया जो मैं कर रहा हूं पहले तो ये बताओ अब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन में चलेंगे और उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे ठीक है सिंप्लीफाई जरूरी है सिंप्लीफाई करना जरूरी है किसी को नहीं समझ में मेरी जान आइडेंटिटीज याद रख आइडेंटिटीज याद रखो आप लोग आइडेंटिटीज याद रखो प्लीज देखो इधर प्लीज इधर देखो मेरी विनती है आप लोगों से कुछ नहीं बनेगा आगे की क्लास दो घंटे अगर, अगर और कुछ नहीं बनेगा अगर आपको आइडेंटिटीज क्लियर नहीं है आइडेंटिटीज क्लियर होने का मतलब ये होता है दोस्तों प्लीज ध्यान से तो सुनना जिसका साठ परसेंट पचास परसेंट तीस परसेंट है ध्यान से तो सुनना ठीक है आपको पता होना चाहिए कि वन और स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में साइन और कॉस साथ में चलता है और यह आइडेंटिटी होती है sec और tan साथ में चलता है ये आइडेंटिटी होती है cosec और cot साथ में चलता है ये आइडेंटिटी होती है डरना नहीं आइडेंटिटी एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए चाहो तो एक पेपर में नोट कर लो चाहो तो एक पेपर में नोट कर लो रेसिप्रोकल में sin आपका cosec के साथ चलता है cos आपका sec के साथ चलता है tan आपका cot के साथ चलते का मतलब क्या है कि tan को आप जरूरत पड़ने पर 1 upon cot लिख सकते हो

वन इधर तो होता है। है, आइडेंटिटीज़ आइडेंटिटीज़ याद याद रखो, याद रखो। ठीक धीरे धीरे आएगा अब अब, प्रूव वाले अब सिर्फ सिर्फ प्रूव वाले होंगे, कम से कम चालीस पैंतालीस क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को जरा ध्यान दीजिएगा ना दोस्तों तो प्रूव करने का मतलब क्या बराबर करना अब आप दो तरीके से कर सकते हो फिर तीन तरीके से या तो आप एल को उठाओ और आर लेकर आओ या तो आप या तो आप आर उठाओ और एल लेकर आओ जो कि आपको नहीं करना है समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं तीन तरीके से आप प्रूफ प्रूफ करने का मतलब एल बराबर आरएचएस करना एल बराबर आरएचएस करना तीन तरीके से कर सकते हो प्लीज ध्यान देना अभी बहुत क्लास बची है कोई भी डिमोटिवेट नहीं होगा कि सर एक क्वेश्चन नहीं बना सर दो क्वेश्चन नहीं बना भाड़ में जान दो वन लेक्चर में एक एटीट्यूड हमेशा अपना बना लो अगर मान लो लेक्चर का कोई पार्ट नहीं समझ में आया छोड़ दो उसको उसके चक्कर में आगे के लेक्चर की शर्ण मत खराब करो आगे बढ़ना सीखो ठीक है एल उठाओ आरएचएस लेकर आओ आर उठाओ एल लेकर आओ या फिर कभी कभी क्या होता है कि एल भी उठाओ

आपको बस एल एच एस उठाना है बाकी आप समझ ही जाओगे धीरे धीरे जब आप बेहतर बन जाओगे ठीक है तो हम लोग एल एच एस उठाएंगे और आरएचएस लेकर आएंगे कहने का मतलब क्या बताता हूं अब सोचते कैसे दोस्तों आपने उठाया एल एच एस आपने उठाया LHS. पहले सोचना सीखो पहले सोचना सीखो ठीक है यहाँ पे आया आपका वन माइनस साइंस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है यहां पे आपका सेक्स स्क्वायर थीटा दिया हुआ है मतलब इस चीज को हमने उठाया हमें क्या लाना है वन लाना है हमें क्या लाना है वन लाना है तो आप लोग प्लीज मेरी बातों को सुनना ध्यान से तब जाके समझ में आएगा सी सोचना कैसे लाने। मतलब क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि यहां पे जितने भी टी रेशियो से कट रहे होंगे यस और नो में आंसर करो यस और नो में जो बच्चा पहली पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है मुझसे यस और नो में आंसर करो क्या कि भी अगर यहां पे वन लाना है मतलब इस पूरे चीज की वैल्यू वन लाना है इसका मतलब यहां पे जितने भी टी रेशियोज है वो कट रहे होंगे

चीजें कब कटती हैं जब वो बराबर होती हैं जब वो बराबर होती हैं जैसे कि मान ले प्लस टू लिखा है माइनस टू लिखा है तो ये दोनों कटा क्यों क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है चीजें तब कटती हैं जब वो बराबर होती हैं जब वो बराबर होती है जब वो बराबर होती है सेम तो होती, 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 होती है तो आपको टी रेशियोज हटाने तो आपको उनको बराबर करना पड़ेगा बराबर का मतलब क्या जो अभी पंद्रह मिनट से बता रहा हूं क्या कि या तो साइन स्क्वायर को सेक्स में चेंज कर दो या तो सेक्स स्क्वायर में कर दो और ये आपको आता है करना क्या साइन से नहीं जा सकते जा सकते हैं साइन को आप कॉसेक में कर सकते हो और कॉस में कर सकते हो पर अगर आप कॉस में करते हो तो कॉस से आप सेक जा सकते हो सोच के देखो साइन से आप कौशेक जा सकते हो और कॉस जा सकते हो

ठीक है आ गया बन क्वेश्चन आपको बन गया होगा लेकिन मतलब समझो जो मैं सिखाना चाह रहा हूं बड़े बड़े क्वेश्चंस में वही काम आता है ठीक है चलिए धीरे धीरे लेवल उठाऊंगा कोई ये मत क्या पिद्धू क्वेश्चन लेकर पगला गया ये आदमी पगला नहीं गया हूं आइए लाना क्या है लाना क्या है वन लाना क्या है वन मतलब यहां पर जो कॉ और स्क्वायर है क्या हो रहा होगा कट रहा होगा दोनों टी रेशियोस कट रहे होंगे चीजें कब कटती है जब बराबर होती हैं तो क्या करें कॉट को कॉस में कर दो या फिर कॉस को कॉट में कर दो जो आपकी मर्जी कॉट को कॉस में कैसे चेंज करेंगे देखो यहां पे कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है तो कॉट स्क्वायर से मैं स्क्वायर जा सकता हूं सोच के देखो कॉट से या तो मैं टैन जा सकता हूं या तो मैं कॉशेक जा सकता हूं अगर मैं कॉशेक जाता हूं तो कौशे से साइन चला जाऊंगा साइन से कॉस चला जाऊंगा अब समझ हो मैं क्या कर रहा हूं क्या बोल रहा हूं भाई इन दोनों को काटना है मतलब बराबर बकरना पड़ेगा बराबर कब होगा जब कोट 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 से कॉशेक गया कोसेक से साइन गया साइन से कॉस गया समझ में आ रहा है बहुत आसान है भाई तो बस क्या यहां पे आपने एल उठाया ध्यान देना थीटा। वन प्लस कितना होता है वन प्लस होता है कॉशेक्स स्क्वायर

आपको 2 sec² लाना है आपको 2 sec² लाना मतलब आप समझ रहे हो आपको sin को sec में चेंज करना है sin को sec में चेंज करना है भाई आपको sec θ लाना है कोई रेशियो मतलब sin को sec में चेंज करना है अब आप सोचो sin को sec में कैसे चेंज कर सकते हो दिमाग चलो क्या sin से sec जाने का डायरेक्ट कोई रास्ता है क्या sin से sec जाने का डायरेक्ट कोई रास्ता है या फिर किसी की मदद लेनी पड़ेगी बताइए जरा साइंस से सेक जाने का डायरेक्ट कोई रास्ता है या किसी की मदद लेनी पड़ेगी जिनको बन रहा है बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं बन रहा वो देखते रहे बस बताइए भैया बताइए ना डाय नहीं है ना वेरी गुड वेरी गुड साइन को आप कॉस्ट में चेंज कर सकते हो और कॉस्ट को सेक में पर एक बात बताओ साइन को कॉस्ट में कौन सी आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हो वन और स्क्वायर वाली समझ रहे हो साइन को कॉस में साइन और कॉस वन और स्क्वायर वाली आईडेंटिटी में साथ में चलता है पर यहां पे तो स्क्वायर है ही नहीं पर यहां पे तो स्क्वायर है ही नहीं क्या करेंगे फिर मैं बताता हूं आपको समझ में तो आ गया बस क्या करना है सिंप्लीफाई कर लो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या भाई अगर कोई और वन माइनस साइन का एलसीएम हो जाएगा वन प्लस साइन और वन माइनस साइन का एलसीएम होगा वन प्लस इंटू वन माइनस साइन अब देखो जिनको नहीं आता कैसे करना है

वन इंटू वन माइनस साइन हो गया, गया। अराम अराम से। में क्या करूं? ये दोनों आए। sign, तो, आया? आया तो खैर चलिए अब क्या करें गुरु जी सोल्व थोड़ा थोड़ा सा तो वन जाके दोनों में मल्टीप्लाई होता वन माइनस साइन ही हो जाएगा वन किसी भी चीज में मल्टीप्लाई होता है वही चीज बन जाती है ठीक है नीचे देखो दोस्तों वन प्लस साइन इंटू वन माइनस कितना हो जाएगा सर देखो सर ये बन जाके इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा ये साइन जाके इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा पर हम डायरेक्ट भी कर सकते दोस्तों ये आपको A plus B और ये आपको आपको और के फॉर्म में दिख रहा होगा यस और नो तो इसको आप स्क्वायर नहीं लिख सकते डायरेक्ट मल्टीप्लाई अरे ऐसा ना करना पड़े कि वन जाके दोनों में फिर ये जाके दोनों में डायरेक्ट दिमाग लगाओ ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कहने का मतलब क्या नीचे आपका आ जाएगा

वन अपॉन कॉस स्क्वायर होता है तो ये आपका आ गया टू सेक्स थीटा समझे 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 मैं क्या बोलना चाह रहा हूं करना वही है साइन से सेक जाने कॉस होते हुए जाऊंगा पर पहले स्क्वायर बनाया कैसे बनाया एलसीएम वगैरह लिया अपने आप स्क्वायर बना आंसर आया ठीक ठीक चलिए आई करते रहिए बस मेरे साथ क्वेश्चंस करते रहिए आपको बनने लग जाएगा बनने लग जाएगा बनने लग जाएगा ठीक है एक याद करके दिखाओ फटाफट एक ये करके दिखाइए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रहे हैं अजीब सा और वन लाने को बोल रहे हैं और वन लाने को बोल रहे हैं मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कॉस और कॉट कट रहा होगा कॉस और कॉट मतलब टी रेशियोस आपके कट रहे होंगे प्लीज सुनते आना दस क्वेश्चन यानी ग्यारहवा बनने लग जाएगा पेशेंस रखना पड़ता है एक बार में नहीं आता है जो पहली पहली बार सीख रहा है तो ठीक है दोस्तों ध्यान दो और और तब तब कटेगा कटेगा जब जब वो सेम जब वो सेम सेम होगा होगा ठीक है सर तो जरा ध्यान दो कॉस से कॉट कैसे जाऊं कॉस से साइन चला जाता हूं साइन से कौशेक चला जाऊंगा कौशेक से कॉट जा सकता हूं यस और नो भाई सेम बनाना है ना सेम बनाना है ना

वन प्लस कॉट स्क्वायर लिखे दो कोई दिक्कत की बात नहीं साइंस स्क्वायर को आपने क्या लिखा भैया अपॉन अपॉन स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्या होता है कॉशेक्स स्क्वायर ही तो होता है तो वन प्लस कॉट स्क्वायर स्क्वायर लिखा यहां पर नीचे आपका कॉशेक्स स्क्वायर आ गया कॉशेक्स से कॉशेक्स कट गया आपका आंसर वन आ गया प्लीज आई खोल के बैठिएगा नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा खोल के बैठिएगा अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा ठीक है फिर से बता दूं एक बार मैंने यहां पे क्या करा वन प्लस कॉस इंटू वन माइनस कॉस आपका वन माइनस कॉस क्यों अरे प्लस बी देखो ना देखियो या प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वे तो वन का स्क्वायर वन कॉस का कैसो कॉ स्क् वन माइनस कॉ स्क्स कॉस एक्स स्क्वायर करा ये भी कट गया चीजें कटती है जब जाके आपका वन आएगा आगे दे, आगे करते रहिए बस करते रहिए बस करते रहिए ठीक है ठीके? अब ऐसे क्वेश्चंस क्वेश्चंस का थोड़ा सा अरेंजमेंट बेकार सा है पर कोई बात नहीं इसका अरेंजमेंट मैं सही करके देता हूं आप लोग को ठीक है बहुत सारे सवाल करवाऊंगा बस करते रहो चलो क्या दिमाग में आ रहा है भैया

साइन हटा के लाना क्या पड़ेगा लाना क्या पड़ेगा ऊपर सिर्फ कॉस चाहिए तो साइन की जगह कॉस साइन की जगह कॉस समझ में आया समझ में आया क्वेश्चन खुद बोल रहा है दोस्तों करना क्या है तो ये आ गया आपका कॉस थीटा माइनस अब यहां पे देखो बच्चे गलती क्या करते हैं माइनस के बाद पहले एक टर्म लिखी थी माइनस के बाद पहले एक टर्म लिखी थी अगर मैं माइनस के बाद दो टर्म्स लगा रहा हूं अपनी मर्जी से साइन स्क्वायर डाला अगर आप एक टर्म की जगह दो टर्म डाल रहे हैं तो आप ब्रैकेट लगा दें अगर आप एक टर्म की जगह दो टर्म डाल रहे हैं, तो आप ब्रैकेट लगा दें नीचे कितना है आपका नीचे आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो बस आई क्या आंसर में ब्रैकेट खोल लो आपको आंसर मिल जाएगा स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वाइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर नीचे आपका साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा समझ में आया तो लिखो आ रहा है समझ में आया तो लिखो आ रहा है क्वेश्चन खुद कहता है दोस्तों आरएचएस खुद बताता है कि अगली स्टेप तो आपको क्या करनी है साइन कॉस में चेंज करने को बोला मैंने कर दिया सिंप्लीफाई करा समझ में आया कि नीचे जो चाहिए वो तो आ चुका है ऊपर साइन स्क्वायर नहीं चाहिए तो साइन स्क्वायर को चेंज करा का में चेंज करा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कॉस स्क्वायर में कर तो साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखा आंसर आ गया ठीक है क्लास दोस्तों दस, दस तक मान लो ठीक है चलिए अब आपको अब आपको अब आपको अब आपको, अब आपको एक वाला करके दिखाओ फटाफट पड़ करके दिखाओ ठीक है बहुत सारे सवाल कराऊंगा एक एक करके लेवल इंक्रीज करूंगा चिंता मत करना ये अलग करो जरा क्या बोल रहे हैं कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा सेक थीटा लाना है सेक थीटा लाना है अच्छा अच्छा क्या करें क्या करें भाई कॉस थीटा से डायरेक्ट सेक तो आप ला सकते हो कॉस से आप डायरेक्ट सेक तो ला सकते हो यस और नो हाँ सर साइन को सेक में कैसे कन्वर्ट करोगे जब डायरेक्ट तो नहीं कर सकते अरे साइन को डायरेक्ट सेक में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता पर साइन से आप कॉस जा सकते हो कॉस से आप सेक जा सकते हो समझ मारा है मैं क्या बोल रहा हूं समझ मारा है मैं क्या बोल रहा हूं भाई आपको सेक चाहिए आरएचएस में आपको सेक लाना है तो इन दोनों इन सारे रेशियोस को आपको सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा

यहां से आपका साइन कॉस में चेंज हो जाएगा देखो तरह देखो यहाँ पे क्या हुआ थीटा प्लस थीटा, टू माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस फोर माइनस फोर कट जाता है वैसी प्लस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा से कट गया नीचे कितना वन माइनस साइन स्क्वास स्क्वायेर

एक ट्रिक जो बच्चे ट्रिक पूछ रहे हैं ट्रिक आप इतना याद रखो आप कोई भी ट्रिगो रेशो से साइन और कॉस बना सकते हो क्या बोला मैंने आप कोई भी टी रेशो से साइन और कॉस बहुत इजीली बना सकते हो ये बात आपको याद रखनी है और यही आपकी ट्रिक है फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा पर को इस क्वेश्चन को आपको सेक लाना है सेक लाना है सेक लाना है सेक लाना है ठीक सेक मतलब वन अपॉन कॉस सेक मतलब वन अपॉन कॉस सेक मतलब वन अपॉन कॉस मतलब कुछ कॉस लाना है मतलब कुछ कॉस लाना है कुछ कॉस लाना है समझ मार है समझ मार है ठीक है अब सुना मेरी बात ध्यान से एकदम आराम से सुनना एकदम आराम से सुनना ठीक है sec मतलब 1 cos मतलब कॉस लाना है तो sin तो कॉस में चेंज करा जा सकता है tan को कॉस में कैसे चेंज करूंगा क्या tan को कॉस में डायरेक्ट चेंज करा जा सकता है बिल्कुल करा जा सकता है क्या हो जाता है भैया क्या हो जाता है tan को आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos

यहां पर मुझे साइन नहीं चाहिए यस और नो यहां पर मुझे साइन नहीं चाहिए यस और नो क्या साइन को मैं गायब कर सकता हूं डायरेक्ट इसके पास भी साइन है इसके पास भी साइन है तो साइन कॉमन आ सकता है इसके पास भी साइन इसके पास भी साइन तो साइन तो कॉमन आ सकता है तो यहां से आप एक और चीज सीखे कि साइन थीटा अगर आप कॉमन निकालते हो तो यहां पे आपका बचेगा वन अपॉन कॉस यहां पे आपका वन अपॉन कॉस और यहां पे आपका बचेगा वन नीचे भी अगर आप साइन कॉमन निकालोगे तो नीचे साइन कॉमन आ गया यहां पे बचेगा आपका वन अपॉन कॉस और यहां पे आपका बचेगा माइनस वन साइन थीटा से साइन थीटा कट गया देखो आंसर आया कि नहीं आया वन अपॉन कॉस होता है वन अपॉन कॉस होता है सेक थीटा प्लस वन वन अपॉन कॉस होता है सेक थीटा माइनस वन देखो यही लाना था देखो यही लाना था यही लाना था

sec मतलब 1/cos बोलो हां tan मतलब sin/cos बोलो हां sec मतलब 1/cos tan मतलब sin/cos बोला हां ठीक मतलब मोटा-मोटा यहां पे sin cos चाहिए मोटा-मोटा यहां पे sin cos चाहिए ठीक है सर पर एक बात बताओ यहां पर कुछ ऐसा है जो यहां पर पक्के से नहीं चाहिए यहां पर कुछ तो ऐसा दिखाई दे रहा है अटपटा सा जो यहां पे नहीं चाहिए बताइए क्या बताइए क्या इजेशन से ही rational, से ही होगा है ना बताइए क्या आई लव यू पिकाचू आर लव टू अबे वेरी गुड रूट रूट कैसे हटता है दोस्तों यहां पे रूट लगा यहाँ पे रूट नहीं लगा रूट कैसे हटता है भैया कैसे हटता है स्कोरिंग करके पर स्क्वायर कैसे होगा ये स्क्वायरिंग कैसे करूंगा रैशनलाइजेशन कर देता हूं मैं देखो कैसे समझना आप क्या कर सकते हो यहां पे आपने अंडर रूट लगाया ध्यान देना जरा ठीक है ये आपका अंडर रूट ध्यान देना जरा ऊपर वन माइनस साइन थीटा लिखा है नीचे वन प्लस साइन थीटा लिखा है आपने ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करा जरा नोटिस करना नीचे वन प्लस है तो आपने ऊपर वन माइनस से मल्टीप्लाई करा आपनेन माइनस साइन से मल्टीप्लाई ध्यान ध्यान देना, देना, ठीक है कि नहीं होता बिल्कुल होता है ऊपर क्या आएगा वन माइनस साइन इंटू वन माइनस साइन होता है वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर याद रखिए अंडर रूट कैंसिल करने के लिए होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा अंदर अंडर रूट कैंसिल करने के लिए अंडर रूट कैंसिल करने के लिए अंडर रूट कैंसिल करने के लिए अंदर होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा आगे देखो जरा आगे देखिए जरा अबे आगे देखिए जरा दोस्तों ऊपर होल स्क्वायर कैसे बनेगा कोई बोलेगा सर इसको सॉल्व कर दो स्क्वायर लगा दो होल स्क्वायर काटना है मेरे को वन माइनस साइन कितना होता है भैया ध्यान देना जरा यहाँ पे आपका आ गया वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपका आ गया स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा यस और नो नीचे आ गया अब एक बात बताओ ऊपर स्क्वायर स्क्वायर नीचे भी square, तो अगर ऐसा होता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या मैं इसको ए अपॉन बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या मैं इसको ए अपॉन बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता बिल्कुल लिख सकते हो सर तो बस वही मैं करूंगा यहाँ पे ऊपर बी स्क्वायर नीचे बी स्क्र तुम्हें दिमाग क्या लगाया

Cause, 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 देखो आराम से अब यहाँ पे आप आप एक और और चीज सीखते हो हो कि सेपरेट कर सकते मतलब क्या बता मेरे को बात बताओ सब लोग यस नो में मान लो ऐसा लिखा है मान तो क्या आप इसको लिख सकते क्या आप इसको थ्री नहीं लिख सकते भाई अगर क्या आप इसको वन अपॉइंट थ्री माइनस टू अपॉइंट थ्री नहीं लिख सकते yes no, answer करी, answer करी, answer करी. अगर ऐसा लिखा है तो थ्री आपने इसके नीचे भी दे दिया थ्री आपने इसके नीचे भी दे दिया कर सकते हैं ना कर सकते हैं ना बस वैसे यहाँ पे आपने करा कॉस वन के नीचे दे दिया तो यहाँ पे आपका वन अपॉन थीटा साइन कॉस के नीचे दे दिया फिर तो आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा

कोट का मतलब कॉस अपॉन साइन आना यस और नो सोच के देखो ना सोच के देखो ना सोच के देखो सब लोग ध्यान दो कॉसिक का मतलब वन अपॉन साइन कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन मतलब नीचे आपको साइन चाहिए मतलब नीचे आपको साइन लाना है पर नीचे क्या दिया हुआ है कॉस पर नीचे क्या दिया हुआ है कॉस सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात नीचे आपको साइन चाहिए सही बात है पर नीचे कॉस दिया हुआ है तो कॉस को साइन में कैसे चेंज करेंगे

वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर क्या आ गया ऊपर आपका आ गया साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा देखो फायदा क्या ऊपर आपका आ रहा है साइन थीटा यहां पे आ रहा है आपका वन प्लस कॉस थीटा नीचे वन माइनस कॉस स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर लिख सकते हो सही बात है सही बात है देखो ना आपको नीचे वन अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन आपको नीचे साइन चाहिए था अब देखो फायदा क्या एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो यह आपका आ गया वन प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वही चीज करो क्या वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो इसको इसको आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो तो बस वन अपॉन साइन मतलब वन अपॉन साइन मतलब कॉसिक थीटा और कॉस अपॉन साइन मतलब थीटा बन रहा है बन रहा है बताओ भी बन रहा है अब एक मिनट का ब्रेक लेता हूँ बन रहा है क्या देखो देखो आराम से घुसने दो दिमाग में घुसने दो दिमाग में ठीक है ट्रिग्नोमेट्री दो सिंपल है जितने क्वेश्चंस तू प्रैक्टिस करेगा उतना तुझे और बेहतर बनता जाएगा अगर आप सोचोगे कि एक बार कोई बताए और मुझे समझ में आ जाए ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा पेशेंस रखना पड़ेगा किसी रीजन की वजह से आप 40-50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ताकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ ही आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रहा है ताकि आपको यह समझ में आए कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोचेस कैसे लगाए जाते हैं ठीक है चलिए पानी नहीं पी लो भैया पानी वाली पी लो सर एल से डिवाइड कर सकते हैं नहीं 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 ऐसा मत कर देना ऐसा मत कर देना कि भैया इन दोनों को इसको इधर कर दिया इसको इधर ऐसा कुछ नहीं करना है एल एच एस सॉल्व करो तो एल एच एस सोल्व करना आर एच एस सोल्व करो आर एच एस सॉल्व करना दोनों को मिलाना नहीं है हाउ मच टाइम दस या साढ़े दस मैक्सिमम ठीक है भैया ओके okay, सर आइए जरा भैया करके दिखाइए करके दिखाइए भैया क्या यहां पे देखो स्क्वायर चाहिए ठीक है स्क्वायर चाहिए ठीक है स्क्वायर चाहिए ठीक है सेक का मतलब cost, का मतलब ठीक नीचे कॉस लाना है समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं फिर से देखो सेक का मतलब साइन अपॉन कॉस मतलब नीचे कॉस लाना है कॉस लाना है तो वन प्लस में क्या करूंगी कॉस बन जाए अभी सिखाया मैंने अभी सिखाया मैंने आपको हिंट देता हूं सब लोग को ट्राई करिए ट्राई करिए अभी जाके मैं जल्द धारण करूंगा 1 माइनस sin थीटा यहां पे लिखा हुआ है यहां पे 1 प्लस sin थीटा लिखा हुआ है आप ऊपर नीचे 1 माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं आपको बना कि नहीं बना आप ऊपर नीचे 1 माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई करें और बताएं आपका आंसर आया कि नहीं आया

वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटर इसी देखो फायदा क्या स्क्वायर मत हटाना क्यों मत हटाना देखो बाहर स्क्वायर चाहिए तो यहां पे का होल स्क्वायर लिखा नीचे आपका आ गया आपको जो चाहिए था कॉस्टर अब देखो ना एक चीज नोटिस करो ना आपको स्क्वायर अलग से चाहिए यहां पर तो क्या करोगे ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर आपने दिमाग लगाया कि ऊपर वन माइनस साइन थीटर लिख लो नीचे कॉस थीटा लिख लो होल स्क्वायर कर दो कर सकते हो तो वन अपॉन अब देखो स्क्वायर तो आ गया स्क्वायर तो आ गया बस आई गया मेरे ख्याल से इसको आप डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो वन अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस ये हो गया आपका होल स्क्वायर और यहां पर आपका कितना आ गया वन अपॉन कॉस कितना होता है सेक थीटा साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन थीटा यह आ गया आपका होल स्क्वायर बोलो जय माता दी ठीक है ठीक है ठीक है भैया है ना चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं भैया अब अपन चलते हैं एक ये तो हो ही जाएगा लला, तो ये तो बहुत ही आसान है पर चलो कर लो अब यहां पे घबराना नहीं सर इतना बड़ा क्वेश्चन है बहुत ही फालतू क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है Käia, trips, कि पहले इसको सॉल्व करो ये लेकर आओ फिर इसको सॉल्व करो ये लेकर आओ फिर इसको सॉल्व करो ये लेकर आओ अच्छा समझ रहे हो समझ रहे हो भाई बात है समझ रहे मतलब क्या कि पहले इसको सॉल्व करो ये लेकर आओ फिर इसको सॉल्व करो ये लेकर आओ फिर इसको सॉल्व करो ये लेकर आओ ठीक है गुरु ठीक है गुरु ठीक है गुरु ठीक है गुरु जी तो कैसे करे देखो ना देखो इधर 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 आओ क्या दिमाग में आएगा ये देखो साइन और ही चाहिए अरे साइन और ही चाहिए तो साइन और तो पहले से दिखाई दे रहा है करेंगे क्या सर का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम लेना वगैरह 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 आइए करते हैं आइए करा जाए तो बताओ साइने माइनस कौश साइन ए प्लस कौसे एलसीएम क्या आएगा साइन ए माइनस कॉसे क्या आएगा ऐसा लिख कोई 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 दिक्कत दिक्कत तो तो नहीं नहीं बोलो भाई जीरो देगा ठीक है अब देखिएगा सर्कल्स वगैरह सब मैं पढ़ाऊंगा चिंता मत करो चिंता मत करो जरा ध्यान ना तो साइन माइनस में क्या मल्टीप्लाई करू यह साइन माइनस कॉस में क्या मल्टीप्लाई करूंगा साइन प्लस इसी साइन प्लस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसी साइन प्लस कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस कितना होता है साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर प्लस साइन प्लस कॉस में क्या मल्टीप्लाई करूंगा साइन प्लस कॉस में क्या मल्टीप्लाई करूंगा

ए स्क्वा प्लस बी स्क्र माइनस टू ए बी नीचे क्या ए माइनस बी ए प्लस बी आपका आ जाएगा साइंस स्क्वायर माइनस देखो यही चाहिए देखो यही चाहिए देखो यही चाहिए बहुत बढ़िया देखो आंसर क्या है टू साइन कॉस प्लस का टू साइन कॉस माइनस का साइंस स्क्वायर प्लस कॉ वन होता है साइंस स्क्वायर प्लस कॉ स्क्न होता है तो ऊपर आपका टू आ गया नीचे आपका साइंस स्क्वायर माइनस कॉ स्क्वायर और यही आपको लाना था ये आपको लाना था समझे 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 ठीक अब इधर देखो अब इधर देखो दोस्तों अब एक बार बताओ ये तो आ गया ये तो आ गया यहां से ये कैसे लेके आओगे यहां पे टू ही चाहिए और यहां पे टू ऑलरेडी है नीचे आपको साइन चाहिए कॉस नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बताइए क्या करना पड़ेगा बस इतना बताओ तो क्या करना पड़ेगा बहुत इजी है यहां से यहां हम चले गए अब यहां से यहां कैसे जाएंगे यहां पर कॉस नीचे नहीं चाहिए यहां पर नीचे कॉस है मतलब कॉस को हटाना पड़ेगा कॉस हटा के क्या लाना पड़ेगा साइन लाना पड़ेगा और कॉस को मैं साइन में चेंज कर सकता हूं तो बस यहां पे डायरेक्ट क्या ऊपर लिखा टू यहां पे लिखा भैया मैंने साइन स्क्वेर इसको दूसरे पेन से करता हूं दोस्तों रुकिएगा यहां पर मैंने लिखा टू अपॉन साइन स्क्वायर वैसा का वैसा कॉस स्क्वेयर की जगह मैंने लिखा वन माइनस साइन स्क्वेयर गलती ये मत कर देना कि एक टर्म की जगह दो टर्म्स लिख रहे हो तो ब्रैकेट नहीं लगाया वो गलत हो जाएगा कितना आ गया ये आपका आगे टू ये आ गया आपका साइन स्क्वेयर माइनस वन प्लस साइन स्क्वेयर तो साइन स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर टू साइन स्क्वेयर तो ये आ गया टू अपॉन टू साइन स्क्वेयर जो कि आपको लाना था समझ गए और यहां से फिर यहां तो आप कन्वर्ट कर सकते हो कैसे भाई नीचे साइंस स्क्वायर है हमें कौ स्क्वायर चाहिए नीचे स्क्वायर हमें तो बस साइन को में चेंज कर, देना। कर लेंगे तो लिखो कर लेंगे कर लेंगे तो लिखो कर लेंगे अब थोड़े से और बेहतर क्वेश्चंस पर लेकर जाता हूं थोड़े से और बेहतर क्वेश्चंस पर लेकर आपको जाता हूं ठीक है आइए क्या दिमाग में मैं रहा पहले तो ये बताओ सबसे पहली स्टेप क्या दिमाग में आ रही है पहले तो ये बताओ मैंने आपको बताया था हर एक रेशो साइन कॉस में कन्वर्ट करा जा सकता है यहां पे आपको सेक और कॉशेक लाना है यहां पे आपको सेक और कॉस्क लाना है ठीक आपको टेन और साइन दिया हुआ है आपको टेन और साइन दिया हुआ है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जहां पर सुनना मेरी बात ध्यान से ऐसे क्वेश्चन में जहां पर लाना कोई और दो रेशु है दिया कोई और चार रेशु है मतलब लगभग लगभग छह के छह रेशियो दे दिए ऐसे क्वेश्चन में आप हर एक चीज को साइन और कॉस में चेंज करें क्या बोला मैंने आपको दो रेशियोज लाने हैं और आपको चार रेशियोज दिए हुए मतलब मोटा मोटा छे के रेशियो दे दिए क्वेश्चन में तो आप ऐसे क्वेश्चन में साइन और कॉस में सबको कन्वर्ट करें क्या बात समझ आई आई सर तो करो जरा अपने आप आंसर आएगा साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूं तो टेन को मैं लिख सकता हूं टेन को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और को मैं लिख सकता हूं, थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आपका साइन थीटा, थीटा सोचना नहीं, नहीं, तो ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा कॉस इंटू साइन का एलसीएम कितना होता है कॉस इंटू साइन का एलसीएम होता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा में क्या मल्टीप्लाई करूं गया है कॉस थीटा में क्या मल्टीप्लाई करू साइन थीटा इसी साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई करूं या साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई करूं या कॉस थीटा तो कॉस थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करा तो ये आपका आ गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आपका दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं देखिएगा ऊपर एक तरीके से एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है समथिंग अपॉन समथिंग नीचे ऐसा नहीं है तो नीचे आप खुद से वन लगा दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो अब यहां पर क्या होता है बच्चा बच्चा जानता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ठीक है ओके गुरु आइए देखिएगा तो भैया वन जाके ऊपर तो ये तो आपका साइनस स्क्वेर थीटा माइनस कॉ ही रहेगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू साइन कौस कौस तो जाएगा? साइन कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा। अब क्या करे कौन बताएगा अब क्या करें बॉन बताएगा अब क्या करे भाई क्वेश्चन में ये तो समझ में आ गया सबको साइन कॉस में करना है करा इतना आया पर अब क्या करें पर अब क्या करें

क्या यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने में कौन दिक्कत आएगा बोलिए वो कह रहा है कि मुझे, टैन में मुझे में तो पढ़ी थी याद तो है वैसे सेक को मैं टैन में कन्वर्ट कर सकता हूं हाँ कौशिक को मैं कॉर्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं हाँ अभी ये तो कितना आसान हो गया कैसे देखो ना देखो भाई ये कैसे देखो सेक को लिखा वन प्लस टाइम स्क्वायर याद है आइडेंटिटी भैया नहीं याद तो पेपर खोल के लिखो अब यहां पे देखो जनाब गलती मत करना क्या है की जगह आप लिख रहे हो one plus square, जो कि है तो इसकी जगह दो टर्म्स लिखी इसकी जगह दो लिखी ब्रैकेट लगाइए प्रभु तो यह आ गया आपका वन प्लस टाइम स्क् माइनस वन माइनस कॉट स्क्तर प्लस वन से माइनस वन गया प्रभु आंसर आ गया प्रभु आंसर आ गया ठीक है भैया स्क्वायर थीटा माइनस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देखो यार ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो वन शॉर्ट लेक्चर्स में ऐसे ही चलता है पर मैं ट्रिग्नोमेट्री का स्पेसिफिकली बता दूं अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता आप उसको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें वो क्वेश्चन आप बाद में भी बना सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर ये सालों साल ये वीडियो यहाँ पे रहने वाला है चिंता मत करो कोई डिलीट नहीं करेगा ठीक है ना भैया और करेंगे तो बता देंगे नहीं करिए अब कहा कोई करेगा डिलीट चलिए भैया जब थोड़े से सा अच्छे सवाल और है ना आइए भैया अच्छा एक बात बताइए हमें लाना है वन मतलब सारी चीजें हो रही होंगी क्या भाई हमें लाना है वन मतलब सारी चीजें क्या हो रही होंगी सारे रेशो क्या हो रहे होंगे कंसिल हो रहे होंगे

को को मैं cost, को मैं सर अब क्या करें? ऐसे अब, अब तो तो आए नहीं समझ आ आज जल्दी धीरे धीरे बताइए ना प्लीज तो साइन और वन का एलसीएम दोस्तों साइन आएगा सही बात है साइन में क्या मल्टीप्लाई करो साइन आए वन तो वन को ऊपर तो वन वन सा वन

करते जाओ सिंप्लीफाई वन माइनस होता है cos square, नीचे लिखा हुआ ऊपर वाला पूरा मल्टीप्लाई तो ऊपर आपका साइन इंटू साइन साइंस स्क्स इंटू कॉस तो नीचे भी ऐसा आ गया जनाब वन आया कि नहीं आया जनाब वन आया कि नहीं आया जनाब वन आया कि नहीं आया अरे आप किसी भी बोर्ड से कौन फर्क नहीं पड़ता रहे आप कोई भी बोर्ड से हो दोस्तों आप यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि लगभग सारे क्वेश्चन आपको करवा लगभग सारे लगभग सारे ठीक है अभी लेवल इंक्रीज करूंगा प्लीज पेशेंस रखना ठीक है ठीक है अरे मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चंस करने में ये बताओ भाई नहीं आ रहा तो बोल देना नहीं आ रहा कोई बात नहीं नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा कोई बात नहीं वो तुम्हारी ही गलती है मजा नहीं आ रहा तो पच्चीस दिन पहले पढ़ाई चालू कर रहे हो और बोल रहे मजा नहीं आ रहा ऐसा होता है क्या बताइए करें आगे तो चलिए दोस्तों अब आगे करते हैं अब हम करेंगे एक का का सवाल का बहुत ही अच्छा सवाल है ये वाला करके दिखाइएगा बहुत अच्छा सवाल है लेवल हम इंक्रीज कर दिए ऋतिक सर क्या बहुत बहुत ऐसे पिद्दू पिद्दू लेवल कराते हैं हम कराएंगे तुमको हाई लेवल क्वेश्चन अभी ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी है पर अच्छा है मतलब और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2000 में पूछा गया था एमसीक्यू जल्दी कैसे करें अभी हम बताएंगे जल्दी कैसे करना है और इतनी जल्दबाजी ना करा करिए जिंदगी जीवन, जीवन में सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हार्ड है अरे वो ऋतिक सर पढ़ाए हार्ड लगा हम पढ़ाएंगे ना हाँ तो तो देख देखेंगे अभी कुछ समय बाद इस मिलियन होंगे मिलियन व्यूज में लोग देख रहे होंगे ये लड़का क्या कर रहा है जेंडर ना चेंज कर दे भाई और मम्मी पापा तक तो बात जानी भी नहीं चाहिए भाई खतरनाक हो जाएगा अभी एकदम से सोचा मैंने चलिए ध्यान दीजिएगा जरा अरे भैया अब एक्साइटेड रहो यार बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आओ बनेगा ना जरा देखते देखते रहो बस तुम यार नहीं बन रहा नहीं बन रहा कोई बात नहीं बस देखते रहो तुम यार बने रहो बस है ना जरा देखिएगा हो गया सर बहुत अच्छे देखो वंस मोर ये देखो वंस मोर अबे तेरे वंस मोर के चक्कर में घर से निकाल देंगे वीडियो चला गया तो समझ रहा है सही कह रहा हूं चलिए चलिए भैया तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल कुछ -कुछ तो दिया हुआ अच्छा भैया कुछ 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 करें क्या दोस्तों हमें लाना है, अच्छा, है, है, है।, है, है। रेशो दिए हुए भैया क्या करा जाए क्या करा जाए साइन कॉस्ट में चेंज है सबको या डायरेक्ट खोल दे क्या बोलती क्या बोलती पब्लिक होल स्क्वायर खोलू या साइन कॉस्ट में चेंज करूं जो आप बोलो मेरे ख्याल से होल स्क्वायर खोलना ज्यादा सही लग रहा है मेरे को इस समय क्यों क्योंकि देखो ना अगर होल स्क्वायर खोलूंगा तो कौ स्क्वायर को सकते हो बोलिए होल स्क्वायर आएगा चेंज कर सकते हो आइए करते हैं तो यहां पर आ गया दोस्तों आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉशेक्स थीटा प्लस टू साइन थीटा थीटा यहां पर आपका यहां पर आपका कॉ थीटा प्लस थीटा, प्लस टू कॉस थीटा सेक्स थीटा ओके सर सुनते रहिए पेशेंस रखिए अब क्या करें गुरुजी देखिए ना देखिए ना साइन स्क्वायर प्लस कॉ स्क्वायर कितना होता है वन पर उसको अभी आप छोड़ो मुझे एक बात बताओ सब लोग इतनी ट्रिग्नोमेट्री मैंने तुम्हें पढ़ाई कि यहां देख तो लग रहा होगा यहां के कुछ तो लग रहा होगा सोचो जरा सोचो जरा क्या लग रहा है सोचिए जरा क्या लग रहा है सोचिए जरा क्या लग रहा है सोचो जरा सोचो ये क्या हुआ है कैसी ये करारी है ये कैसा ये नशा है तुम पर हमको वेरी गुड बहुत देखो सर क्यों होता है? आ? क्यों होता है किसी ने बताया तो साइन sign... इसलिए तो चपड़गंज बोलता हूं कौशेक को वन अपॉन साइन लिखेगा तो साइन इंटू साइन कैंसिल होगा ना कॉस और सेक रेसिप्रोकल में साथ में चलते वन अपॉन कॉस लिखा तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा

टैन में चेंज कर सेक में चेंज कर आइडेंटिटी वाला पेज खोल समझ आ रहा है समझ आ रहा है क्वेश्चन खुद बोल रहा है दोस्तों कि टैन में करो कॉट में करो इसलिए कौशिक और सेको टैन और कॉट में कर रहा हूं तो बस सेक को मैंने लिखा वन प्लस टैन स्क्वायर बोलिए जय माता दी वाई प्लस वन प्लस वन तो यह आ गया आपका सेवन प्लस थीटा प्लस थीटा ठीक ठीक फिर एनसीआर आइए करोगे खतरनाक सवाल, करो खतरना सवाल बोलिए करेंगे सर सर जो आप देंगे, करेंगे सर सर जैसा आप करेंगे सर, वैसा करेंगे सर।, करेंगे सर 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 जो जो आप आप देंगे देंगे करेंगे 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 जैसा कहेंगे वैसा आपके लिए जान जान भी दे, दे देंगे। नहीं जान मत दो बोर्ड कौन देगा फिर चलिए जरा आइए से बोल इज़ी सिंपल है भाई बॉस ट्राई करना है पेन चलाना है तभी आंसर आएगा नहीं तो नहीं आएगा सर मैं तो पेन चला चला के थक गया सर आंसर ही नहीं आता अरे कोई बात नहीं तू ट्राई कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है है ठीक साइन है अच्छा ये क्या अजीब सा सवाल है ये क्या अजीब सा सवाल है भैया इसमें क्या करूं इसमें क्या करूं वन प्लस सेक थी कौशिक थीटा लाना है अच्छा सेक थीटा दिया भी हुआ है ठीक 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 क्या करूं क्या करूं क्या लगता है क्या करूं क्या करूं क्या लगता है पहली स्टेप क्या करनी चाहिए होल स्क्वायर खोलना चाहिए या साइन और कॉस में चेंज करना चाहिए एक ही बात जो करना है वो कर दो मैं काम करता हूं साइन और कॉस में चेंज करता हूं ठीक है क्योंकि बाद में भी करना ही पड़ेगा तो यह आ गया आपका वन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर प्लीज ध्यान देना साइन प्लस वन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर यहाँ पे आपका लिख देगा ठीक ओके सर कॉस्ट प्लस यहाँ पे कितना हो गया? का आपको बस बताने के लिए कर रहा हूं आपको आप समझ में आगे करना क्या चाह रहा हूं समय वेस्ट करना था सब लिखने में ठीक है दोस्तों प्लस बी का औसर क्या होगा ए का भाई इसका स्क्वायर तो वन का स्क्वायर सी का स्क्वायर ऐसा आएगा फिर क्या हो जाएगा टू इंटू ये इंटू ये ठीक है चलो ठीक है नहीं समझ में नहीं नहीं समझ में कोई बात नहीं स्क्वायर खोल दो तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस सेक्स थीटा जो आपको करना है वो कर सकते हो ठीक है यहाँ पे आपका आएगा टू साइन थी थीटा यहाँ पे क्या कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा या आपका आ जाएगा कॉस थीटा या आपका आ जाएगा टू कॉस थीटा कॉसिक थीटा जो मैं पहले कर रहा था वो भी सही था कोई दिक्कत की बात नहीं ऐसा कुछ आया सर ऐसा कुछ आया सर अब क्या करूं एक काम करता हूं देखो काफी बड़ा लंबा सा लग रहा है तो साइन में चेंज करता हूं बोलो हाँ। ठीक है भैया समझ आ रहा है जल्दी बोलो भैया जल्दी बोलो अरे आ रहा है तो बोलो हाँ ठीक है सर चलिए आइए तो भैया अब देखो एक चीज क्या सबसे पहले साइन कॉस्ट में चेंज करता हूं तो ये आपका साइन स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है यहां पे सेक्स स्क् वन अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दूंगा यहां पे ये टू साइन नीचे कॉस तो ये आपका टू साइन अपॉन कॉस आ जाएगा समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं ठीक है ट्राई कर विराज ट्राई कर ट्राई कर विराज ट्राई कर ठीक है कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखा कॉसेक स्क्वायर को वन अपॉन साइन स्क्वायर लिखा कॉस को वैसे का वैसे कॉसेक को वन अपॉन साइन तो कॉसेक को वन अपॉन साइन लिखेगा तो यहां पे टू कॉस अपॉन साइन आ जाएगा इतना किस किस को समझ में आया इतना किस किस को समझ में आया

तो इन वैल्यूज को आप साथ में लेकर सॉल्व कर ले कहने का मतलब क्या साइन स्कॉक्टर आपका हो गया यहां पे आपने लिखा टू साइन अपॉन कॉस यहां पे आपने लिखा टू कॉस अपॉन साइन ठीक है इन दोनों को आपने साथ में लिख दिया हरे वाले को साथ में लाल वाले को साथ में ठीक है अब सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम वगैरह तो यहां पर लिखा वन प्लस

साइन में क्या मल्टीप्लाई करू कॉस साइन है कौस, तो कौस को कर या गया, टू क्या बोला फिर भी आगे ठीक है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन तो इतना समझ में आके वन प्लस वन अपॉन कॉ स्क्स स्क्वायर बहुत बढ़िया यहां पर क्या दिमाग लगाना दोनों के पास टू है बाहर निकालोगे दोनों के पास टू है बाहर निकालोगे तो साइन स्क्वायर बनेगा तो यहां पे आपका आएगा टू इंटू साइन स्क्वायर, और नीचे आपका स्क्र प्लस साइन स्क्वेयर प्लस कॉ स्क्न तो ये आ गया टू अपॉन तो साइन कॉस इतना आया इतना आया इतना आया ठीक है, है। देखते रहो बस देखते रहो देखो यार

अब देखो फायदा क्या आंसर ही आ गया आंसर ही आ गया, आ गया देखो कैसे हमको sec और cosec चाहिए हमको sec और cosec चाहिए कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है यहाँ पे a plus b का होल स्क्वायर है a plus b का होल स्क्वायर मतलब ये आपका वन आएगा ये आपका कुछ sec स्क्वायर cosec स्क्वायर आएगा और ये आपका कुछ 2 sec cosec आएगा समझ में आ रहा है मतलब इसको अगर आप खोलोगे तो ऐसा कुछ आएगा यस और नो

कॉसिक थीटा वन अपॉन कॉस होता है सेक वैसे ही नहीं आ रहा वैसे ही नहीं आ रहा एग्जैक्ट वैसे नहीं आ रहा एग्जैक्ट वैसे नहीं आ रहा एग्जैक्ट देखो जरा देखो जरा तो बस इसको आप क्या लिख सकते हो आप इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो वन प्लस वन प्लस सेक

देख लो एक था तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं बनती थी सच बता रहा भी नहीं बनती थी ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनती मतलब क्वेश्चन नहीं बनते थे सच बता रहा उसके बाद क्या हुआ और एक होता है नहीं बनना एक होता है हमें लगता है कि हमें कभी भी नहीं बनेगा तो ऐसे बहुत सारे बच्चे वहां पर होंगे जिनको लगता होगा हमें लगता है कि हमें कभी भी नहीं बनेगा ये इतना हार्ड है मेरे को भी ऐसे ही लगता था जब मैंने पहली पहली बार ट्रग्नोमेट्री पढ़ा था उसके बाद क्या मैंने छोड़ दिया मैंने बोला कि चलो ठीक है इस एटीट्यूड से तो कुछ नहीं होने वाला नहीं बनेगी छोड़ जाने तो देख, देखेंगे बाद में बोर्ड एग्जाम करीब तो थे नहीं उस समय स्टार्टिंग स्टार्टिंग के सेशन की बात थी फिर क्या हुआ तीन चार महीने बाद मैंने फिर से ट्रिग्नोमेट्री उठाई ऐसे ऐसे दोस्त से बात कर रहा था उसके घर पर कोई बुक पढ़ थी उसके घर पर मैं गया हुआ था जय नाम था दोस्त का और उसे बात करते करते मैंने इसे बुक खोली मैंने अच्छा मैंने क्वेश्चन देखते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री बनती नहीं है

फिर क्या हुआ फिर मेरे को एकदम से इंटरेस्ट डेवलप हुआ फिर मेरा एक और दोस्त था पीयूष करके भैया फिर मैं उसके साथ स्कूल में बैठ के ट्रिग्नोमेट्री लगाता था आर डी शर्मा से कैसे लगाता था क्वेश्चन देखता था नहीं बनता था सोल्यूशन देखता था फिर क्वेश्चन देखता था सोल्यूशन देखता था फिर क्वेश्चन देखता था सोल्यूशन देखता, देखता, देखता था और ऐसे क्या हुआ दस बारह क्वेश्चन के मैंने सोल्यूशन देखे धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि चल क्या रहा है

पर हमें तो साइन चाहिए पर हमें तो चाहिए क्या हो मतलब तो समझ में आए ठीक है भैया आराम से देखिएगा भैया ठीक है तो अगर मैं ऊपर साइन कॉमन ले लू मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तो अंदर क्या बचेगा यहां पे साइन क्या तो यहां पे बन बचेगा यहाँ पे एक साइन गया तो यहाँ पे टू साइन नीचे से सा आप कॉमन ले सकते हो तो बचेगा। एक कॉस गया ना तो कॉस तो बचेगा यहाँ पे आपका माइनस वन बचेगा समझेगी बात अब एक चीज नोटिस करो जो लाना है वो तो पहले से आ गया साइन अपॉन कॉस तो पहले से आ गया भाई साइन अपॉन कॉस्ट को आप टेन लिख सकते हो आप टैन लिख सकते हो यस और नो तो फिर ये बाकी दोनों चीजों का क्या हो रहा होगा सोच के देखो सोच के देखो दिमाग लगा के देखो फिर से बोलूंगा क्या फिर से बोलूंगा क्या आपने ऊपर कॉमन निकाला आपने नीचे कॉमन निकाला साइन अपॉन कॉस टैन आ गया मतलब जो चाहिए वो पहले से आ गया मतलब ये दोनों चीजें क्या हो रही होंगी जनाब ये दोनों चीजें क्या हो रही होंगी बताइए ये दोनों चीजें क्या हो रही होंगी

बहुत बढ़िया तो या तो ऊपर वाले साइन को चेंज कर नीचे जिसको आपकी मर्ज़ी कर दो चलो नीचे करता हूं मैं तो ऊपर आपने 1 -2 sin2 लिखे दोन दिया नीचे आपने 2 लिखा। को आपने 1 -sin2 लिखा को माइनस टेन थीटा यान कितना हो गया टू 2 इन टू माइनस एन ऐसा कुछ आ गया भैया आपको माइनस वन पहले से सॉल्व करते रहो आंसर आ जाएगा भैया अब तो इतने खतरनाक खतरनाक कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन कर लिए ये तो बन ही जाएगा आइए जरा ध्यान दें तो ये आ रहा है ऊपर आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा नीचे आपका आ रहा है टू माइनस वन तो वन तो ये आपका आ रहा है वन माइनस टू साइन स्क्वायर देखो ना अरे भाई टू माइनस वन तो तो ये पूरा कट ही एक आसान क्वेश्चन करोगे बोलो एक आसान क्वेश्चन करोगे बहुत आसान क्वेश्चन है भैया करके दिखाइए बहुत ही आसान क्वेश्चन करके दिखाइए बहुत आसान बहुत ही रद्द क्वेश्चन क्वेश्चन खुद कह रहा है मुझे टैन में कन्वर्ट कर दो तो जरा तो क्या डायरेक्ट टैन में कन्वर्ट हुआ जा सकता है बोलिए क्या कोई आइडेंटिटी है क्या याद है और नहीं भी याद तो पेपर देख लीजिए भैया सेक को डायरेक्ट टैन में चेंज करा जा सकता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है रे तो सर कर देते हैं ना कर देते हैं कर देते हैं सेक को टैन में कर देते हैं अरे कौन सी आइडेंटिटी होती है भैया सेक स्क्र थीटा को देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा अच्छे से लिख जा भाई सेक स्क्वायर थीटा को आप वन प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो यस और नो यस और नो यस सर तो बहुत बढ़िया sec दिया है टेन आना है ये आइडेंटिटी यूज करूंगा पर एक प्रॉब्लम बताओ प्रॉब्लम क्या है बताओ 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 प्रॉब्लम क्या है बताओ 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 प्रॉब्लम क्या है बताओ बताओ जल्दी बताओ 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 जल्दी बताओ ऐसे नहीं करते जल्दी बताओ

ये हरे सेक्स स्क्वायर का स्क्वायर कौन कॉल कर रहा है दोस्त कर रहा है अच्छा सेक्स स्क्वायर चलिए देखिएगा भैया ध्यान दीजिएगा ठीक है तो ऐसा अरे ऐसे लिख सकते हैं ना अरे सेक्स स्क्वायर का स्क्वायर सेक्स की पावर फोर ही होता है हाँ सर बस अब कर दो कन्वर्ट कर दो कन्वर्ट तो सेक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं वन प्लस स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर सर ये ये, ये कहा, कहा से आया सर ये सर, बस समझ नहीं आ रहा है अरे sec की पावर 4 को sec स्क्वायर का स्क्वायर लिखा फिर ये sec स्क्वायर को 1 tan स्क्वायर लिखा तो ये स्क्वायर तो यहीं का यहीं रहेगा ना अच्छा यहाँ पे क्या एक गलती कर देंगे बच्चे लोग बताओ क्या अरे एक, की एक टर्म की जगह एक ठो टर्म की जगह दो टर्म लिख रहे हो तो यहाँ पे 1 tan स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना बस ये बताना चाह रहे हैं ठीक है, है? सुन तो रहिए का भैया देख रहे तुमको

माइनस वन ये हो गया ये माइनस टेन स्कोर इतना सड़ा क्वेश्चन है बस तो बस क्या हो गया भैया कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ गलती तो नहीं कर दी हम कुछ गलती तो नहीं कर दिए प्लस वन माइनस वन से कट गया बहुत अच्छे ये आ गया टेन की पावर फोर थीटा टू टाइम स्क्वायर माइनस टेन स्कोर टू एक्स माइनस एक्स एक्स होता है टू टाइम माइनस टेन टेन होता है टू टाइम स्क्स टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर होगा मेरे ख्याल से यही लाना था आसान सा सवाल था मैंने बस इसी बीच में दे दिया कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल 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 ले सकता है मेरी जान तू क्या कर सकता है तो इन दोनों से सेक्स x² कॉमन ले सकता है उसके बाद भी करना तो वही है वैसे भी कर सकता है ठीक है ओके गुरुजी चलिए 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 ये हो गया ये हो गया ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया मजा करें आ जाओ भैया बस बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने सेक स्क्वायर कॉमन ले सकते हो जैसे कि मैंने बताया सर क्या सेक कॉमन ले सकते हैं अरे हाँ ले सकते हैं अबे कितनी बार प्लस साइन अच्छा प्लस होगा प्लस होगा प्लस होगा कौन बोल रहा है भाई कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे प्लस होगा हाँ सही कह सही कह रहे हो सही कह रहे हो सही कह रहे हो यहाँ पे आपका प्लस होगा

में चेंज कर दे सबको बताइए सर में कर करो जरा करो जरा साइन कॉस में चेंज करो जरा अच्छा सर तो यहाँ पे सेक को लिखा वन अपन देखते रहो देखते रहो बस देखते रहो आंखें गड़ा के एकदम देखते रहो अच्छा एलसीएम लेना पड़ेगा बिल्कुल लेना पड़ेगा तो यहाँ पे वन आया यहाँ पे आपका एल सी साइन आ जाएगा ठीक है वन में क्या मल्टीप्लाई करो साइन है साइन तो साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करा यहां पे दोनों जगह साइन लिखा है तो ऊपर एज इट इज एज इट इज ऐसा हो जाएगा देखते रहिए यहां पे वन तो वन सी और सी का एलसीएम सी आ जाएगा वन में क्या मल्टीप्लाई कर कॉस है कॉस तो कॉस ऊपर मल्टीप्लाई यहां पे ऐसा आ जाएगा ठीक कोई दिक्कत अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे अब क्या करें भैया साइन कॉस में तो चेंज करें अब क्या करें अरे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है सर अरे मल्टीप्लाई डिवाइड तो नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा पर क्या सब लोग ये बात समझते हैं तो लिखो समझते हैं एस एच क्या कि साइन जाके इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा कॉस जाके इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा और माइनस जाके इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा यस और नो यस और नो अरे बोलिए अरे बोलिए हाँ बोलिए समझते हैं ना सब लोग ये बात करना पड़ेगा देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो पर वो जाने ही दो वो मतलब तुम कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए नहीं बता रहा ना तो देखो भैया साइन जाके तीनों में तो साइन cos हो गया sin cos डरना नहीं sin sin हो गया sin² डरना नहीं cos 1 हो गया cos cos एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकंड एक सेकंड

तो प्लस साइन कॉस से प्लस साइन कॉस तो नहीं कटेगा पागल हो गया ठीक है प्लस कॉस माइनस कॉस कट गया प्लस साइन माइनस साइन कट गया ठीक है क्या बचा क्या बचा देखिएगा साइन कॉस प्लस साइन कॉस होता है टू साइन कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और यहां पे माइनस वन बचा डिवाइडेड बाय साइन कॉस गुरुजी आंसर आ गया देखो टू साइन कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन होता है यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे साइन कॉस टू साइन कॉस ये तो कट गया प्लस वन से माइनस वन ऊपर आ रहा है आपका टू साइन कॉस नीचे आ रहा है साइन कॉस आ गया टू ठीक आ गया टू सर पूरा लिखो ऐसे तुम अरे पूरा लिखूंगा समय बहुत वेस्ट होगा मेरी जान अरे आप क्यों घबरा रहे हो सी और एस का मतलब साइन कॉस है

कभी खेलूंगा सारे राज अपने मैं तुमको दे दूंगा मेरी जान तूने मुझको पागल है किया मेरा लगदान आजिया रितिका मैम के बगैर तू मान मेरी जा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा मैं तुझको ये क्वेश्चन करा के रहूंगा अब सुनिएगा अब सुनिएगा अब आपको दोस्तों प्रियजनो कुछ आइडेंटिटीज का आपको इस्तेमाल ये होमवर्क में कर लेना ना ये आसान सवाल है। बहुत ही आसान सवाल है कर लेना चलिए अब आपको कुछ आइडेंटिटीज बता दीजिए दोस्तों A3 plus B3 की यूज होने का बहुत ज्यादा चांस है ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी या फिर ऐसा भी लिख सकते हो स्क्वाइनस ए बी प्लस बी स्क्वा आइडेंटिटी नोट करी या काम आने वाली है आइडेंटिटी मम्मी हंस रही है नमस्ते आंटी आंटी जी देखिए हम वन शॉट में सब क्लियर कर देंगे वो तो बस कभी कभी इसे मजाक चलता है नमस्ते नमस्ते हाँ। अबे यार तुम ऐसे शर्माया मत करो मतलब मैं ऐसे मत कर करो अच्छा रुको अभी आंटी को जाने दो पहले हाँ देखो भैया कैसे हाँ तो ए क्यू प्लस b क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी दोस्तों ए क्यूब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अब कोई पहली पहली बार मैथ्स पढ़ रहा होगा तो वो मुझे यही बोलेगा कि कैसा है भैया ये इंसान देखो यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ माइनस लगा दिया यहाँ माइनस लिखा है तो यहाँ प्लस लगा दिया क्या उल्टा इंसान है भैया ऐसा नहीं ऐसा नहीं कर रहे ठीक है ठीक <laughs> है सुनो मेरी बात ठीक है दोस्तों यही आपकी आइडेंटिटी है किसी को कंफ्यूज नहीं होना दोनों काम की आइडेंटिटीज है याद रखिए क्या अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे यहां पे माइनस आएगा ए बी में माइनस आएगा याद रखिए कंफ्यूज नहीं होना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो कई बार मैं भी हुआ हूं यहां पे टू ए बी लिख देते हैं टू ए बी नहीं ए बी होता है प्लस अगर यहां पे माइनस है अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस ही रहेगा यहां पे प्लस ही रहेगा आइडेंटिटीज क्लियर है आइडेंटिटीज क्लियर है अबे हंसी मजाक क्लियर ठीक है थीके सर। थीके? अब ध्यान इस वाले में क्या मन करता है क्वेश्चन देखते से कुछ तो मन करता होगा भाई देखो वन लाना है तो साइन कॉस तो दिया ही हुआ है कुछ तो करने का मन करता ही होगा ऐसा हो ही नहीं सकता स्टूडेंट को कुछ करने का मन नहीं कर रहा हो अरे कुछ तो करने का मन कर ही रहा होगा बोलो ना बोलो बोलो यहाँ पे बोलो बोलो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको देखो और कुछ दिमाग में ना आए बोलो क्या दिमाग में आ रहा रहा है है बोलो क्या दिमाग में आ बोलिए हाउ मच लॉन्गर टेन थर्टी मान लो मेरी जान अरे मतलब यार maximum questions यार देखो मैक्सिमम कराऊंगा ठीक है ठीक है अबे आइडेंटिटी लगाने का मन नहीं करता क्या आइडेंटिटी दोस्तों अब चार घंटे से पढ़ा रहा हूं आइडेंटिटी लगाने का मन नहीं कर रहा क्या हाँ हाँ कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे चलिए लगा दो ए क्यू प्लस बी क्यूब क्या होता है यहां पे लिख भी देता हूं ठीक है हूं। तो ए प्लस बी तो ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस फिर क्या ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी तो ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर माइनस मतलब माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आपका लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहां पर क्या लिखा हुआ अलग से साइन थीटा कॉस थीटा बहुत अच्छे यहां पे देख लो ना ए क्यू प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर

बोलो जय माता दी सारे बोलो जोर से बोलो क्लियर बोलो आवाज नहीं आई जरा लाउड बोलो ठीक है नाम ले लो अरे नाम बड़ा डेंजर सफल ही नहीं पाया चलो आगे देखो अब इसी पर कुछ और सवाल आपको करवा रहा हूं ठीक है अब दोस्तों एक पर्टिकुलर लेवल के तीन चार सवाल कराऊंगा प्लीज फोकस करना है ना उसके बाद जरा देखिए मजा आएगा

समझ गए सर क्या कह रहे हो आप समझ गए से लिखा ये टैन सा तो मैंने साइन एप से लिख दिया समझ में आ रहा है अब यहां पर आप एक बहुत बेहतरीन चीज सीखोगे क्या मैं बताता हूं क्या मैं बताता हूं ठीक है टैन को चेंज कर दिया है ना अब अब क्या करेंगे सर सिंप्लीफिकेशन करना है साइन कॉस तो आई क्या आइए करते हैं सिंप्लीफिकेशन तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा आइए लेते हैं तो यह आपका आएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे वन तो वन और कॉस ए का एलसीएम आपका आएगा कॉस ए ऊपर वन में क्या मल्टीप्लाई करूं कॉस है कॉस है तो ऊपर आपका कॉस से मल्टीप्लाई होगा प्लीज ध्यान देना कॉस से में क्या मल्टीप्लाई करूं कॉस है वन तो ऊपर आपका वन मल्टीप्लाई होगा ऐसा आ गया ठीक है ऊपर यहां पे क्या यहां पे तो आपका वैसा का वैसा कोई बच्चा कह रहा था सर पूरा पूरा लिखो ले भाई ले भाई ठीक चलिए अच्छा यहाँ पे क्या ऊपर एक फ्रैक्शन टाइप का या रैशनल नंबर टाइप का नहीं है नीचे है तो ऊपर मैंने वन लिख दिया कंफ्यूज नहीं होना है कंफ्यूज किसी रीजन की वजह से बेसिक बातें बताता हूँ नीचे एक फ्रैक्शन टाइप का दिख रहा है ऊपर नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर नी, नीचे नीचे वन लगा दो कॉज सबसे ऊपर जाएगा ये आपस में तो मोटा मोटा ये आपका कितना आ गया भैया एक तो मोटा मोटा मैं कहा से सीख गया हूं कॉस इंटू कॉस स्क्स इंटू वन हो गया आपका कौश माइनस साइन और यहां पे क्या रहा यहां पे आ रहा है आपका? आपका पे आ रहा है इतनी बात समझ गए तो लिखो एस डी समझ गए इतनी बात समझ गए तो लिखो एस डी समझ गए इतनी बात समझ गए तो लिखो एस डी समझ गए ठीक क्वेश्चन ने बोला चिल्ला चिल्ला के साइन कॉस में चेंज कर कर दिया फिर सिंपलीफाई कर दिया ठीक है अब इसके बाद क्या दिमाग में आएगा पहले ये बताओ इसके बाद क्या करने का दिमाग में आएगा पहले तो ये बताओ क्या दिमाग में आएगा एलसीएम लेने का दिमाग में आगा? आएगा आएगा बिल्कुल आएगा देखो ना चेंजेस तो कुछ नहीं करने साइन कॉस्ट चाहिए साइन कॉस्ट चाहिए सब कुछ साइन कॉस्ट में पहले से है अब पर पता है मैं क्या करता हूं एलसीएम लेने का बहुत मन कर रहा है बहुत जोर से मन कर रहा है पर पर यहाँ पे कौसे है? यहाँ पे है है अगर आप लोगे तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन एलसी कैसे कर सकते हो आप देखो मेरी जान अगर समझ यहाँ पे पे है तो अगर डिनोमिनेटर में सेम चीजें लिखी हैं तो एलसीएम लेना आसान होता है कि नहीं होता यस और नो अगर डिनोमिनेटर में सेम चीजें हैं तो ऊपर भी एकदम सेम आ जाता है कोई चेंजेस होते ही नहीं है तो आप अरे बहुत अच्छे सब लोग आंसर कर रहे हैं जिनको नहीं आता जो पहली पहली बार पढ़ रहा है उनके लिए मैं बोलूंगा अगर डिनोमिनेटर में सेम चीजें हैं तो न्यूमिनेटर है। कहना क्या चाह रहे हो लगभग लगभग डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है लगभग लगभग डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है बस फर्क यह है कि यहां पे प्लस का कॉस ए है यहां पे माइनस का कॉस ए है यहां पे माइनस का साइन ए है यहां पे प्लस का साइन ए है साइन का फर्क 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 ठीक है तो मैं क्या करता हूं मैं क्या करता हूं कौश माइनस साइन है प्लीज ध्यान देना। और यहां पर आपका आ गया प्लस साइन स्क् मैंने यहां पे माइनस कॉमन निकाला देखो क्या होगा मैं यहां पे माइनस कॉमन निकालू अगर मैं आप माइनस कॉमन निकालू तो आपका साइन ए माइनस का हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस का हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस का हो जाएगा क्या ये बात समझ आई मैं फिर से बोलूंगा लगभग लगभग एलसीएम सेम दिखाई दे रहा पर थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है तो मैंने क्या करा मैंने इन दोनों से माइनस भार लिया तो ये आपका माइनस का साइन ए हो गया या आपका प्लस का कौश हो गया आप क्रॉस चेक करो माइनस इंटू माइनस साइन ए प्लस साइन ए आएगा माइनस इंटू प्लस कौश ए

ऊपर आपका साइन स्क्वायर है इधर देखना कॉसे माइनस साइन लिख दो माइनस साइन है, एक ही बात है। यहाँ पे भी और ऐसे केस में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर एग्जैक्ट आपका सेम आ जाता है समझे 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 अब देखो अब देखो जिसको नहीं समझ में इधर देख मेरी जान लगभग लगभग डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है साइन का फर्क है यहाँ पे माइनस का साइन है यहाँ पे प्लस का साइन है तो मैंने क्या करा मैंने इससे माइनस बाहर निकाला अगर मैं इससे माइनस बाहर निकालूंगा तो इसका साइन पलट जाएगा इसका भी साइन पलट जाएगा तो ये प्लस का साइन है माइनस का साइन है बन जाएगा माइनस का कॉस है प्लस का कॉस ए बन जाएगा माइनस बाहर निकालू तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस साइन प्लस कॉस को मैं कॉस माइनस साइन कॉस माइनस साइन लिख सकता हूं बिल्कुल अब यहां पे भी कॉस माइनस साइन यहां पे भी कॉस माइनस साइन नीचे कॉस माइनस साइन लिख दिया ऊपर एज इट इज आ गया फिर से बता दिया अब सुनना मेरी बात अब यहां पे भी कुछ करने का तो मन कर रहा होगा क्या सर क्या कर रहा होगा मन भाई स्क्वायर नहीं चाहिए जो हमें प्रूव करना उसमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो आपको समझ में तो आ रहा है ए स्क्वाइनस बी स्क्वायर क्या होता है A B होता है है और नीचे क्या आ रहा तो से जो कि आपको लाना था आपका आंसर आ गया कॉस ए प्लस साइन है जो कि आपको लाना था देखो किस तरीके से करा मैंने देखिए भैया किस तरीके से करा मैंने है ना ठीक है

ठीक है अब ये वाला चीज याद रखना ये जो माइनस बार निकाल के डिनोमिनेटर सेम बनाया ना जो माइनस बार निकाल के डिनोमिनेटर सेम बनाया इसको आप याद रखिएगा क्योंकि अभी आपको ये काम आने वाली है ठीक है करीज़रा। 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 साइन कॉस लाना है यहां पे साइन यहां पे साइन कॉज यहां पे कॉस टाइम को चेंज करना पड़ेगा ओके सर तो भैया जी ये आपका ये आपका कॉस स्क्वायर को ऊपर लिखा हुआ है है ना या आपका नीचे वन माइनस साइन अपॉन कॉस ऐसी लिखूंगा इसके नीचे वन लगा दो कुछ नहीं है तो ये आपका साइन क्यूब अपॉन साइन माइनस कॉस एकदम सेम क्वेश्चन करो जरा सब लोग सॉल्व कॉस ऊपर जाएगा कॉस स्क्र में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका कॉस क्यूब आ गया

c minus s आ गया यहाँ पे ऊपर आपका c क्यूब माइनस एस क्यूब बताओ ऊपर क्या लगाने का मन करता है आइडेंटिटी लगा दो माइनस ए बी डिवाइडेड बाई c माइनस एस तो c माइनस एस से c माइनस एस कटा c स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन होता है ये आपका ऐसा आ गया जो आपको चाहिए था वन माइनस कॉस साइन देख लो एक बार आराम से देख लो एक बार आराम से मैं एक मिनट का ब्रेक दूंगा देखिए आराम से ठीक है जिनको समझ में आए प्लीज मुझे बताते रहा करो कि एस डी 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 है ना ठीक है प्लस होगा आ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है माफ करिएगा दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे प्लस ही आता है ना ये आपका प्लस होगा माफ करिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे प्लस ही आता है ठीक है अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है पर काफी लाजवाब क्वेश्चन है सर देखिएगा ना और काफी बड़ा क्वेश्चन है पेशेंस रखिएगा पेशेंस रखिएगा पेशेंस रखिएगा पेशेंस रखिएगा है ना आप चाहो तो ट्राई कर लो आप चाहो तो ट्राई कर लो और पेशेंस रखना भाई लंबा क्वेश्चन है घबराएगा नहीं कोई आइए तो हमें टैनकॉट लाना है हमें टैनकॉट अरे ये तो ठीक है ये टैनकॉट आ जाएगा फिर ये आप ले आना ठीक है वो तो अपन बाद में देख लेंगे टैनकॉट लाना है पे पर टैनकॉट ही दिया हुआ है यहाँ पे टैनकॉट ही दिया हुआ है ठीक है तो टैनकॉट लाना है टैनकॉट ही दिया हुआ है तो टैनकॉट में रहने देते हैं

अगर आप कॉर्ट को टेन में चेंज करते हो तो एलसीएम लेके आएगा मतलब आप समझ रहे हो लेकेट को आप टेन में चेंज करोगे तो शायद हो सकता है डिनोमिनेटर सेम बन जाए एलसीएम लेने में आसानी हो मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ठीक है तो बेसिकली बेसिकली समझना चाह रहा मैंने यहां पर क्या करा यहां पे मेरा टेन ए लिखा हुआ है वन माइनस कॉट ए की जगह मैंने कॉट ए को मैंने बना पॉइंट लिखा सुनना बाबी ठीक है

कॉटे अपॉन वन माइनस टेन वही चीज वही चीज क्या ये सबसे ऊपर ये इधर या फिर इधर से कर लो ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई ये ऐसे मल्टीप्लाई कितना आ, ये आ जाएगा ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा टेन इंटू टेन है तो ये आपका जाएगा जाएगा। जाएगा। एं एं तुम्हें आ तुम्हें ए, तुम्हें जाएगा टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेन माइनस वन इंटू वन हो गया टेन है माइनस वन टेन है माइनस वन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आ गया आपका ए और यहां पर आ गया आपका वन है ठीक अब मुझे बताओ लगभग लगभग डिनोमिनेटर दे रहा है कि नहीं दे रहा लगभग लगभग डिनोमिनेटर सर साइन कॉस में क्यों कन्वर्ट नहीं करके कर सकते हो जय बिल्कुल कर सकते हो जय आप करो लेकिन उससे बहुत लंबा आएगा उससे बहुत लंबा आएगा आप करके देखो इससे भी लंबा है पर साइन वाले से ये कंपैरेटिवली आसान है बाकी आप कॉस भी कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एक बात याद रखना एक क्वेश्चन को करने का एक तरीका नहीं होता बहुत सारे मल्टीपल तरीके होते बस मैंने दिमाग क्या लगाया मैंने दिमाग ये लगाया मैंने दिमाग ये लगाया कि यहाँ पे टेन है यहाँ पे नीचे आपका टेन है माइनस वन है ठीक है इस प्लस को माइनस कर दूं और यहां पे मैं पलट दूं इसको यहां पे मैं इसको वन माइनस टेन की जगह टेन ए माइनस वन लिख ऐसा आप कर सकते हो आप ऐसा इमेजिन करो कि माइनस इंटू टेन ए माइनस टेन ए आएगा ऐसा आप कर सकते हो मैंने आपको सिखा दिया ऑलरेडी अब देखो फायदा क्या अरे फायदा ही फायदा जनाब जनास ए माइनस वन तो आप यहां पे लिख सकते हैं टेन ए माइनस वन ऊपर आपका एज इट इज क्या टेन स्क्वायर ए माइनस कॉट ए अब एक बात बताओ इतना तो कर लिया इतना तो कर लिया पर यार ये टै, ये अजीब सा परेशान सा नहीं कर रहा भाई हमें तो टैन ए कॉटे लाना है पर ये परेशान कर रहा। तो 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 दिमाग क्या लगाया मैंने बोला ना लंबा जाएगा दिमाग ये लगाया कॉटे को भी टैन ए में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ पे टैन स्क् था कॉट ए को भी मैंने टैन ए में कन्वर्ट करा डिवाइडेड बाई आप माइनस वन बस देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं बस देखते जाओ ऊपर जाहिर सी बात एलसीएम लेना पड़ेगा तो ऊपर अगर आप लोगे तो tan A LCM आएगा तो यह आपका ऊपर आ जाएगा टेन क्यूब ए माइनस वन अपॉन टेन ए माइनस वन ऊपर कुछ फ्रैक्शन टाइप का दिखाई दे रहा नीचे नहीं दिखाई दे रहा वन लगा दो तो ये सबसे ऊपर ये इधर करना जरा करना जरा यहां पे आ गया आपका टेन क्यूब ए माइनस वन अपॉन टेन ए इंटू टेन ए माइनस वन इतना किस किस को समझ में आया देखो इतना देखो पहले इतना देखो पहले आराम से देखो चैन से देखो सुकून से देखो कोई कोई जल्दबाजी नहीं आराम से देखो आराम से देखो देखिए जरा आराम से देखो इंतजार कर रहा हूं आप लोग का मैं सर कॉमन लिया कहा गया अरे रे 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 रे, रे, रे। माइनस जो तू बाहर निकाल रहा है वो इस प्लस को माइनस बना रहा है माइनस जो आप बाहर निकाल रहे हो वो इस प्लस को माइनस बना रहा है। ठीक निहाल नमस्ते ठीक है एक बार और रिपीट करता हूं देखो मैंने क्या करा मैंने कॉटे को टैने में चेंज करा यहां पे एलसीएम लिया तो ये टैने माइनस वन अपॉन टैने ऐसा आया ये tan a ऊपर गया ये tan a 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ कुछ ऐसा आया लगभग लगभग डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है पूरा सेम नहीं है तो इस प्लस को मैंने माइनस करा और यहां पर एग्जैक्ट ये लिख दिया समझे आप ऐसा कर सकते हो इस प्लस को माइनस करा कैसे मैंने अब आपको सिखा दिया इस प्लस को माइनस करा आप ऐसा सोच सकते हो यहां से मैंने माइनस कॉमन निकाला यहां से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो यहां पे साइन पलट गया tan a tan

सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ये दोनों आपस में तो टेन क्यूब ए माइनस आ गया और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई से हो गया अब यहां पर क्या करने का मन कर रहा है अब यहां पर क्या करने का मन कर रहा है बताइए यहां पर क्या करने का मन कर रहा है बताइए क्या वन को आप वन क्यूब नहीं लिख सकते ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाने का मन नहीं कर रहा लगाओ जरा तो ए क्यूब माइनस आपका आ जाएगा ए माइनस स्क्वायर ध्यान देना आंसर आने वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी समझ गए नीचे आपका टेन ए इंटू टेन ए माइनस वन अब देखो फायदा क्या टेन ए माइनस वन से टेन ए माइनस वन कटा बस 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 आंसर आने वाला है तो यह आपका आ गया ऊपर कितना ऊपर आपका आ रहा है टेन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टेन ए और नीचे आपका आ रहा है टेन है अब इसके बाद मैंने क्या करना बताता हूं मैंने टेन इसके, इसके नीचे दिया इसके नीचे दिया इसके नीचे दिया आपका आंसर आ जाएगा देखो कैसे टैन स्क्न प्लस वन अपॉन टेन है प्लस टेन अपॉन टेन समझ गए ओके सर तो एक टैन से एक टेन कटा ये आपका टेन आया वन अपॉन टेन ए आपका कॉट होता है टेन ए टेन ए कटा वन आया क्या यही आपको प्रूव नहीं करना था tan प्लस कॉट प्लस वन टेन प्लस cot प्लस वन टेन प्लस कॉट प्लस वन टेन प्लस कॉट प्लस वन साइन कोई बोल रहा है सर साइन कॉस में कर लो मेरी जान साइन कॉस में करके देख बहुत लंबा जाएगा शायद इससे भी लंबा जाएगा या फिर इसी के बराबर जाएगा करके देखो करके देखो करके देखो करके देखो करके देखो ठीक है यहां पे फिर से बताता हूं यहां पे मैंने क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब ए की वैल्यू टेन है बी की वैल्यू वन क्या होता है टेन का स्क्वायर टेन स्कोर बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ए बी मतलब टेन टू वन टेन है टेन ए माइनस वन से टेन ए माइनस वन कटा नीचे टेन ऊपर ऐसा देखो जरा फिर ऐसा ये है तीनों के नीचे दे दिया आंसर ही आ गया आंसर ही आ गया ठीक है देख लो खुद खुद सॉल्यूशन देख के समझो मैंने क्या करा है मैं आपको समय दे रहा हूं खुद सॉल्यूशन देख के समझो मैंने क्या करा है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है अगर आपको लगता है कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रही चीजें ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा धीरे धीरे आएगा धीरे धीरे आएगा पेशेंस रखना पड़ेगा

तो अगर आप इसको साइन कॉस में चेंज करते हो तो ये आपका आएगा देखो साइन थीटा, सॉरी साइन अपॉन कॉस प्लस आए साइन तो साइन स्क्वायर आ गया ऊपर साइन में क्या मल्टीप्लाई करू कॉस तो कॉस स्क्वायर आ गया ऊपर ऐसा साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर वन अपॉन कॉस साइन प्लस वन आंसर नहीं आ गया वन अपॉन कॉस वन अपॉन साइन ये होता है आपका सेक ए cosec ए प्लस वन सेक ए कौशेक ए प्लस वन सेक ए कौशक ए प्लस वन देखो आराम से देखो आराम से भाई यहां पे आप ऐसा बोल सकते हो ना वन अपॉन कॉस सेक वन अपॉन साइन ठीक है चलिए 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 अब 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 कुछ कॉन्प्ट सीखने पड़ेंगे हमें कॉन्सेप्ट क्या सिखा दूं पहले एक टाइप के क्वेश्चन करा दूं फिर सिखाऊं नहीं चलो कॉन्सेप्ट ही कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या सबको एक बात समझ में आती है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लीज ध्यान देने काम आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी सही बात है देखते रहो बस बने रहो मेरे साथ

स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी का हो अभी कई बार यूज होगी कई बार होगी हो और अभी कोई छोड़कर नहीं जाएगा मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन कराने क्लास ग्यारह साढ़े ग्यारह जितने बड़े तक चले अब चले है ना सारे क्वेश्चन में कराकर जाऊंगा आपको ठीक है ये समझ में आना चाहिए कि A square plus B square को आप का का रटना रटना नहीं रटना नहीं A plus B whole square ये होता है तो ए स्क्वायर निकालने के लिए टू ए बी उधर चला गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक चलिए तो अगर अगर मैं लिखूं अगर मैं लिखूं अगर मैं लिखू साइन थीटा प्लस प्लस कॉ स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको आप क्या लिख सकते हो सर वन लिख सकते हैं बहुत सही है। बहुत सही, सही। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, साइन की पावर फोर थीटा प्लस plus... अभी क्वेश्चन रुकेगा जैसे आपका जैसे आपका जैसे आपका, जैसे आपका, जैसे आपका ये तो आसान है चलो ये वाला पहले कर लो पहले ये करके कर देखो कोई बोलो तो सर एमसीक्यू बता दो प्लीजे भैया एमसीक्यू बता रहे हैं आपके लिए आपको साफ साफ समझ में आ रहा है सुनीगा आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि पावर फोर दिया हुआ है पर पावर टू में आंसर लाना है पावर फोर दिया हुआ है पर पावर टू में आंसर लाना है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि पावर टू में कन्वर्ट करो करते हैं भैया करते हैं कन्वर्ट तो इसको आपने लिखा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर सही बात है माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर ठीक है सर ठीक है सर अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मैं आप लोगों के लिए पोल खोल देता हूं ठीक है देखिएगा जरा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बहुत समय है पोल में बहुत समय 90 सेकंड से है ना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी समझ में आएगी बात देखो ना भाई अरे ए का तो ए प्लस A B, वही चीज मैंने लिखी हुई है अब सर स्क्वायर में वन हो गया। पे सिर्फ और सिर्फ कॉ स्क्सर बचा ठीक है ओके सर अब क्या करें क्या स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दिखाई दे रहा है नहीं सर सर यहाँ पे साइन स्क्वायर माइनस रहा है समझ लो

तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा लेकिन या तो आपको साइन में चेंज करना पड़ेगा या तो कॉस में चेंज करना पड़ेगा कर लेते हैं तो आइए अगर मैं मान के चलता हूं अगर मान के साइन में चेंज करूं तो कॉस स्क्वायर को की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पहले से तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर या गया आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर क्या वन माइनस ना 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 नाना ना 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 देखो ना ना, मेरा वन माइनस टू साइन स्क्वायर आ रहा है उनका टू साइन स्क्वायर माइनस वन कहने का मतलब मेरा प्लस वन है उन्होंने माइनस वन दियार उन्होंने तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा कॉ स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं तो कॉस्क्वायर पहले से लिखा हुआ माइनस पहले लिखो माइनस लिखा साइन स्क्वायर की जगह वन माइनस को स्क्वायर लिखा तो आगे कॉ स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉ स्क्वायर तो आ गया टू कॉस्कर माइनस वन क्या टू कॉ स्क् माइनस वन सही है टू कॉस्कर माइनस वन टू को स्क्र देखो ना प्लस का टू को प्लस का टू को स्क्त माइनस वन माइनस वन बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर अगर एमसीक्यू में पूछे जाएं जल्दबाजी नहीं करना बस यही बोलूंगा आंसर आ जाएगा जल्दबाजी नहीं करना ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आइए देखिए सिक्सटी सिक्स परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया बहुत अच्छे जन्मे जय हिमांशु पंकज खालिद यूपीएससी लवर सुनील सनी ऑफ ऑफिशियल विक्रम कृष्णा वैष्णवी तितर मरे दिवी दिवी शायद लास्ट क्लास में भी थी लक्ष्मी दिव्यांशी शेख आलम इसिया आलम मानसी एडिटिंग बाय अनोज जसबीर अनमोल इच्छा विद्या बहुत अच्छा चलिए अगला सवाल करिए जरा सॉल्व करिए जरा सॉल्व बोल दे रहा हूं बहुत ही आसान सवाल है करिए सॉल्व फोर्टी फाइव सेकंड्स है आपके पास फोर्टी फाइव हैं है आपके पास ठीक है पावर फोर दिया हुआ है पावर में लाना है तो आपको पता है क्या करना है भैया पहले आपने लिखा साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉ स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर बहुत बढ़िया तो ए

डिनोमिनेटर इधर उधर कर दो तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो गया टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस कितना हो गया वन टेन स्क्वायर माइनस वन आपका आंसर आ गया तो ये आपके कुछ एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर सी कोई भी सी नहीं अच्छा अब सब सी कह रहे अब सब सी कह रहे हम्म कितनी देर और चलेगा एक घंटा एक घंटा या सवा घंटा और मान लो ठीक है अब तुम लोग रखा हूं आप लोग के लिए आया हूं यार, मेरी जान में तो पांच क्वेश्चन करा के निकल जाऊ नहीं सब करा के जाऊंगा मैक्सिमम प्रैक्टिस यहीं पे होनी चाहिए ना हाँ अब कोई मतलब नहीं सी लिखने का अब कोई मतलब नहीं पोल एक ही बार आंसर चैक कैच करता है तो कृष्णा एक्सवाई जेड क्यू चिराग अनन्या हार्दिक एच के लेजेंड्स ऋतिके में क्या लिखा रितिक, अच्छा रितिका में ओ भाई रोहनप्रीत सिंह आकृति जुनैद शिवम राम्या लक्ष्मी चंचला हिमांशु अनमोल अर्चना वैभव जी आइए भैया आइए भैया अब आपको ये वाला करवाएं जो कि मैं बता भी रहा था डिस्के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था ना देखिएगा सर अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आसान सवाल है सबसे पहले क्या सबको एक बात समझ में आ रही पावर फोर नहीं चाहिए पावर टू चाहिए तो क्वेश्चन खुद ही कह देता है कि मुझे पावर टू में मुझे पावर टू में तो कर देते हैं। तो पावर टू में कन्वर्ट तो बोलो हाँ सर अब क्या करें अब क्या करें अब आप बताओ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या मैंने आपको आइडेंटिटी नहीं सिखाई क्या मैंने आपको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर नहीं सिखाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी बहुत काम की आइडेंटिटी है इससे सवाल आ जाता है बहुत काम की आइडेंटिटी है बहुत काम की आइडेंटिटी ठीक है अब देखना जरा तो साइंस स्क्वायर में तो कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन ने बोला अब जरा ध्यान देना दोस्तों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 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 तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस समझे बात आराम से देखो भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी आंसर ही आ गया

दस मिनट का ब्रेक और उसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे अभी बहुत सारे सवाल और है ना दस मिनट का ब्रेक और फिर अभी और क्वेश्चंस करेंगे मिनट का ब्रेक ओनली ओनली मिनट्स मिनट्स दोस्तों ना प्लीज कोई या बीस ना बोले सिर्फ दस मिनट का ब्रेक रिलैक्स करके आओ कुछ पेट भरना है पेट भर लो जो करना है वो करो रिलैक्स करके आओ एक घंटे और सवाल करने वाले बहुत लाजवाब सवाल है ना और आइएगा जरूर क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हमारे बचे हुए हैं कितने बचे हैं भैया अभी तो बचे हैं दोस्तों अभी तो बचे अभी काफी बचे, पर मैं कोशिश करूंगा इनमें से छाट छूट के एकाद सवाल मतलब एक ये अगला करेंगे ब्रेक सवाल कोई करना चाहता तो कर लेना ठीक है एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ दस मिनट का आपका ब्रेक है ना दस मिनट आपका ब्रेक ठीक है प्लीज पंद्रह मत मांगो प्लीज 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 पंद्रह मत मांगो है ना रिलैक्स करके आओ ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें जाएं ऐसा ना हो कि चीजें ही नहीं जा रही और प्लीज जितने अभी लाइव है सबके सब, सब वापस आएंगे कोई छोड़ के ना जाना यार कोई छोड़ के ना जाना सबके सब वापिस आएंगे टाइमर आपका स्टार्ट कर रहा हूं टूल्स टाइमर <laughs> दस मिनट योर टाइम स्टार्ट योर टाइम स्टार्ट नाउ जल्दी आना जल्दी आना जाओ 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 जल्दी जाओ जल्दी जाओ 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 तुम्हारा ब्रेक स्टार्ट हो गया जल्दी चले जाओ तुम्हारे बात तुम्हारे जाने के बाद स्टार्ट करूंगा जल्दी जाओ जल्दी जाओ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम ही मिल रहा है तुम लोग को जल्दी जाओ फोर पॉइंट फोर के लाइव है आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू बी प्रेजेंट हर आफ्टर एग्जैक्ट टेन मिनट्स कोई कहीं नहीं जाए कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूट्यूब कुछ नहीं सबके साथ हाँ वापस आएंगे टाइम स्टार्ट नाउ जल्दी आओ वापस आया भैया, फटाफट बड़ा भाई, लास्ट लेग लास्ट लेग है ना आ जाएंगी आ जाएंगी और भी लोग और भी अपने छोरे आ जाएंगे छोरिया भी आ जाएंगी चलिए तो भैया अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कोशिश करूंगा कुछ पंद्रह के आसपास क्वेश्चंस कराऊं और उसमें सीमित रखूं है ना थोड़ा सा समय लग सकता है बस प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं सब में आपको मेरी जरूरत लगेगी शायद शायद आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है ठीक है चलिए कोई बोल रहा सर गाना दो। गा लो फ़ड़ तो माइंड हो जाएगा क्या गा रहा हूं फटाफट ज्वाइन करो भाई पहले तो वापस प्यार की कश्ती में लहरों की मस्ती में ला 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 ला, -ला, -ला, -ला ला 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 बदन से दू यही आ रहा याद चलिए तो भैया जल्दी से लिखिए भैया रिज्यूम करो आर के जल्दी लिखो भैया रिज्यूम करो आर के फटाफट आर के रिज्यूम करो फटाफट बस बने रहना है लास्ट का है अभी तक बने हो लास्ट तक बने रहो तुमको खुद अच्छा लगेगा सेशन के बाद की यार इतना लंबा लेक्चर देखा कुछ तो करा जीवन में ठीक है चलिए प्रूव वाले क्वेश्चन से तू करा रहा हूं चलिए अब यार इस क्वेश्चन में क्या मन कर रहा है बताओ जरा लाना टू है लाना टू है ये आया है ये आया है सीबीएसई में आया है ये ना लाना टू है लाना टू है ठीक है।, है तो सारी चीजें कैंसिल हो रही होंगी एलसीएम लेने का किस किस का मन कर रहा है मेरे ख्याल से कर ही रहा होगा एलसीएम लेने का मन तो कर ही रहा होगा बट प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है एलसीएम लिया जा सकता है बिल्कुल एलसीएम लिया जा सकता है पर आपको मैं हिग हिंट देता हूं आपको मैं एक हिंट देता हूं यहां पे आपको चार टर्म्स का एलसीएम लेना पड़ेगा पर थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओ थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओ तो क्या ये वाली चीज को आप एग्जैक्ट ऐसा नहीं बना सकते सोच के देखो सोच के देखो ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा क्या ये वाली चीज को आप एग्जैक्ट ऐसा नहीं बना सकते सोच के देखो

पे वन एज इट इज ऊपर आपका वन है वन के नीचे कुछ नहीं वन लगा दो समझे मैंने क्या करा प्लस यहां पर भी आपका ऊपर वन के साथ के नीचे लगाओ. नीचे लगाओ आपने लिख दिया इतना समझ में आया सबको तो लिखो समझे इतना समझ में आया तो लिखो समझे बस मेरे साथ साथ चलते रहो बस चलते रहो साथ साथ है ना आने लगेगा ये दोनों मल्टीप्लाई ये दोनों मल्टीप्लाई ये, ये ऐसा ये ऐसा चलिए करते हैं सॉल्व

अगर मैं इसको लू वन अपॉन वन प्लस स्क्वायर प्लस प्लस स्क्वायर अपॉन वन प्लस प्लस इसको लो, one one cos square, cos cos तो फायदा क्या वन प्लस स्क्वायर वन प्लस साइन स्क्वायर तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा नीचे आपका वन प्लस साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम है तो वन प्लस कॉ आ जाएगा ऊपर भी वन प्लस कॉ स्क्तर फायदा क्या वन प्लस साइंस स्क्वायर वन प्लस साइंस पर कटके वन आ गया वन प्लस कॉस वन प्लस कॉस पर वन आ गया ये आ गया आपका टू ये आ गया आपका टू इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकता है ठीक है ठीक बड़े आगे तो लिखो बी ए बड़े आगे तो लिखो बी ए मीन वेल जब मैं कैलकुलेशन कर तो यार आप लोग भी सीओरएस लिख के कर सकते हो अभी ना एग्जाम में नहीं करना अभी अभी कर सकते हो पांच घंटे से पढ़ रहे हमको समझ में आ गया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा बहुत ज्यादा बेसिक में जाके बात करने की जरूरत है नहीं ऊपर ऊपर से करेंगे फटाफट निपटाएंगे ठीक है ठीक है सर हर एक को सेपरेट भी तो कर सकते सेपरेट कैसे करेगा मेरी जान सेपरेट कैसे करेगा आप ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि ये वन के नीचे ये वन अलग से ले लूंगा ये वन के नीचे साइंस स्क्स अलग से ले लूंगा भाई ये कौन सी मैथ्स ये कौन सी मैथ से भाई ये कौन सी मैथ से डिनोमिनेटर अलग कर दिया और न्यूमिनेटर भी होता रे चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अब आपको एक कॉन्सेप्ट अरे यार कॉन्सेप्ट सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर कॉन्सेप्ट सीखेंगे आइए अब ये अब थोड़ा सा जरा फोकस करना सब लोग दो तीन क्वेश्चन एकदम सेम तरीके से होते हैं देखो ऐसे एक अच्छा सब लोग ये बताना ये जो तीन क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं ये सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे सेम लगे तो लिखना एसल, सेम लग रहे सेम लग रहे क्या ये देखना एक बार अभी अभी दिखाने दो पहले से मत लिखना ये देखो एक ये वाला एक ये वाला और एक और एक और एक ये वाला क्या ये दोनों सेम तरीके के दिखाई नहीं दे रहे देखो जरा मैं तीनों बदल बदल के दिखा रहा हूं आपको जरा देखो क्या तीनों सेम तरीके के दिखाई नहीं दे रहे क्या तीनों सेम तरीके के दिखाई नहीं दे रहे बोलो भैया बोलो भैया क्या तीनों सेम तरीके के दिखाई नहीं दे रहे देखो ना ये कुछ तीन टर्म्स यहाँ पे कुछ साइन कॉस ये कुछ ऐसे ऐसे तीन टर्म यहाँ पे कुछ साइन कॉस यहाँ पे कुछ तीन टर्म्स यहाँ पे कुछ और टेन लगभग लगभग सेम तो दिखाई दे रहे देना अब ऐसे क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर तरीके से करा जाता है वो तरीका मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं आपके दिमाग में शायद ही आएगा तो मेरे को सिखाना पड़ेगा प्लीज ध्यान देना करना क्या है है ठीक नीचे वाले को चेंज नहीं करना बिल्कुल भी नहीं ऊपर वाले वन को चेंज करना है क्या बोला मैंने याद रखना पड़ेगा नीचे वाले को चेंज नहीं करना ऊपर वाले वन को चेंज करना है समझ आए सर काय में चेंज करना है यहां पे सेको लिखा है दोस्तों सेक और टैन की क्या आइडेंटिटी होती है सेक और की होती है? गुरु जी, सेक थीटा थीटा वन होता है। बताइए। होता अगर किसी को ये लग रहा है ना ये जो स्क्रीन के सामने बंदा दिख रहा है फालतू में फालतू में कुछ भी करवा रहा है ये तो नहीं आएगा दोस्त ये आए हुए ये सारे क्वेश्चन आए हुए उठा के देख लो लास्ट दस साल के ये आए हुए ठीक है अब देखिएगा दोस्तों वन को मैं सेक्स स्क्स टेन स्क्वायर लिख सकता हूं वही मैं यहां पे करूंगा नीचे वाले को चेंज नहीं करना है ऊपर वाले वन को चेंज करना है क्या लिखूंगा ऐसा लिखूंगा ठीक है अब यहां पे मैंने क्या करा जरा ध्यान देना यहां पे है आपका टेन थीटा प्लस सेक्स थीटा वन की जगह वन की जगह दो टर्म्स लिख रहा हूं वन की जगह दो टर्म्स तो यहां पर मैंने ब्रैकेट लगाया आ गया थीटा थीटा और डिविजन में क्या आ गया

ध्यान देना a2 b2 क्या सबको समझ में आ रहा है ये a plus b यानी sec थीटा tan थीटा by a minus, sec थीटा tan थीटा फोकस करना जरा फोकस करना एक समझ में आ गया बाकी सब खुद ही कर लोगे यहां पे आ गया आपका tan थीटा sec थीटा 1 नीचे वाला बिल्कुल भी चेंज नहीं करना अब एक बात बताओ अब एक बात बताइए सब लोग ये एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है क्या दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या दोनों में कुछ सेम दिखाई दे रहा है ये एक टर्म है ये एक टर्म है क्या दोनों में कुछ सेम दिखाई दे रहा है क्या दोनों में कुछ सेम दिखाई दे रहा है ये आपको थोड़ा याद टाइप का रखना पड़ेगा यहां पे सेक प्लस tan दिखाई दे रहा है यहां पे भी sec tan दिखाई दे रहा है तो मैंने sec प्लस टैन दोनों से बाहर निकाला मैंने sec आप देखो ना आप देखो ना आप देखो ना इसमें भी sec प्लस टैन है और इसके पास भी sec प्लस टैन है तो जैसे दोनों के पास 2 होता है मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ 3 होता है दोनों के पास तो मैं 3 बाहर निकाल लेता हूँ वैसे ही मैंने sec plus tan मुझे दोनों के पास दिखाई दे रहा है तो sec plus tan मैंने बाहर निकाला समझना sec थीटा tan थीटा मैंने बाहर निकाला अंदर क्या बचेगा यहां पर sec थीटा tan थीटा गया यहां से sec थीटा tan थीटा गया तो यहां पे 1 बचेगा यहां पर देखना ये माइनस ये माइनस ये माइनस तो बचेगा sec plus tan गया sec plus tan गया sec minus tan बचेगा क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा sec theta minus tan theta please focus करना और नीचे क्या आएगा नीचे as it is कुछ change नहीं करना नीचे as it is कुछ change नहीं करना देखते रहो बस bracket खोलूं खोलो तेरा bracket तो ये आ गया आपका sec theta plus tan theta ऐसा और ब्रैकेट में क्या वन माइनस सेक प्लस टेन माइनस सेक प्लस टेन ये माइनस जाके दोनों में मल्टीप्लाई हो गया तो वन माइनस थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन अब एक चीज नोटिस करो नीचे मैंने किसी रीजन की वजह से कुछ चेंज नहीं करा नीचे मैंने किसी रीजन की वजह से कुछ चेंज नहीं करा देखो रीजन क्या प्लस वन प्लस वन माइनस एक माइनस एक प्लस टेन प्लस टेन समझ रहे हो एकदम सेम लिखा हुआ है बस आगे पीछे लिखा है एकदम सेम लिखा बस आगे पीछे प्लस प्लस दोस्तों पूरा कट गया यह पूरा कट गया समझ में आया ये चीज ये पूरा कट गया बचा क्या बचा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, थीटा लाना क्या है साइन कॉस साइन कॉस में चेंज कर दो तो आ गया आपका वन अपॉन थीटा या आ गया आपका साइन थीटा अपॉन थीटा बस आंसर आ गया वन प्लस थीटा डिनोमिनेटर सेम है समझे 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 देखो एक बार देखो एक बार यह आपको इस तरीके का पूछा जा सकता है डायरेक्ट आता है सीबीएसई में।, में तो समझ में नहीं आता है कि तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों देते बट फिर भी देख लो फिर से बोलूंगा नीचे वाला बिल्कुल भी चेंज नहीं करना ऊपर वाले वन को ऐसा चेंज करना है कि वो इसी फॉर्म में हो प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगे एक और करें ऐसा सवाल एक और करें ऐसा सवाल एक और करें चलिए यहां पे क्या करोगे बताओ सेम चीज इस वन को चेंज करना काय में चेंज करना है कौशिक और कॉर्ट की क्या आइडेंटिटी होती याद है कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए दोस्तों वन होता है याद है ये चीज मेरे ख्याल से याद होगी आइए सर करते हैं इसको तो यहां पे दोस्तों मैंने लिखा दिया कॉट ए सब लोग करना जरा इसको कौशेक यहां पे माइनस वन की जगह मैंने लिखा वन की जगह मैंने लिखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर याद रखिए ऐसा लिखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग पाए ओके सर या आ गया आपका कॉट ए आ गया आपका माइनस कौसेके या आ गया आपका प्लस वन सॉल्व करो कॉटे माइनस प्लस कॉसेके कोई दिक्कत अगर मैं कौशे प्लस कॉटे लिख दू तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी इसको अगर मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख दू तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए माइनस का यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा कौशेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाय जरा ध्यान देना फोकस करना बोर्ड पर कैमरा मैन कौसेक ए माइनस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है गुरु जी कौक ए प्लस वन ठीक है दोस्तों इसके पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया तो लिखो एच जी हो गया तो लिखो एच जी इसके इसके पास A है? इसके पास पास है है मतलब इन दोनों के ही तो मैं बाहर निकालूंगा तो यहां पर बचेगा वन यहां पर बचा माइनस और यहां पर यह बचेगा एक चीज डायरेक्ट कर दू कोई दिक्कत तो नहीं एक स्टेप बचाने के लिए टाइम बचाने के लिए क्या ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस का कॉस है ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का कॉट है ठीक डिवाइडेड बाय नीचे आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन फायदा क्या देखो भैया फायदा ही फायदा प्लस वन प्लस वन माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए ये पूरा इससे कट जाएगा कितना आ गया कितना आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए कितना आ गया आपका आ गया आपका कॉसैक ए प्लस कॉटे सिंपल सिंपल इसको आप लिख सकते हो वन अपॉन साइन है इसको आप लिख सकते हो साइन है आपका वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन है ठीक है समझ गए समझ गए एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया भैया अब

यस 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 सर पर ये क्वेश्चन भी वैसा ही दिखाई दे रहा है बस एक फर्क है ये क्वेश्चन भी वैसा ही दिखाई देता है बस एक फर्क है फर्क यह है कि भैया अगर आप इस वन को चेंज करोगे तो क्या आइडेंटिटी होती है जरा बोलिएगा सर आइडेंटिटी होती है साइंस स्क्वा प्लस इक्वल टू वन तो यहां पे तो साइंस स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वेयर आएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग ही नहीं पाएगा बोलो ना सही कह रहा हूं ना अरे बताइए ना ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ अरे बताओ ना सही कह रहा हूं ना अरे भाई अरे जाने मन सुन मेरी बात वन को अगर आप चेंज करो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए मैंने आपको बताया आइडेंटिटी लगनी चाहिए पर नहीं लग रही आइडेंटिटी क्यों नहीं लग रही क्योंकि जो साइन और कॉज की आइडेंटिटी होती है वो प्लस में होती है जो साइन और की आइडेंटिटी होती वो प्लस की होती समझ रहा है समझ मारा है समझ है, 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 है तो ऐसे में क्या करेंगे समझो आप अगर आप वन की जगह ये लिखोगे अगर आप वन की जगह ये लिखोगे आप ए स्क्वायर माइनस बी नहीं लगा पाओगे तो मैं पता है क्या करता हूं ये साइन कॉस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा दोस्तों

भाई अच्छा पहली बात तो समझ है ना ये कॉस से कॉस आपका कट जाएगा तो मैंने कुछ अपनी तरफ से चेंज नहीं करा अगर आप क्वेश्चन में प्लस टू कर रहे हो तो माइनस टू भी करना जरूरी है और वही चीज मैंने यहां पे कर रखी है फायदा फायदा क्या क्या हुआ फायदा ये हुआ कि ये इसका भी ये कॉस इसका भी ये इसका भी तो साइन अपाउं कॉस कितना हो गया बोलो टेन कॉस अपॉन्ट कॉस कितना हो गया वन वन अपॉउंट कॉस कितना हो गया बोलो सेक्टा साइन अपॉउंट कॉस कितना हो गया बोलो

समझ मारे समझ मारे ये एकदम जो यहां पे लिखा हुआ है वो पहले लिखा हुआ था अब आप कर सकते हो अब यहां पर क्या करना है कुछ नहीं इस वन को इधर रख रख के के वन 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 चेंज चेंज कर कर लेना को इधर लेना तो ये आपका होमवर्क ये आपका होमवर्क कर लेंगे तो लिखो कर लेंगे कर लेंगे तो लिखो कर सर रेसिप्रोकल नहीं कर सकते रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोकल मतलब किस चीज का रेसिप्रोकल मैं समझा नहीं किस चीज का रेसिप्रोकल मैं समझा नहीं ठीक है समझ में आया चले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में ये वाला टाइप भी अपना निपट गया ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये ऐसा देखा गया कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा सीबीएसटी उठा डायरेक्ट यही वैल्यू भी चेंज नहीं करता पूछ लेता है। अब नेक्स्ट टाइप क्या समझना है आपको आपको ये समझना है आपको ये समझना है, ये समझना है ध्यान देना कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा वन अपॉन थीटा प्लस टैन थीटा के बराबर होता है और वैसे ही और वैसे ही और वैसे ही और वैसे ही बस थोड़ा सा और है दोस्तों और वैसे ही देखो हर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं यहां कौशे थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है वो वन अपॉन वन अपॉन कॉशेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर होता है क्या ये बात समझ आ रही है क्या ये बात समझ आ रही है फिर से बोलूंगा फिर से बोलूंगा प्लीज प्लीज ध्यान से सुना प्लीज ध्यान से इसका उल्टा भी सही है क्या इसको इधर कर दे इसको इधर कर दे इसको इधर कर दे इसको इधर कर दे कॉसेक प्लस कॉशेक माइनस cot लिख सकते हो sec प्लस टैन को आप 1 अपॉन सेक माइनस टेन लिख सकते हो क्या ये दोनों बातें याद रहेंगी क्या ये दोनों बात याद रहेंगी मैं बताता हूं ऐसा क्यों कर सकते हो इसका रीजन भी दे देता हूं दोस्त मान ले तेरे को ये बराबर ये करने को बोला ध्यान देना आपको मान लो ये बराबर ये करने को बोला ये ये बराबर करने को बोला प्लीज ध्यान ध्यान से सुनना सुनना प्लीज आपको ये बराबर ये ये, ये, ये ये बराबर ये ये बराबर ये करने को बोला तो कैसे करेंगे आप आप इसके नीचे वन है आप ऊपर सेक प्लस टेन से मल्टीप्लाई करो नीचे सेक प्लस टैन से मल्टीप्लाई करो सोच के देखो क्या आएगा भाई आपको आपको नीचे से आपको नीचे चाहिए, तो आप ऊपर से मल्टीप्लाई करो नीचे से मल्टीप्लाई करो, तो तो नीचे आ जाएगा, ऊपर आपका सेक सेक प्लस सेक बनेगा। जो कि बोलूंगा सुनना चलो कर ही देता हूं कर ही देखो जरा यहां पे लिखा है क्या करा मैंने ऊपर भी मैंने ऊपर सेक थीटा प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई करा तो नीचे भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यस yes, सर तो ऊपर आपका सेक माइनस टैन इंटू सेक प्लस टैन ए माइनस बी इंटू ए प्लस भी कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा प्लस टैन थीटा तो सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर वन होता है तो ये आ गया आपका वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा वही चीज मैंने लिखी कि सेक माइनस टेन को आप अपॉन सेक माइनस टेन को वन अपॉन सेक माइनस टेन लिख सकते हो समझ आया मैंने क्या बोला समझ आया बस बस हाफ एन आवर गिव मी हाफ एन आवर मोर दोस्तों गिव मी हाफ एन आवर मोर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराकर छोड़ दूंगा ठीक है गिव मी हाफ एन आवर फोर्टी मिनट मोर बस 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 ठीक है खाना नहीं खाया मैंने फार खाना नहीं खाया मैंने अभी समझ में आ गया चीज ठीक है सर चलिए अब 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 ये तो हो ही जाएगा एक ये वाला क्वेश्चन है अच्छा सवाल है जरा देखिएगा, जितने इंपॉर्टेंट सारे करा के छोड़ूंगा ध्यान देना ठीक है यहां पे क्या होता है प्लीज फोकस करना सेटा प्लस टैन थीटा आपको पी दिया हुआ है आपको वैल्यू निकालनी सेक थीटा की अलग से टैन थीटा की अलग से और साइन से इन टर्म्स ऑफ पी का मतलब क्या जब आप सेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो पी के फॉर्म में आएगी जब आप टैन थीटा निकालोगे तो वो पी के फॉर्म में आएगा जब आप साइन थीटा निकालोगे तो वो भी पी के फॉर्म में आएगा प्लीज ध्यान देना प्लीज कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन मैं आपको सिखाता हूं समझ गए आपको सेक प्लस टैन दिया है आपको सेक प्लस टेन दिया है आपको सेक थीटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू निकालिए देखो कैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब पेपर टफ आता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब पेपर पेपर टफ टफ आता है मैं पेपर के लिए भी रेडी रहना ना मैं क्या करूंगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोस्तों पी है ध्यान देना ध्यान देना ठीक मुझे बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा मुझे बताओ सेक थीटा माइनस टैन थीटा कितना होगा या फिर नहीं भी समझ में आया आप मुझे बताओ आप ऐसा सोचो हमको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन है थी स्क्वायर को आप लिख सकते हो क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन सही बात है ए स्क्र माइनस बी स्क्र को आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो वेरी गुड सब लोग आंसर कर रहे हैं आप यहां से भी निकाल सकते हो क्या sec थीटा tan थीटा की जगह p लिखा तो यहां पे आपने p लिखा तो ये आ गया आपका sec थीटा tan थीटा 1 तो आपके sec थीटा tan थीटा की वैल्यू आगे 1 p ठीक ठीक अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखो sec थीटा tan थीटा आ गया sec थीटा tan थीटा आ गया, आ गया। आप इन्हीं दोनों इक्वेशंस में खेलोगे और आपका आंसर आएगा देखो कैसे थीटा प्लस टैन थीटा आपको पी दिया हुआ है और आपको सेक थीटा माइनस टैन अपॉन पी दिया हुआ है आप दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करो दोनों इक्वेशन को एक बार माइनस करो फिर से बोलूंगा फिर से बोलूंगा देखो सेक प्लस टैन दिया सेक माइनस आपने वन अपॉन पी निकाल लिया आप इन दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस कर देखो करने प्लस करने से क्या आएगा प्लस करने सेक प्लस सेक आपका टू सेक थीटा बन जाएगा टेन माइनस टेन कैंसिल पी और ये आपका प्लस वन अपॉइंट पी हो जाएगा तो कितना आ गया प्लस वन अपॉन टू पी पी स्क्त प्लस वन अपॉइंट टू पी आपका सेक्तिटा आ गया आपका थीटा तो तो आ गया, गया।, गया। समझे समझे अब एक बार दोनों क्वेश्चन को माइनस करो जरा अब आप एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस करिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा आपका सेक थीटा माइनस टैन थीटा आपका वन अपॉन पी है और सेक थीटा प्लस टैन थीटा आपका पी है। दोनों माइनस करो तो ये माइनस करोगे तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का और ये भी माइनस का सही बात है माइनस जब करते हो तो इनका साइन पलट जाता है सेक माइनस सेक कैंसिलइनस टेन माइनस टेन हो गया माइनस टू टेन सही बात है भाई माइनस वाई माइनस टू वाई वन अपॉन पी माइनस पी वन अपॉन पी माइनस पी आ गया आपका माइनस टू टैन थीटा यहां पे आ गया एलसीएम लेके वन माइनस पी स्क्न पी आएगा इतना तो आप ही गए हो तो यह आपके टेन थीटा की वैल्यू होगी वन माइनस पी स्क्र अपॉन माइनस टू पी चाहो तो माइनस ऊपर भेज दो तो tan थीटा माइनस ऊपर तो तो जाएगा तो आपका तो जा -1 और ये आपका p² आ जाएगा ऐसा आएगा समझ में किस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस करने अगर आपको अगर आपको sec थीटा tan थीटा दिया है आप sec थीटा tan थीटा निकालो इन दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे तो sec आ जाएगा माइनस करोगे तो tan आ जाएगा समझे समझे एक बार रिपीट करते एक बार रिपीट करते एक बार रिपीट करते देखो जरा देखो जरा एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन दोनों को माइनस करो माइनस करो तो भाई ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का। तो माइनस सेक कैंसिल, तो ये कैंसिल। तो ये ऐसा आएगा अभी तो सीख गए स्क्र तो वन माइनस पी स्क्त अपॉन पी माइनस टू नीचे जाएगा तो माइनस टू नीचे माइनस ऊपर भेज दो तो ये इसका साइन माइनस वन हो जाएगा इसका प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा समझे 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 फिर से एक बार सिखाता हूं एक बार फिर से सिखाता हूं देखो जरा इधर देखो दोनों इक्वेशन को प्लस करा तो सेक भाई जब प्लस करते हो तो साइन में कोई चेंजेस नहीं होते सेक प्लस सेक टू सेक इन दोनों को प्लस करोगे देखो ना ये प्लस टेन ये माइनस टेन कैंसिल यहां पर पी प्लस वन बाई पी एलसीएम लोगे इतना छोटा एलसीएम तो आपको लेना आता है पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी आएगा टू नीचे आ गया सेक की वैल्यू आ गई सेक आ गया टेन आ गया साइन कैसे निकालोगे मैं आपको बताता हूं साइन थीटा भी निकालना साइन थीटा दोस्तों आप देखो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है जो साइन थीटा होता है ना वो टेन थीटा अपॉन थीटा के बराबर होता है कैसे टैन मतलब साइन अपॉन कॉस सेक मतलब cost, तो cause से cause क्या जो टैन होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है जो सेक होता है वो वन अपॉन कॉस होता है कॉस तो गया साइन अपॉन वन साइन होता है मतलब टैन अपॉन सेक को आप साइन लिख सकते हो टैन अपॉन को आप साइन लिख सकते हो सर ऐसा क्यों बता रहे हो आप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तो अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो टेन थीटा कितना आया टेन थीटा पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू पी और सेक थीटा कितना आया सेक आपका है पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी टू पी से टू पी कट जाएगा आपके साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस वन अपॉइंट पी स्क्वायर प्लस वन देख लो भैया ये स्पेशल सवाल था ये स्पेशल सवाल था मैं उम्मीद नहीं करता कि ये क्वेश्चन आएगा बट स्टिल अगर आ गया तो हमें रेडी रहना हमें प्रिपेयर रहना है ये एक स्पेशल सवाल था ठीक है ठीक है ये वाली चीज क्या देखो आपका सेक थीटा आ चुका है आपका टैन थीटा आ चुका है आप दोनों को डिवाइड करोगे आपका साइन आएगा मैंने प्रूफ भी कर दिया कैसे ठीक है ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं प्लीज करके रखना प्लीज करके रखना ठीक है एक होमवर्क दे रहा हूं सेम एकदम सेम क्वेश्चन है एकदम सेम क्वेश्चन होमवर्क क्या कौशे प्लस कॉट दिया हुआ है आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को वन अपॉन पी ले लो एक इक्वेशन ये ये एक, एक दोनों को प्लस करोगे तो कौशेक की वैल्यू आएगी दोनों को माइनस करोगे तो कॉर्ट की वैल्यू आएगी कौशेक और कॉट आ गया कौशेक और कॉट आ गया कॉट अपॉन कौशेक कर लेना आपका कॉस की वैल्यू आ जाएगी फिर से बोलूंगा फिर से बोलूंगा देखो कौशिक प्लस कॉट दिया हुआ कौशिक माइनस कॉट आपने मान लिया दोनों को प्लस करोगे कौशे की वैल्यू आएगी अगर प्लस करोगे तो कौशिक थीटा की वैल्यू आएगी माइनस करोगे तो कॉट थीटा की वैल्यू आएगी कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप कॉट थीटा अपॉन कौशिक थीटा कर लेना कर लेंगे तो लिखो कर लेंगे कर लेंगे तो कर लेंगे ना चलिए लास्ट के कुछ और अच्छे सवाल आपको करवा देता हूं जरा है ना एक ये वाला अच्छा सवाल है और आसान है बहुत और बहुत और आसान भी है आइए ऐसे सवाल मार्क्स में पूछे जाते हैं है ना देखिएगा जरा ठीक है बस 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 छह सात क्वेश्चंस और कराऊंगा फिर एंड कर दूंगा ठीक है यूजुअली क्या होता है जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूं ना तो लास्ट लास्ट आते तक क्योंकि लास्ट लास्ट आते तक हम लोग लास्ट बनना चालू हो जाते हैं क्या बात है अगर देखना जरा हमें क्या बोला हमें साइन थीटा थीटा दिया हुआ है हमसे बोला प्रूफ करोगी थीटा प्लस थीटा की वैल्यू टू होगी आराम से हमें साइन थीटा प्लस थीटा दिया हुआ है हमें बोला कि टैन थीटा प्लस थीटा प्रूफ करोगे टू आएगा ठीक है जो प्रूफ करने को बोला वो प्रूफ करूं ठीक है तो tan थीटा cot थीटा की वैल्यू 2 प्रूव करने को बोली है मुझे sin cos कुछ दिया हुआ है कुछ दिया हुआ है तो क्यों होना इसको sin cos में चेंज करूं भाई मुझे ये प्रूव करना यहीं से स्टार्ट करता हूं चलिए तो tan थीटा को मैंने लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा cot को मैंने लिखा cos थीटा अपॉन sin थीटा ध्यान देना ठीक है ओके सर ओके सर दोस्तों एलसीएम लोगे तो ये आपका cos थीटा

क्योंकि कुछ साइन कॉस दिया हुआ है कुछ साइन कॉस दिया हुआ है पर प्रॉब्लम ये यह यहां पर आप अटक गए प्रॉब्लम ये है कि यहां पर आप अटक गए आपको टू लाना है आपको इस चीज की वैल्यू टू लाना है मतलब आपको कॉस्टा इंटू साइन थीटा पता होना चाहिए आपको थीटा थीटा पता होना चाहिए कैसे पता करूं कॉस थीटा साइन थीटा दिमाग कैसे लगा देखो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करता हूं मुझे कॉस थीटा साइन थीटा चाहिए जरा ध्यान देना

थीटा की वैल्यू टू माइनस वन तो ये आपका वन आ जाएगा वन उधर गया तो ठीक है दोस्तों तो थीटा थीटा की वैल्यू क्या आ आपने उसे साइन थीटा इंटू थीटा निकाल लिया फायदा क्या यहां पे रख लो फायदा क्या यहां पे रख लो तो बस वन अपॉन इसकी जगह लिखा वन बाय टू नीचे कुछ नहीं ऊपर वाले में फ्रैक्शन नहीं तो टू ऊपर तो ये आपका टू आ जाएगा और यही अपन को प्रूफ करना था देख लो एक बार समझ लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है ठीक है ऐसा एक और क्वेश्चन तू करोगे ऐसा सेम एग्जैक्ट एक और क्वेश्चन तू करना चाहेंगे सब लोग बताइए भैया करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे ये वाला एकदम सेम एकदम सेम क्वेश्चन है जरा ट्राई करिए ट्राई करिए जरा इसके बाद तीन चार क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा आप लोग को ठीक है अब फिर आप लोग के लिए बहुत हैवी हो जाएगा नहीं तो क्वेश्चन तो के लपक लपक के क्वेश्चन लपक है मेरे पास ठीक है चलिए वैसे ही क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दी जा रही है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसक्यूब थीटा निकालने को बोला जा रहा है ठीक है तो सिंपल सी बात है साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब निकालने को बोला जा रहा है तो आइडेंटिटी लगाएंगे भाई साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब निकालने को बोला जा रहा है आइडेंटिटी लगाते हैं ठीक है तो यहां पे मैंने लगाया भैया साइन क्यूब प्लस क्या आइडेंटिटी होती है साइन प्लस ए प्लस बी ए स्क्स बी स्क्वायर माइनस ए बी यही होती है आइडेंटिटी तो भैया तो भैया क्या साइन प्लस कॉस आ गया ये या आपका आ गया वन माइनस साइन कॉस ये भी अच्छा सवाल है ये भी अच्छा सवाल है ठीक है देखते रहिए बस फिर से बोलूंगा हमसे साइन क्यूब प्लस निकालने को बोला हमने आइडेंटिटी लगा दी ऐसा कुछ आया अब क्या आपको साइन प्लस दोस्तों लास्ट 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 सुनो मेरी बात ध्यान से आपको साइन प्लस सोना नहीं है जगना है ठीक है साइन प्लस चाहिए साइन इंटू चाहिए साइन प्लस चाहिए साइन इंटू कॉस्ट चाहिए कहां से आएगा जो शायद दिया हो वहां से आ जाएगा

आइडेंटिटी तो सब लोग लगा सकते हैं लगाई यहां पर अटक गया किस में कन्वर्ट तो कर सकते हैं इसके बाद थोड़ा है। इसके बाद यह कि भैया देखो अच्छा वन माइनस वन बाई टू वन बाय टू होता है ना ठीक है प्रॉब्लम यह कि कौन मुझे बताएगा साइन प्लस की वैल्यू कैसे निकाले कौन बताएगा कि साइन प्लस कॉस कैसे निकाले हाउ कैन बी फाइंड आउट हाउ कैन बी फाइंड आउट साइन प्लस कॉस ये बताइए साइन प्लस कॉस कैसे निकालू कैसे निकालू कैसे निकालू बताता हूं आप लोग बताओ साइन प्लस का होल क्या होता है ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्स टू साइन कॉस सही बात है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है या आपका टू साइन कॉस आ गया या आपका साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर अपन को साइन प्लस कॉस चाहिए

मुझे साइन प्लस कॉस्ट चाहिए तो मैंने क्या दिमाग लगाया मुझे sin पता है मुझे पहले से पता है तो साइन कॉस लेकर वन बाय टू लिखा साइन प्लस रूट टू आ गई बस आंसर ही आ गया साइन प्लस की जगह आप रूट टू लिख दीजिए तो यहां पे आ गया रूट टू नीचे टू रूट टू बाई टू आपका आंसर है ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं ठीक है ठीक है चलिए और कितने सवाल कर दू बताओ और कितने सवाल करा दें, दो तीन और करवा दें या खत्म कर दें बस होमवर्क दे दें खत्म कर दें बताओ एक दो और करा दें चलो एक बाइक काम करो इसका आंसर कर दो चलो हटाओ इसका आंसर कर दो जल्दी से चलो इसका आंसर कर दो ये तो आसानी क्वेश्चन है इसका आंसर कर दो बस 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 15 15 मिनट्स मोर 15 मिनट्स मोर दोस्तों ना ठीक है करना जरा इसका आंसर करना जरा इसका आंसर फिर मैं आप लोग का रिस्पांस देखूंगा उस हिसाब से मैं आगे क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा अदरवाइज नहीं स्टार्ट बोल है ना ठीक है, आइए देखते हैं। मैं आप का रिस्पॉन्स देखने, देखने के लिए अपना फोन लेने चला गया था उस हिसाब से फिर मैं आगे देखूंगा कराने, कराने, वैसे तो हो चुका है लग... क्या कहती है जनता क्या कहती है जनता कर तो सकते हैं यार एपी भी करा था हम लोगों ने चलो देखते हैं तो यार ये ये सब लोग बोल रहे सी सब लोग बोल रहे सी सब लोग बोल रहे हैं सी अच्छा कोई बोल रहा है डी कोई बोल रहा है ए आइए देखते हैं आसान आसान तो है, आसान तो है, है, है है देखो ना, हमें बोला कि 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 ये ट्रू फॉल्स क्या है अच्छा तो कुछ साइन में दिखाई दे रहा है ठीक है, में करते हैं, तो ऊपर साइन अपॉन कॉस यहां पे आप एल्म लोग साइन क्यूब प्लस नीचे अगर आप एलसीएम आएगा

ये हो गया आपका कॉस इधर जाके तो कॉस इंटू या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो ना ऐसा भी कर सकते हो ये कॉस से ये कॉस काट लो कितना आ गया आपका, आपका साइन दिख रहा है तो ऊपर साइन है नीचे अगर आप साइन कॉमन लो तो यहां पे आपका साइन स्क्वायर बचेगा यहां पे आपका कॉस स्क्वायर बचेगा नीचे तो आपने साइन कॉमन लिया तो यहां पर साइन स्क् स्क्र बहुत बढ़िया तो साइन से साइन गया आपका वन अपॉन वन दोस्तों वन आ गया वन आ गया मतलब ट्रू है वन आ गया मतलब ट्रू है उन्होंने बोला भी है भैया वन आएगा वन आ गया मतलब ट्रू है ट्रू है थर्टी सेवन परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया फोर्टी सेवन ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बलदेव द डिस्ट्रॉयर ताहीन आकर्षित मोहित पंकज वरुण अखिलेश रोहित वैभव सदगुर दशरथ क्रीति देव आलोक रूहान ठाकुर राउज एचआर गेमिंग सार्थक कार्तिक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, है एक ये वाला कर लो यार इस तरीके का अगर पूछ लिया तो पूछ लिया ना वही वाली बात है ठीक है यार थोड़ा सा ना मेरे को समय दो आप लोग है ना मैं जानता हूं मैं समझता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री हैवी हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री हार्ड हो जाता है पर अब नहीं तो कब आप ये सोचो गलती से अगर क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो फंस गया तो आपका ही फायदा है ठीक है हमें जानता हूं कि मोटा मोटा मैंने सब कुछ पढ़ा दिया हंड्रेड परसेंट चीजें ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी क्वेश्चंस खत्म नहीं होने वाले पर मेरा बस ये कोशिश है कि कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ू जो मैंने किसी सैंपल पेपर में या कहीं पी क्यू में देखा हुआ है जो आपको आ सकता है ठीक है ठीक है? है थोड़ा सा बस और समय दो मेरे को मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा थोड़ा सा बस और समय दो सब लोग है ना चलिए ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन एक मैंने देखा था इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा

अगर एंगल भाई अगर मैं आपसे बोलू ए आपका फोर्टी फाइव डिग्री है अगर मैं आपसे बोलू ए आपका फोर्टी फाइव डिग्री है तो क्या आप जल्दी से आंसर नहीं निकाल लोगे सोच के देखो अगर मैं आपसे बोलूं ए आपका फोर्टी फाइव डिग्री है तो टेन फोर्टी फाइव होता है वन वन की पावर हंड्रेड आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है इसका मतलब बस यही है कि भाई टेन की पावर हंड्रेड डरना नहीं इसका मतलब टेन ए की पावर हंड्रेड प्लस इसका मतलब वन अपॉन टेन ए की पावर हंड्रेड तो बस आपको tan ए पता करना है ये, पर ये कैसे पता चलेगा? पर ये कैसे कैसे पता पता चलेगा चलेगा पर पर लोग बोल रहे हैं टू रीजन क्या रीजन टू कैसे मैं बताता पागलों ऐसा तो नहीं कि ये हंड्रेड नहीं देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करा मुझे tan में ही चाहिए मैंने tan में ही सॉल्व करा तो वगैरह तो वन और टेन ए का एलसीएम आपका टेन ए आएगा वन में क्या मल्टीप्लाई करू टेन टेन है तो ऊपर टेन मल्टीप्लाई करो तो आपका टेन A हो गया टे में क्या मल्टीपाइन तो है है तो तो ऊपर ऊपर, आपका आपका। ही आएगा। A ये तो ये आ गया आपका. Tan A tan A. अभी थोड़ा सा अलग सा सवाल है देखना जरा। इधर ले आओ तो ऐसा आ गया, tan A बराबर जीरो यहां से tan A की वैल्यू कैसे निकालू यहां से tan ए की वैल्यू कैसे निकालू यहां से tan ए की वैल्यू कैसे निकालू सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जल्दी जल्दी ऐसा होगा बहुत बार होगा कि कुछ भी हो जाएगा क्या अगर मैं यहां पे टेन ए को एक्स कह दू दोस्तों अगर मैं टैन ए को एक्स कह दू कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं देखो ये आपका एक्स ये आपका माइनस टू एक्स या आपका वन क्या आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही है क्या आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही यहां पर इक्वेशन में वेरिएबल टैन ए था मैंने उसको एक्स लिया तो ये 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 वन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं समझ में रहा मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है सोल्व करना जरा मुझे x की वैल्यूज बताइए ये तो अब आपको आता ही है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो अभी तक बना हुआ है उसको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता ही होगा तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट वन इन वन आ जाए जिनका सब माइनस टू आ जाए तो ऐसे दो नंबर जीरो तो तो आ गया आपका एक्स माइनस वन, माँनस वन into x 1 0 तो x 1 और x 1 दोनों ही x की वैल्यू आपकी बना रही है चलिए दोनों आपका x वैल्यू बना रही है तो x बना रहा है मतलब tan a की वैल्यू बना रही है tan a आपका 1 आ रहा है और tan a कौन से डिग्री पर बन होता है सर tan 45 पर 1 होता है तो a आपका आ गया 45 डिग्री a आपका आ गया 45 डिग्री बस आसान है अब ये फोर्टी फाइव आ गया तो टेन फोर्टी पावर हंड्रेड वन होता है किस तरीके से कर रहा स्पेशल क्वेश्चन है स्पेशल क्वेश्चन है स्पेशल क्वेश्चन है कोई बोल रहा है, है मेरी हाँ पे क्या करेगा होल स्क् करोगे क्या ठीक है ठीक है कितना परसेंट समझ में क्वेश्चन बताइए जरा ठीक है आंसर तो टू ही आएगा ठीक है चलिए मैं देख लेता हूं कुछ अगर अच्छा क्वेश्चन है जो मैं भूल रहा हूं तो वो मैं आपको करवा देता हूं बाकी बाकी जो जरूरी नहीं है वो मैं नहीं करवा रहा ठीक है ठीक है ठीक है लगभग लगभग तो मैंने सब कुछ करवा दिया है कुछ टफ क्वेश्चन में लेकर आया था पर चलो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं वो अपन नहीं करते क्योंकि मुझे लग नहीं रहा वो आएंगे ना आ, चलो एक ये कर लेते हैं इस टाइप के भी आ जाते हैं टैन थी माइनस साइन थीटा, थीटा एन दिया हुआ है एम स्क्वाइनस एन स्क्वायर ऐसा कुछ लाना है क्या बोल रहे हैं भैया आराम से आराम से आराम से ठीक है जरा देखिएगा ठीक है एम की वैल्यू दी है एन की वैल्यू दी है कुछ ऐसा लाने को बोला गया है ठीक है, है कैसे तो करेंगे पहले से स्क्वायर कर लेते हैं तो एम का स्क्वायर कितना आएगा आप समझ रहे हो भाई आपको ये बराबर ये, ये बराबर ये लाना है ये बराबर ये लाना है ये बराबर ये लाना है तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो आपको टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस थीटा माइनस साइन मतलब टेन मतलब थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा उन्होंने घुमा के दिया हुआ है उन्होंने बस घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ऐसा प्रूफ करना आप ऐसा समझो क्वेश्चन है आर का है एक आध दो बार पूछा गया डायरेक्ट इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं तो समझ गए ना एम की जगह ये 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 रख दिया, N की ये रख दिया दिया की जगह मोटा मोटा ये करना है अब क्या करें मोटाइए खोलते हैं ना चलिए तो, तो थीटा प्लस चलो सबसे पहले एल एच एस सोल्व करता हूं देना। थीटा प्लस थीटा का तो आपका टैन स्क्वायर प्लस टू टैन साइन समझ जाना आप लोग बीच में लगा है माइनस यहां पे लगाओ ब्रैकेट या लगा स्क्वायर माइनस टू टैन साइन ठीक है करते जाओ जरा तो आ गया टैन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस टू टैन साइन माइनस टैन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस टू टैन साइन टैन स्क्र माइनस टैन स्क्र कट गया साइन स्क्र माइनस साइन स्क्र कट गया तो 2 tan sin 2 tan sin हो गया 4 tan थीटा sin थीटा 4 tan थीटा sin थीटा 4 tan थीटा sin थीटा ठीक है अब मेरी बात ध्यान सुनना क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि LHS बराबर RHS करने पर RHS भी काफी खतरनाक सा दिखाई दे रहा है यस और नो में आंसर करो बस भाई LHS आप सॉल्व करते हो RHS लेकर आते हो पर RHS तो बहुत अजीब सा दिखाई दे रहा है मेरा RHS तो ये आ रहा है

वो आपको दिख ही रहा है ये भी कुछ अटपटा सा है ये भी कुछ सा है भी अटपटा सा पॉसिबल ही नहीं कि यहां से ऐसे डायरेक्ट जा पाओ यहां से ऐसे डायरेक्ट जा पाओ तो इस क्वेश्चन में आप आर को भी सॉल्व करेंगे ठीक है आइए कैसे करेंगे देखते हैं तो फोर रूट दोस्तों टेन प्लस साइन टेन माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब क्या करूं अब क्या करूं, अब क्या करूं? इस चीज को 4 tan sin लाना है इस चीज को 4 tan sin लाना है इस चीज को 4 tan sin लाना है अंडर रूट तो हटाना पड़ेगा देखो मैंने दिमाग कैसे लगाया दिमाग कैसे लगा, जरा देखना ठीक है अंडर रूट हटाना पड़ेगा मेरे पास 4 tan time... भाई आंसर यहां पे क्या आया LHS मेरा आ रहा है सॉल्व करने के बाद 4 tan थीटा sin थीटा RHS भी यही आना चाहिए 4 tan थीटा sin थीटा

तो ऊपर एज इट इज यहां पे वन लिखा है तो स्क्र ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ठीक है आप देखो देखो क्या हुआ ऊपर अगर आप ध्यान से देखो, आपको कॉमन तो कितना होता है साइंस स्क्वेयर तो यह आगे आपका साइंस स्क्टू साइंस स्क्न कॉस स्क्र आंसर आया कि नहीं आया सोचो जरा फोर यह आ गया आपका साइन की पावर फोर अपॉन cos स्क्वेयर सही बात है या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो आप ऐसा भी कर सकते हो अंडर उड साइन स्क्वेयर का होगा अंडर उड साइन स्क्वेयर का होगा तो ये आपका साइन आ जाएगा अंडर उड साइन स्क्वेयर का साइन आ जाएगा cos स्क्वेयर का अंडर उड कॉस आ जाएगा साइन बाय कॉस टैन होता है तो ये आपका आ गया फोर टी मतलब फोर tan थीटा साइन थीटा इसको एक बार देख लो इसको एक बार देख लो इसको एक बार देख लो आराम से किस तरीके से करा है मैंने इसको एक बार देख लीजिए फिर से बताता हूं ऐसा लाना है मतलब हटाना पड़ेगा। तब हटेगा जब अंदर पूरा होल आएगा मैंने इसको साइन अपॉन कॉस्ट में चेंज करा एलसीएम इतना सबको समझ में आ गया होगा यहां से मैंने साइन लिया तो अंदर वन माइनस बचेगा स्क्न माइनस स्क्वायर अगेन साइन स्क्वायर हो गया ये अंडर अंडरवुड इन तीनों का है ये अंडर अंडरवुड इन तीनों का है तो अंडरवुड साइन स्क्सर साइन होगा अंडर अंडरवुड स्क्स होगा अंडर साइन बाइ कॉस टैन तो फोर टैन साइन आ गया फोर टैन साइन आ गया ठीक है ठीक है मैं जानता हूं थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा पर घुर घर पे एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे बनेगा ठीक है चलिए और और क्या करवा दें ये वाला आपके लिए ये चलो रहने दो ये वाला रहने दीजिए ये वाला है ना ये होमवर्क में कर लेना ये होमवर्क में कर लेना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये वाला होमवर्क अब कुछ कुछ होमवर्क देके जा रहा हूं प्लीज जो जो मैं होमवर्क देके जा रहा हूं उसको करके रखिएगा है ना ये आपका होमवर्क बहुत ही आसान कुछ भी ऐसा होमवर्क नहीं दूंगा कुछ भी ऐसा होमवर्क नहीं दूंगा जो मैंने नहीं करवाया प्रॉमिस कर रहा हूं ठीक है आप ये सब कर सकते हो ये आपका दूसरा हो गया ठीक है एक आपका ये वाला होमवर्क बहुत ही आसान सा सवाल है आपका एक ये होमवर्क हो गया ठीक है साइन टीडअप यह करवा का लास्ट सवाल यह आज का लास्ट सवाल यह आज का लास्ट सवाल ठीक है देखिए लास्ट सवाल यह आज का ठीक है जरा देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में वही बात पी की वैल्यू दी हुई है क्यू की वैल्यू दी हुई है कुछ ऐसा ऐसा लाना है तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे आराम से आपका आपका एल है Q इन टू पी स्क्वायर माइनस रखिए वैल्यू रखिए वैल्यू तो Q की जगह मैंने लिखा Q की जगह मैंने लिखा sec थीटा प्लस कॉसेक थीटा Q की जगह sec थीटा प्लस कॉसेक थीटा P स्क्वायर तो P स्क्वायर की जगह साइ थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन बस मैंने अभी क्या करा है मैंने Q की जगह मैंने Q की जगह Q की वैल्यू P की जगह P की वैल्यू आइए सॉल्व करते हैं सब कुछ साइन कॉस में कर दूं ठीक है भैया तो यह आपका वन अपॉन कॉस थीटा यह आपका वन अपॉन साइन थीटा करना जरा सब लोग सॉल्व वन साइन कॉस में कन्वर्ट करके या आपका a प्लस बी a एम का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू थीटा कॉस थीटा या आपका माइनस ठीक है करना जरा सॉल्व इसको करना जरा सॉल्व इसको बताओ कितना आएगा इंतजार कर रहा हूं आपका मैं सॉल्व करिए बताइए कितना आएगा दे रहा हूं और क्वेश्चंस करा दे नहीं नहीं मेरी मेरी गाल अब काफी है काफी हैवी हो जाएगा नहीं तो क्योंकि बात ये नहीं कि क्लास लंबी हो जाएगी बात यह कि अब हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए क्योंकि जितने भी सवाल हैं थोड़े से अब हाई मतलब लेवल तो मोटा -मोटा है। है भाई करो करो आंसर बताओ भाई भाई ये वन होगा प्लस वन माइनस वन ये तो कैंसिल हो जाएगा सही बात है यह आपका एलसीएम लोग तो आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे आपका थीटा इंटू साइन थीटा यहां पे आपका टू तो साइन ले ऐसा आया कट गया तो ये आपका आ गया टू साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस हमें क्या लाना था हमें क्या प्रूफ करना है टू पी टू पी पी मतलब P, मतलब हाँ आ तो गया आ तो गया इसको अपन टू पी तो कह सकते हैं भाई जान इसको, अपन, इसको अपन टू पी तो कह सकते हैं थीटा प्लस थीटा पी के तो बराबर है समझे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ठीक एक ये वाला होमवर्क में जो जो मैं होमवर्क देके जा रहा हूं सब बहुत आसान क्वेश्चन है करके रखना ये अच्छा है इसको करना है इसको ट्राई करना है इसको ट्राई करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा पीडब्ल्यू ऐप आप में आपको नोट्स मिल जाते हैं ये बात आपको पता ही है और 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 ठीक है ठीक है ठीक है एक एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करना चाहोगे जरा देखें हंड्रेड परसेंट दे पाओगे कि नहीं हंड्रेड परसेंट दे पाएंगे कि नहीं जरा देखें भैया नीचे आ जाइए आप और नीचे आ जाइए और नीचे आ जाइए और नीचे आ जाइए ठीक है आंसर करना जरा इसका

देखो तो जरा कितना टिक्नोमेट्री पढ़ लिया आप लोगों ने बेज्जत ही नहीं करा ना भैया कोई टीचर अभी बाहर से देख रहा होगा कि साढ़े सात साढ़े छह घंटे होने वाले क्लास को तो सर ये सड़ा हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया वन प्लस क्या होता है one प्लस होता है सही बात है सर ये ये क्या अजीब सा आंसर है कुछ नहीं समझ में साइन कॉस में चेंज करो तो ये आपका हो गया वन अपॉन कॉस स्क् वन अपॉन साइन स्क्स स्क्स नीचे स्क्वायर आइए जरा देखते हैं भैया ऑप्शन नंबर डी हाँ चलो ठीक है ठीक ठाक परसेंटेज है ठीक ठाक परसेंटेज है लोगों ने सही आंसर थर्टी फोर बोल रहे स्क्वायर है अबे यार तुम पहुंच तो गए थे फिर यार यहां पे क्या गलती हुई पहुंच तो गए तो सही तो कर रहे थे यहां पे क्या गलती होगी साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा ना ये ऐसा होगा तो साइन स्क्वायर ऊपर है कॉस स्क्वायर नीचे टैन स्क्वायर ही आएगा हेतू विचार गेमिंग शोभलता देवेश फनी प्रबल ऋषु वरखड राज्य ई मंज मजनू सॉरी मंजू चरण एसकेएस हिरुमनी अवि मुस्कान तनु जन्म जय कटारा कटारा बलदेव द डिस्ट्रॉयर जॉय बॉय अनुष्का सिंह लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कोशिश करो मुझे पोल में पूरा कोशिश करो मुझे पोल में पूरा 100% दो भैया लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ठीक है चलिए Your polls time starts 60, ले लो चलो हटाओ करो आंसर हो गया लो भैया ट्रिग्नोमेट्री भी, भी खत्म हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म है आपका ठीक है ओके करो दे हम्म मैं देख रहा था कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा नहीं छूट रहा लगभग लगभग मैंने सब कुछ करवा दिया आइए देखें भैया तो सेन अपॉन कॉस यहाँ पे वन माइनस साइन ए है या आपका वन प्लस साइन अपॉन कॉस या आपका वन माइनस साइन वन प्लस साइन इंट वन माइनस साइन होता है वन माइनस साइन स्क्वायर और नीचे कॉस तो ये हो गया कॉस स्क्र कॉस तो ये आ गया कॉस अबे यार क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो कौशिक कैसे आ रहा है कौशिक कैसे आ रहा है दोस्तों देखो कौशिक कैसे आ रहा है कौशिक कैसे आ रहा है दोस्तों कलयुग श्रीजित नंदिता अश्मी शुभ रौनक गेमिंग कार्तिके आदित्य आयुष निकुंज अविका आंशी सुमित जानवी पार्थ प्राची बागड़ा अनुभव सुहासनी नीले कौशिक कैसे आ रहा है दोस्तों यहाँ पे तो सब डी ही बोल रहे हैं कोई बोल रहा है एग्जाम इज नियर नथिंग इज क्लियर नो नीड टू वाह वाह बेटा वाँ बेटा चलिए इसी के साथ हमारे सारे सवाल खत्म होते हैं आज का एक लास्ट स्पेशल क्वेश्चन आपको होमवर्क देकर जा रहा हूं बहुत ही आसान सा सवाल है प्लीज ट्राई कर लीजिएगा चार पांच क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिए हैं ट्राई करके रखिएगा होमवर्क है ना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है पूछ सकता है सीबीएसई आपसे ऐसे क्वेश्चन ठीक है आई होप दोस्तों जितने क्वेश्चन मैंने करवाए आपको समझ में आए होंगे अगर इन केस कुछ नहीं बना तो प्लीज आप उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा और इसके साथ साथ प्रैक्टिस शीट आपको आपको जैसे अगर मान लो मेरे नोट्स चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर कोई क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया हुआ है या फिर कोई क्वेश्चन आप दोबारा देखना चाहते हो मैंने कैसे करा तो एक ऑप्शन तो वीडियो में देख सकते हो दूसरा ऑप्शन आप पीडब्ल्यू एप में जाओ फ्री बैच है वॉरियर तो आप इसका नोट्स एक्सेस कर सकते हो वॉरियर बैच वहां पर डालना आप

एन सी टी एग्जाम्पलर भी आपकी कवर हो गई है अब मतलब सारे पी वाई क्यूज भी मैंने कवर करवा ही दिए तो सारा सारा आपका कवर हो गया ये आपका exemplar है ना सारा आपका कवर हो गया है और इसमें काफी सारे आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन थे तो वो भी कवर हो गए ठीक है तो सब कुछ कवर हो गया अब क्या करना है देखो ट्रिग्नोमेट्री डिमांड्स योर प्रैक्टिस आप कुछ भी कर लो ट्रिग्नोमेट्री आपको प्रैक्टिस जरूरत लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के समय निकालकर समय निकालकर क्वेश्चन करिए और अगर किसी बच्चे को अभी भी में डाउट आ रहा है तो उसको मैं एक चीज एडवाइस करूंगा दस क्वेश्चंस या छह सात क्वेश्चंस डेली कर सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सर नहीं बनेगा तो क्या करूंगा सॉल्यूशन देख के करो मैं आप मानो ना मानो आपको लगेगा सॉल्यूशन देख के तो कोई भी कर लेगा नहीं ऐसा नहीं होता सॉल्यूशन देख के करो नहीं बन रहा

अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर सम ऑफ जिनको हम लोग हाइट्स एंड भी कहते हैं आज सॉन्ग के लिए मत कहो आज सॉन्ग नहीं आज मैं आपको कुछ एक आध दो बातें बताता हूँ और उसके बाद मिलेंगे ठीक है समझ में आया लास्ट में हैवी हो गया था ना एक बार सच सच बताया लास्ट में थोड़ा हेवी हो गया था ना मैं खुद फील कर रहा था थावी लग रहा होगा तभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है तीन चार क्वेश्चन छोड़ देंगे तो कोई ऐसे घोर पाप नहीं हो जाएगा ठीक है

मतलब कुड़ोस है मोटिवेशन मतलब तो तो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बस जेनुअल बोल रहा हूँ कि सही में बहुत बड़ी बात है। आपने आपको अपने आपको ऐसे पीठ थपथपा लीजिए करेगा अपने आप को ऐसे करता रहना चाहिए है ना क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में कुछ तो बोलते हैं ठीक है तो बस थैंक यू सो मच मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ये मैं कोई ऐसे मूवी देख रहा था एक तो मेरे को काफी पसंद आई थी तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज है ना दिखाता क्या हूं मतलब ये पढ़वाता हूँ ये पढ़ के अलविदा आज के लिए है ना अब रेस्ट करिएगा चिल करिएगा रिलैक्स करिएगा कोई चीज नहीं बनी लोड नहीं लेना दिमाग में लोड नहीं लेना दिमाग में कोई बात नहीं कोई बात नहीं अगर पचास में से चालीस क्वेश्चन बना तो फायदा ही है ना वो दस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले और नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन तो छोड़ दे वैसे वो नहीं है कि भैया वही वही क्वेश्चन आएगा ठीक है चलिए लाइफ में आप लोग को अभी बहुत आगे जाना है क्लास टेंथ आप पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो डर लग रहा होगा मैं जानता हूँ लेकिन क्लास टेंथ एक बहुत छोटा सा पढ़ाव है मेरे दोस्तों बहुत छोटा सा पढ़ाव है जैसे मेरे जीवन में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक बहुत छोटा सा पढ़ाव है मुझे भी बहुत कुछ करना है आपको भी अभी बहुत कुछ करना है मतलब ऐसा नहीं कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वही सब कुछ मेरे जीवन में डिसाइड करेगा ऐसा नहीं है आज जो कर रहा हूं उसको अच्छे से करना है हाँ शायद कल भी अच्छा होगा तो सिमिलरली आपके साथ है क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन का इतना लोड नहीं लेना है 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 लाइफ अभी बहुत है, बहुत बहुत लंबी आगे आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। कोई भी ऐसा नहीं करेगा क्लास टेंथ में आप सौ, में से सौ ले आओ कोई आपको करोड़ों रुपए नहीं दे देगा मेरी जान कोई आपको किसी कंपनी का बड़े कंपनी का सीईओ नहीं बना देगा उसके बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी समझ में आ रहा है ये पढ़ाई बस आपके दिमाग खोलने के लिए होती है क्योंकि दिमाग खुला होना बहुत जरूरी है ना, तो चिंता नहीं करना अपनी साइड से बेस्ट एफर्ट करते रहो डेली रिवीजन करते रहो डेली लेक्चर्स देखते रहो जो भी आप कर रहे हो जो भी आपकी स्ट्रेटजी वो फॉलो करते रहो ठीक है चलिए तो उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता कभी-कभी क्या होता है ना हमारे मन में कुछ इच्छा करती है कि मैं ये कर लेता हूं ना यार मैं ये कर लेता हूं साल भर 2 साल 3 साल 4 साल सोचते रह जाते हैं सोचते रह जाते हैं अभी जब आप स्कूल पास कर लोगे तब ये वाली चीज ज्यादा होगी कि यार मैं कर लेता मैं कर लेता मैं कर लेता मैं कर लेता बट फिर हम करते ही नहीं और उम्र निकल जाती है तो उसी के ऊपर ये चीज है कि उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता खुदा मैं क्या जोर से जीता खुदा क्या मैं चैन से मरता ठीक है चलिए थैंक यू सो मच इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में अपना अपना ख्याल रखिए मजे करें चल करें ज्यादा लोड नहीं लेना है रिलैक्स करना है रिलैक्स करना है रिलैक्स करना है ठीक है तुम जैसे कि मैंने बताया क्लास टेंथ में एकदम फोड़ भी दोगे तो कोई तुम्हें सीईओ नहीं बना देगा उसके बाद बहुत लाइफ है आई आई टी जे नीट जो भी आप जाना चाहते हो जहां भी जाना चाहते हो बहुत लाइफ है बहुत लाइफ है ये बहुत छोटा सा पड़ाव है अभी बहुत बड़ा लग रहा है बहुत बहुत छोटा सा पड़ाव है अपनी तरफ से अपना एफर्ट करते रहो कल सुबह उठो प्रैक्टिस करो रिविजन करो जो करना है वो करो बस अपनी तरफ से अपना एफर्ट करते रहो ज्यादा मत सोचो आगे की क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा चलो लव यू ऑल टाटा बाय बाय एंड टेक केयर बाय 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 बाय